हाय गाइस, आई होप कि जून 24 की आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और आपकी इसी प्रिपरेशन में मदद करने के लिए मैं इस वीडियो में पार्ट बी और सी जो है जेआरएमसी का वो आपको रिवाइज करवाने वाला हूं। एंड इस वीडियो का सोल पर्पस है आपको कंटेंट जो इन पोर्शंस में दिया हुआ है गो थ्रू करवाना। इसके अंदर मैं कोई भी इनडेप्थ डिस्कशन या कोई भी अंडरस्टैंडिंग इम्पार्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा। सोल पर्पस है आपको कंटेंट गो थ्रू करवाना जिससे आप सेटिस्फाइड रहो एग्जाम के एक दिन पहले कि आपने बढ़िया से जो भी पोर्शन है वो कवर कर लिए हैं। एंड इन पोर्शन के रिस्पेक्ट में आप क्वालिटी आंसर जो है यूजिंग द कीवर्ड्स को लिख करके आप आओ एग्जाम के अंदर। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं और प्लीज मेक श्योर अगर आप ये वीडियो देखते हो और आपको ये पसंद आता है, आपको लगता है कि यस दिस इज बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट, तो आप इसको लाइक भी करो जिससे यूट्यूब इसको जो है दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में भी शेयर करे और उनको भी इस वीडियो से जो है बेनिफिट मिले। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अपने स्टार्ट करें इंटरनल कंट्रोल के साथ में। इंटरनल कंट्रोल के अंदर सबसे पहली चीज है डेफिनेशन इंटरनल कंट्रोल की, जो कि एसए 315 के अंदर दी हुई है। इसके अंदर आपको चार जो पॉइंट्स है वो याद रखने, इस डेफिनेशन को चार पॉइंट्स में जो डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है प्रोसेस किस साइड डिम का। ठीक है, डिजाइन इंप्लीमेंटेड मेंटेन किसके द्वारा, बाय दोस चार्ज विद गवर्नेंस मैनेजमेंट या अदर पर्सनल। क्यों कर रहे हैं वो लोग ऐसा, टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस कि हां एंटिटी अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेगी। कौन से ऑब्जेक्टिव्स, ये तीन। ठीक है, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। तो ये इस तरीके से चार आप तोड़ करके याद रख सकते हो। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या रखना है, तो पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड नहीं है, फिर भी आपको लिख करके आना पड़ेगा बिकॉज गाइडलाइन आंसर में वो कॉपी पेस्ट करेंगे यहां से कंटेंट, तो ये वाला पॉइंट वहां पे हो सकता है। सिंपल सी बात लिखिए, ये पॉलिसी मैटर है जिसको डिजाइन इंप्लीमेंट करती है कंपनी। ठीक है, बेसिक सी बात, बड़ी ऑब्जेक्टिव नहीं है बट फिर भी आप लिख करके आ जाओगे। इसके बाद सेकंड वाले पॉइंट में लिखा है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर इंटीग्रिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ वर्क फ्लो इस तरीके का हो कि एक सिंगल पर्सन जो है वो कैरी आउट ना कर सके सारी की सारी प्रोसेस बिगनिंग टू एंड। वर्क को सेग्रीगेट करा जाए स्मॉल पार्ट्स में और चेक करा जाए, प्रोसेस करा जाए इंडिपेंडेंट पर्सन के द्वारा। ठीक है, इंप्रूव करेगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे, एक्यूरेसी और टाइमलीनेस इंप्रूव करके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। फिर ये वही वाली पूरी लाइन है जो हमने अभी डेफिनेशन के अंदर पढ़ी है। ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस वाली सारी चीजें, तो ये आप लिख करके आ जाओगे ऐसा वैसा। उसके बाद डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड एंड प्रोटेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज एंड लास्ट में प्रोसेस वेरिएशन से आर्बिट्री इंटरवेंशन जो भी होते हैं। ठीक है, उनको रिड्यूस करने में मदद करता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको इसके अंदर ध्यान में रखना है। उसके बाद नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है, तो नेचर ऑफ जो इंटरनल कंट्रोल है वो प्रिवेंटिव मेजर है। ठीक है, तो नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल में आप क्या लिख करके आओगे, प्रिवेंटिव इन नेचर। ठीक है यार, ये जो लाइन लिखी है, नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज प्रिवेंटिव। ठीक है, ये आपको जो है इसके अंदर बता करके आना है। डेफिनेशन जो है वही की वही इन्होंने यहाँ पर दोबारा से लिख दी, तो ये डेफिनेशन तो आप लिख ही दोगे। ठीक है, जो अभी आपने ऊपर पढ़ी है। उसके बाद में आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल के ऊपर। इसके अंदर की अकाउंटिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, अकाउंटिंग कंट्रोल के अंदर आपको क्या दिया, अकाउंटिंग कंट्रोल के अंदर वो सारी मेथड्स आ जाएंगी, अकाउंटिंग कंट्रोल के अंदर वो सारी मेथड्स आ जाएंगी जो किससे रिलेटेड है, एसेट्स को सेफगार्ड करने से रिलेटेड और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की रिलायबिलिटी एंश्योर करने से रिलेटेड। वो सारी मेथड्स आ जाएंगी जो सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स और रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। ठीक है, ये पहली चीज आपको रखनी। फिर इसके कुछ एग्जांपल्स याद रखने, एग्जांपल्स में जैसे कि सिस्टम ऑफ ऑथराइजेशन अप्रूवल इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग कंट्रोल, सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, किस चीज की ड्यूटी सेपरेट कर रहे, रिकॉर्ड कीपिंग और अकाउंटिंग रिपोर्ट्स की, किससे सेपरेट कर रहे हैं, एसेट्स की कस्टडी से, यानी कि जिस पर्सन के पास में एसेट्स की कस्टडी है वो रिकॉर्ड कीपिंग और अकाउंटिंग रिपोर्ट्स का काम नहीं करेगा। ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग अकाउंटिंग रिपोर्ट्स का काम कोई और व्यक्ति करेगा और कस्टडी जो है वो किसी और व्यक्ति के अंडर रहेगी। उसके बाद फिजिकल कंट्रोल रखना असेट्स के ऊपर, इंटरनल ऑडिटिंग करवाना, ये सब इसके क्या है कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आप कोट करके आ सकते हो। उसके बाद में इसमें एग्जांपल दिए कि अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हो तो वो एक अकाउंटिंग कंट्रोल है, लेकिन अगर विजिट्स जो कि सेल्समैन ने करी उसको रिकॉर्ड करा जा रहा है तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, जो यहाँ पर नीचे हमको देखना। ये भी आप एग्जांपल याद रख सकते हो, या आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का एग्जांपल जो यहाँ पर दिया हुआ है वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ विजिट्स बाय सेल्समैन। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल अकाउंटिंग सिस्टम से जो रिलेटेड है उसका एम क्या है। ठीक है ना, वो क्यों हम लगा रहे हैं इंटरनल कंट्रोल जो अकाउंटिंग सिस्टम से रिलेटेड, आखिर उसका एम क्या है। तो उसके चार एम है। ठीक है, सबसे पहला एम क्या है उसका, कि जो भी ट्रांजेक्शन है वो एग्जीक्यूट हो मैनेजमेंट के ऑथराइजेशन से, सारे के सारे ट्रांजेक्शन को प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड करा जाए एप्रोप्रिएट मैनर में। ठीक है, क्यों, टू परमिट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आप जितनी जल्दी रिकॉर्ड करोगे उतनी बेहतर तरीके से क्या होगा, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है प्रिपेयर हो पाएगी। एक्सेस देना असेट्स का सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को जिनके पास मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन है, यानी कि एक्सेस मिलेगा असेट का बट सिर्फ तभी मिलेगा जब आपके पास मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन है। असेट्स को रिव्यू और वेरीफाई करा जाए रीजनेबल इंटरवल्स पे। ठीक है, और एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए अगर कोई भी वेरियंसेस है। तो वेरियंसेस का मतलब क्या है कि आप जो है फिजिकली आप असेट्स को जाकर के देख रहे हो, आपको दिखाई दे रहा है कि यार इसकी 10 यूनिट्स है बुक्स के अंदर, तो बुक्स के अंदर मेंशन है 10 यूनिट्स है बट फिजिकली जाकर के देख रहे हो तो 10 यूनिट्स है नहीं, 6 यूनिट्स निकल रही, तो बाकी की चार कहां पे गई। तो वो जो वेरियंसेस है उसको लेकर के एक्शन लेना, बात क्लियर होगी। ठीक है, आपको जो इसके अंदर रखना है, ट्रांजेक्शन जो है वो मैनेजमेंट के ऑथराइजेशन से हुए हो, ट्रांजेक्शन को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करा गया हो जिससे प्रिपरेशन हो सके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, एक्सेस मिले असेट्स का, ठीक है, मैनेजमेंट के ऑथराइजेशन से, और रीजनेबल इंटरवल्स में हम असेट्स को रिव्यू करते रहेंगे और अगर कोई भी वेरियंसेस होते हैं तो उसको क्या करेंगे, उसके लिए एप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आपको यहाँ पर ये बोला उन्होंने कि कई सारे कंट्रोल्स जो है ना ऑपरेशनल कंट्रोल के अंदर आते हैं, वही एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स भी हैं। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑपरेशनल कंट्रोल वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स आपको दिए जैसे क्वालिटी कंट्रोल, वर्क स्टैंडर्ड, पीरियोडिक रिपोर्टिंग, पॉलिसी अप्रेजल। तो ये आप एग्जांपल्स कोट करके आ सकते हो जब आप वहां पर लिख रहे हो। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स का स्कोप ज्यादा वाइड होता है। ठीक है, ये एक चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का स्कोप ज्यादा वाइड होता है। इसके अंदर सारे मैनेजरियल कंट्रोल्स आ जाएंगे। ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, इसके अंदर सारे मैनेजरियल कंट्रोल्स आ जाएंगे जो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। ठीक है, ये पॉइंट जरूर आप लिख करके आओगे। ठीक है, ये आपके कीवर्ड्स हैं इस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वाला जो पॉइंट है इसको लेकर के। उसके बाद में इसके अंदर आपको क्या चीज याद रखनी है, इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स दिए आपको कंट्रोल्स जैसे कि टाइम एंड मोशन स्टडी, क्वालिटी कंट्रोल थ्रू इंस्पेक्शन, परफॉर्मेंस बजटिंग, रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये एग्जांपल आप लिख करके आ सकते हो इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर आपको
आगे दिया है, पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल जो है वो चार पार्ट्स में समझ सकते हैं, अकाउंटिंग कंट्रोल, ऑपरेशनल कंट्रोल, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। ठीक है, अकाउंटिंग कंट्रोल क्या होता है आपको पता है, ठीक है, ऑपरेशनल कंट्रोल क्या होता है आपको पता है, ऑपरेशनल कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वन एंड द सेम थिंग है। ठीक है, इंटरनल चेक का मतलब क्या है और इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या है, इंटरनल चेक का मतलब है कि डे टू डे वर्किंग जो है, ठीक है ना, वो इस तरीके से हमने बात करके रखी है ड्यूटीज वगैरह फंक्शंस वगैरह स्टाफ की, एक का काम ऑटोमेटिकली दूसरे के द्वारा क्या कर लिया जाए, चेक कर लिया जाए। तो इस तरीके से ड्यूटीज को बांटना, इस तरीके से ड्यूटीज या फंक्शंस को बांटना कि एक का काम ऑटोमेटिकली दूसरे के द्वारा क्या कर लिया जाए, चेक कर लिया जाए, वो क्या आपका इंटरनल चेक है। इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या है, अप्रेजल फंक्शन जो कि परफॉर्म करा जाएगा ऑन द प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस ऑफ ऑडिट। यहाँ पर ये जो डेफिनेशन दी है ये इतनी अच्छी डेफिनेशन नहीं है, आगे आपको इसकी और बेटर डेफिनेशन दी है तो वो आप यहाँ पर जो लिख करके आ सकते हो। अगर वो आपको पूछना है कि जो आपका इंटरनल कंट्रोल है वो उसके चार पार्ट्स बताओ, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल के चार पार्ट्स बताओ, तो आपको ये चारों लिख करके आने हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑल्सो वन मोर थिंग, जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के ऊपर आपसे नोट पूछते हैं तो उन्होंने गाइडलाइन आंसर के अंदर क्या करके रखा हुआ है, उन्होंने ये वाला पार्ट भी दिया हुआ है अपने गाइडलाइन आंसर में। ठीक है, जहाँ पर ये चारों पार्ट्स लिखे हुए हैं। अब ये जो पार्ट है ये अलग पार्ट है, ठीक है, दिस इज अ सेपरेट टॉपिक, बट क्योंकि जिसने भी गाइडलाइन आंसर बनाए होंगे उसने बस कॉपी पेस्ट कर दिया उठा करके, तो उन्होंने ये वाला पार्ट भी दिया हुआ है। तो आप भी फॉर द सेफर साइड क्या कर सकते हो, ये चारों पार्ट्स की एटलीस्ट हेडिंग तो मेंशन करके आ सकते हो। अगर आपको नोट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पे, आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बारे में जो भी जानते हो सब कुछ लिखो और उसके बाद में ये चार पार्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है मेंशन करके आ जाओ सेफर साइड के लिए, बिकॉज ये चीज गाइडलाइन आंसर के अंदर भी हो सकती है कॉपी पेस्ट करके। ठीक है, पहले ऐसा हो चुका है इसीलिए आई एम लाइक टेलिंग यू दिस कि आपको ऐसा करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आप एक ये वाली लाइन और लिख करके आ सकते हो कि इसका इंडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड के साथ में, ऑडिटर से उन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को जो है इवैल्यूएट करने का काम करता है जिनका बियरिंग होता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड पे। ठीक है, सिंपल सी लाइन है, तो ये भी इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद जो एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल के ऊपर, इसमें सबसे पहले दिया सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, इसके अंदर बोला कि ऑपरेशन जो उनको डिवाइड करा जाएगा सीरीज ऑफ सब ऑपरेशन में, इससे चांसेस ऑफ एरर और इररेगुलरिटी जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, बट रिस्क जो है वो कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं होती है। किन किन फंक्शन को आप सेपरेट करते हो, ऑथराइजेशन, एग्जीक्यूशन, कस्टडी और रिकॉर्डिंग। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर बोला कि ये अरेंजमेंट होता है डिफरेंट लेवल ऑफ पर्सनल के बीच में फॉर कैरिंग आउट ऑफ प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इसमें आप डिफाइन एलोकेट करते हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आइडेंटिफाई करते हो लाइन्स ऑफ रिपोर्टिंग को क्लियरली, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यहाँ पर क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी स्टेटमेंट में ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, एम, गोल, पर्पस, जो कि टॉप मैनेजमेंट ले डाउन करता है और एक्सपेक्ट करता है अपने स्टाफ से कि वो अचीव करे। पॉलिसीज प्रोसीजर का मतलब है नेचर ऑफ द पर्सनल बिहेवियर, जब वो अपने फंक्शंस को कैरी आउट करेंगे वो किस तरीके से बिहेव करेंगे। ठीक है, वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आपको बताता है। प्लस ही आपको ये भी बताता है कि टॉप मैनेजमेंट जो उसका एटीट्यूड कैसा है, टॉप मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है जब वो ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा है। इन सब बातों का कुछ मतलब है, बट उसके अंदर मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरा अपना कॉन्सेप्ट है। तो प्लीज आप अभी मीटिंग में मत जाओ, ठीक है, आपको बस मैं गो थ्रू करवा रहा हूँ, वो आप करते चल रहे। ऑथराइजेशन अप्रूवल जो उसका मतलब है सारी ट्रांजेक्शन जो है उनमें ऑथराइजेशन अप्रूवल होना चाहिए बाय द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ठीक है, ये जरूरी है टू एस्टैब्लिश फुल अकाउंटेबिलिटी, जो भी एक्शन लिया जाएगा उसके लिए। पर्सनल के अंदर लिखा है कि पर्सनल जो उसकी कैपेबिलिटीज कमेंसुरेट हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में, यानी कि जो कैपेबिलिटी उनके पास उसी के अकॉर्डिंग उनको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हो। ठीक है, दूसरी चीज में लिखना है क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन, ट्रेनिंग वगैरह और जो भी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं पर्सनल के, वो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए जब आप एक कंट्रोल सिस्टम जो है वो तैयार कर रहे हो। मैनेजमेंट के अंदर लिखा है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है एस्टैब्लिश करने के लिए, मॉनिटर और रिव्यू करने के लिए जो भी सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल है उसको। ठीक है, इन प्रैक्टिस मैनेजमेंट इस चीज को डेलीगेट कर देता है इंटरनल ऑडिटर को, फिर इंटरनल ऑडिटर जो है वो क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि वो रीअश्योरेंस प्रोवाइड करे रिस्पेक्ट टू द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स में लिखा है अकाउंटिंग और अदर रिकॉर्ड्स जो है वो एक्यूरेटली और एडिक्वेटली मेंटेन करे जाने चाहिए, जिससे मैनेजमेंट जो है इनके बेसिस पे फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग जो है कर सके। अकाउंटिंग कंट्रोल के अंदर लिखा है ये वो कंट्रोल्स हैं जो कि चेक करते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड या प्रोसेस कर रहे हो वो वही ट्रांजेक्शन है जिसकी अथॉरिटी जो है वो दी गई थी, यानी सिर्फ ऑथराइज ट्रांजेक्शन की ही रिकॉर्डिंग और प्रोसेसिंग होगी, प्लस जो भी वो रिकॉर्डिंग हो रही है वो करेक्टली हो रही है और जो प्रोसेसिंग हो रही है वो एक्यूरेटली हो रही है। ठीक है, तो दो बातें इसके अंदर, वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड और प्रोसेस करे जाएंगे जिनको ऑथराइज करा गया था और करेक्टली रिकॉर्ड करे जाएंगे और एक्यूरेटली प्रोसेस करे जाएंगे, ये चीज इसके अंदर आ जाएगी। इसके कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर आपको आगे दिए हुए, एग्जांपल्स तो आप जो आपने आगे पढ़े वही वाले भी यहाँ पर लिख सकते हो। प्रोटेक्शन ऑफ असेट के अंदर लिखा है कंसर्न है मेनली विद द कस्टडी ऑफ द असेट्स एंड प्रोसीजर्स एंड सिक्योरिटी मेजर्स जो आपने बनाए हैं कि जो एक्सेस है असेट्स का वो सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज पर्सनल को ही मिलेगा। ठीक है, मेनली कंसर्न है विद द कस्टडी ऑफ असेट्स और वो प्रोसीजर और सिक्योरिटी मेजर्स जो कि किस लिए बनाए कि एक्सेस असेट्स का सिर्फ ऑथराइज पर्सनल को ही मिलेगा। इन सुपरविजन के अंदर लिखा है हर एक इंटरनल सिस्टम का जो भी कंट्रोल यानी इंटरनल कंट्रोल का जो भी सिस्टम होता है उसके अंदर सुपरविजन जो है करा जाना चाहिए बाय द रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स। किस चीज का सुपरविजन, जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शन है उनका और उनकी रिकॉर्डिंग का। ये जो भी इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम है उसको लेकर के रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है उसको सुपरवाइज करें कि किन चीजों को सुपरवाइज करें, जो भी ट्रांजेक्शन है और जो उनकी रिकॉर्डिंग है उसको। तो ये आपको याद रखना है एलिमेंट्स के अंदर। अब आप आ जाओ कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल के ऊपर। इसके अंदर सबसे पहले आपको दिया है कंट्रोल एनवायरनमेंट, जिसके अंदर सेवन पॉइंट्स दिए। सबसे पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। इसके अंदर सबसे पहली बात लिखी है कि जो भी कंट्रोल है वो किससे ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकते, इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज से ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकते। यानी सबसे अच्छी चीज जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि एक पर्सन खुद अपनी इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज के अकॉर्डिंग एक्ट करे। अगर वो खुद ऐसे एक्ट करेगा तो गलत काम नहीं करेगा। राइट, सो इसका मतलब क्या, इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल जो है वो इंटीग्रिटी या एथिकल वैल्यूज ऑफ द पर्सन से ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकते हैं। तो ये एक चीज आपको इसके अंदर लिख करके आनी। फिर उसके बाद इंटीग्रिटी एथिकल बिहेवियर जो है
है, वो किस पे डिपेंड करते हैं, कि एंटिटी का एथिकल और बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स क्या है, उनको किस तरीके से बताया जा रहा है जो भी काम कर रहे हैं लोग उनको, और किस तरीके से उनको इंप्लीमेंट करा जा रहा है। एनफोर्समेंट इंटीग्रिटी एथिकल वैल्यूज की जो है ठीक है उसको लेकर के कुछ एग्जांपल यहां पर दिए हैं, जैसे मैनेजमेंट जो एक्शन ले जैसे कि टेम्पटेशंस वगैरह ना हो पर्सनल को, कि वो डिसऑनेस्ट इलीगल या अनएथिकल एक्ट्स वगैरह परफॉर्म करें, तो ये इसके अंदर आप एग्जांपल लिख करके आ जाओगे। उसके बाद में कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है इसका, ठीक है ना, इसमें दो पार्ट है हेडिंग के अंदर, कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट। सो हमने एनफोर्समेंट वाला पार्ट पढ़ लिया। कम्युनिकेशन वाले में लिखा है कि कम्युनिकेशन एंटिटी की पॉलिसीज का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रिटी एथिकल वैल्यूज वो कैसे करा जा सकता है, आप बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स कम्युनिकेट करो क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पॉलिसी स्टेटमेंट्स की मदद से, कोड्स ऑफ कंडक्ट की मदद से, ठीक है, इन सब की मदद से आप जो भी बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स उनको कम्युनिकेट कर सकते हो, तो ये बात आपको इसके अंदर लिख करके आनी है। फिर आपको दिया कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, जिसके अंदर आपको बताया कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है, नॉलेज स्किल्स जो कि जरूरी है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अगला जो पॉइंट आपको दिया है वो पार्टिसिपेशन बाय दोस चार्ज विद गवर्नेंस, इसके अंदर ये लिखा है कि एंटिटी का कंट्रोल इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो गवर्नेंस हैंडल करते हैं वो किस तरीके से उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अलग अलग कोड्स ऑफ प्रैक्टिस और लॉज और रेगुलेशन के अंदर रिकॉग्नाइज करी गई है। कंपनीज एक्ट के अंदर आप देखते हो डायरेक्टर क्या करेगा, उसकी ड्यूटीज क्या है, ठीक है, सीओ सीएफओ को कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना पड़ता है सीबीएलओडीआर के अकॉर्डिंग, तो ये उसी की बात होगी कि इनकी अलग अलग जगह पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करा गया। एंड उसके बाद में आप इसके अंदर लिखोगे कि इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि ये डिजाइन और इफेक्टिव ऑपरेशन जो है विसल ब्लोअर प्रोसीजर के उसको क्या करेंगे, ओवरसाइट करने का काम करेंगे, यानी कि सुपरवाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे काम कर रहा है उसको रिव्यू करने का काम करेंगे, तो इनके ही काम होंगे। उसके बाद में मैनेजमेंट का फिलोसॉफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल कैसा है, इसमें लिखना है मैनेजमेंट फिलोसॉफी और ऑपरेटिंग स्टाइल के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि मैनेजमेंट का एटीट्यूड और एक्शन क्या है, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने की बात आती है वो कंजर्वेटिव या एग्रेसिव सिलेक्शन करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, ठीक है, तो किस तरीके से वो चॉइस जो है अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, एग्रेसिवली कर रहे हैं, कंजर्वेटिवली कर रहे हैं, वो सब इसके अंदर जो है कवर हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर लिखना है कि की एरियाज ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एप्रोप्रिएट लाइंस ऑफ रिपोर्टिंग वगैरह जो इसके अंदर आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर, ये पहले भी देख चुके हैं हम, तो वाला पॉइंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो भी पॉलिसीज है रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएट बिजनेस प्रैक्टिसेस, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस की पर्सनल का, रिसोर्सेज जो प्रोवाइड करी जाएंगी उनको ड्यूटीज कैरी आउट करने के लिए, ये इसके अंदर जो है आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस भी एक इंपॉर्टेंट मैटर है कंट्रोल के रिलेशन में, इसके अंदर आप ये देखते हो कि स्टैंडर्ड्स क्या है फॉर रिक्रूटिंग द मोस्ट क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स, एजुकेशनल बैकग्राउंड आप कैसे आप क्या प्रेफर कर रहे हो, एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्रायर वर्क एक्सपीरियंस, पास्ट अकम्प्लिशमेंट्स, क्या चीज देखोगे आप जब किसी भी व्यक्ति को रखोगे, ठीक है, उनके इंटीग्रिटी एथिकल बिहेवियर का एविडेंस, ये सारी चीज इसके अंदर आएगी। ट्रेनिंग पॉलिसीज क्या है कंपनी के अंदर, ट्रेनिंग स्कूल्स और सेमिनार्स होते हैं या नहीं होते, प्रमोशन जो भी होते हैं वो परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद में होते हैं या नहीं होते, ये सारी चीजें इसके अंदर हम जो है देखेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है जो भी आपका कंट्रोल एनवायरमेंट वाला पॉइंट है उसके अंदर। उसके बाद एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, इसके अंदर आपको सबसे पहले चार चीजें लिखनी है कि इसमें मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करता है बिजनेस रिस्क जो कि रेलेवेंट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो रिस्क कितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, असेस करते हैं लाइक्लीहुड उनके होने का और डिसाइड करते हैं एक्शंस पे जो हम लेंगे उनको मैनेज करने के लिए। रिस्क वगैरह जो है वो अराइज हो सकती है, चेंज हो सकती है अलग अलग सर्कमस्टांसेस के कारण, उनके एग्जांपल आपको यहां पर दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में चेंज आ जाना, पर्सनल जो है वो न्यू पर्सनल अगर आती है कंपनी के अंदर उनका एटीट्यूड वगैरह उनका फोकस एरियाज अलग हो सकते हैं, न्यू और रिवाम्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम अगर है तो वो एक कारण हो सकता है रिस्क चेंज पर, रिस्क के चेंज होने का, इंट्रोड्यूस होने का, रैपिड ग्रोथ अगर है तो हो सकता है आपका एक्जिस्टिंग कंट्रोल जो है वो तैयार नहीं है उतने ग्रोथ को हैंडल करने के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू बिजनेस मॉडल, प्रोडक्टर एक्टिविटीज, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, एक्सपांडेड फॉरेन ऑपरेशंस या न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट, ये सब कारण हो सकते हैं, ठीक है, रिस्क के अराइज होने के या उसमें चेंज आने के, तो ये आपको जो है पॉइंट्स याद रखने हैं। उसके बाद में इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है इंक्लूडिंग रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन, इस हेडिंग में भी दो पार्ट्स हैं, ये जो पहला वाला इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला और दूसरा कम्युनिकेशन वाला। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में सबसे पहले आपको देखना है इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर क्या चीज आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसीजर, डेटा, ये सब इसके अंदर आता है। अगला पॉइंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, इसमें वो मेथड्स और रिकॉर्ड्स आते हैं जो कि आइडेंटिफाई और रिकॉर्ड करे सारे वैलिड ट्रांजेक्शन को, टाइमली बेसिस पे डिस्क्राइब करे ट्रांजेक्शन को सफिशियंट डिटेल में, जिससे कि प्रॉपर क्लासिफिकेशन उन ट्रांजेक्शन का हो सके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पर्पज के लिए, मेजर करे उन ट्रांजेक्शन की वैल्यू को, ठीक है, इस तरीके से कि हम रिकॉर्डिंग कर पाए प्रॉपर मॉनिटरी वैल्यू की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, डिटरमाइन करे टाइम पीरियड जिसमें वो ट्रांजेक्शन ऑकर हो रहा है, जिससे उसको अकाउंटिंग पीरियड जो है प्रॉपर अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करा जा सके, और प्रॉपरली प्रेजेंट करे ट्रांजेक्शन को रिलेटेड डिस्क्लोजर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है इसमें लिखा है कम्युनिकेशन के अंदर आता है अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनल कंट्रोल जो हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए बनाए हैं। इसके अंदर आप कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हो, पॉलिसी मैनुअल्स की मदद से, अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनुअल्स की मदद से, या मेमोरेंडा बना करके कम्युनिकेशन आपका इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है, ओरली भी हो सकता है, या एक्शंस जो मैनेजमेंट लेते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है, यानी कम्युनिकेशन थ्रू कंडक्ट भी हो सकता है, ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। फिर कंट्रोल एक्टिविटीज के अंदर आता है परफॉर्मेंस रिव्यू, इसके अंदर लिखा है हम रिव्यू करेंगे, एनालिसिस करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस का, जो भी बजटेड या फोरकास्टेड परफॉर्मेंस या जो प्रायर पीरियड की परफॉर्मेंस है उसके साथ में, इसमें हम इंटरनल डेटा को कंपेयर करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ में। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर लिखा है इसके अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एक्टिविटीज को दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं, एक होता है एप्लीकेशन कंट्रोल, एक होता है जनरल आईटी कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल का मतलब है जो प्रोसेस करे इंडिविजुअल एप्लीकेशन को, और जनरल आईटी कंट्रोल का मतलब है जो कि कई सारी एप्लीकेशन को प्रोसेस करे, तो ये सिंपल सा आप याद रख सकते हो। एप्लीकेशन के कंट्रोल के अंदर क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं, आर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना,
ठीक है, मेंटेन रिव्यू करना अकाउंट्स का, ट्रायल बैलेंसेस को ये आप इसके अंदर लिख लोगे। जनरल आईटी कंट्रोल के एग्जांपल्स में आता है कंट्रोल जो एक्सेस रेस्ट्रिक्ट करें या मॉनिटर करें यूज ऑफ द सिस्टम, ये आप इसके अंदर लिखोगे। फिजिकल कंट्रोल वाला जो पॉइंट इसमें लिखा है कि वो सारे कंट्रोल इसमें आएंगे जो कि फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ असेट्स के लिए जरूरी है या ये इंश्योर करने के लिए जरूरी है कि ऑथराइजेशन जो है ठीक है ना वो प्रोवाइड करी जाए जब किसी को भी कंप्यूटर प्रोग्राम को या डेटा फाइल्स को क्या करना है एक्सेस करना है, बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा ठीक है ना। उसके बाद एग्जांपल के अंदर आप लिखा है पीरियोडिक काउंटिंग अगर आप करते हो, कंपैरिजन करते हो अमाउंट्स का जो कि कंट्रोल रिकॉर्ड्स में शो करे गए हैं ठीक है, जैसे कि कैश जो है कैश को आपने फिजिकली वेरीफाई कर लिया ठीक है एज कम्पेयर टू द अमाउंट जो कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर मेंशन है, इन्वेंट्री के लिए आपने वाली सेम चीज कर ली तो वो इसका एक पार्ट हो जाएगा ठीक है ना, वो इसका क्या एक एग्जांपल ही आप लिख के आ जाओगे। देन इसके अगला पॉइंट है सिग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का, इसमें लिखा है कि असाइन करना डिफरेंट पीपल को रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑथराइज करने की ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड करने की ट्रांजेक्शन और कस्टडी मेंटेन करने के लिए, यानी तीनों काम के लिए अलग अलग लोगों के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसी भी एक के पास नहीं होगी ठीक है ना। अलग अलग लोगों को देने से क्या होगा, एरर और फ्रॉड वगैरह जो है वो कई हद तक रिड्यूस हो जाएगा, जो चांसेस है एरर की या फ्रॉड की वो कई हद तक रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद लास्ट वाले पॉइंट में लिखा है कुछ ऐसी कंट्रोल एक्टिविटीज होती है जिसके लिए आपको हायर लेवल पॉलिसीज जो है वो बनानी पड़ती है ठीक है, कुछ ऐसी कंट्रोल एक्टिविटीज होती है जिसके लिए हायर लेवल पॉलिसीज यानी टॉप मैनेजमेंट को कुछ पॉलिसीज बनानी होती है, जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया है ऑथराइजेशन कंट्रोल को आप डेलीगेट कर सकते हो ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, मतलब क्या हुआ जितना अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि कौन जो है ऑथराइज करेगा उस ट्रांजेक्शन को, अगर एक करोड़ तक हो रहा है तो एक फलाना व्यक्ति करेगा, एक करोड़ से ज्यादा है पांच करोड़ तक तो कोई और करेगा, पांच करोड़ से ज्यादा है तो कोई और करेगा ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो ऑथराइजेशन के लेवल सेट कर देते हो, तो वो इसका एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल इसका हो गया कि नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन जो है जैसे मेजर एक्विजिशन या डेवेस्टमेंट वगैरह अगर हो रहे हैं तो उसके लिए हाई लेवल अप्रूवल लगेगा, जैसे शेयर होल्डर्स का अप्रूवल, तो ये इसके अंदर आपको जो है लिख करके आना। उसके बाद मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल के अंदर लिखा है कि ये देखो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल वाला जो ये पैरा है इसको आपको ना तीन कैटेगरीज में डिवाइड करना है, मैनेजमेंट का क्या रोल रहेगा विद रिस्पेक्ट टू मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, इंटरनल ऑडिटर्स का क्या रोल रहेगा विद रिस्पेक्ट टू मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल और एक्सटर्नल पार्टीज का क्या रोल रहेगा विद रिस्पेक्ट टू मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। अब मैनेजमेंट के रोल के अंदर लिखा है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एस्टैब्लिश और मेंटेन करें इंटरनल कंट्रोल को ऑनगोइंग बेसिस पे ठीक है, उनको ये देखना है कि इंटरनल कंट्रोल वैसे ही काम कर रहे हैं जैसा कि वो चाहते थे कि वो काम करें ठीक है। उसके बाद में उनको मॉडिफाई करा जाए एप्रोप्रिएट चेंजेस के कारण, जो भी कंडीशंस वगैरह में चेंजेस आते हैं, सर्कमस्टेंसेस में चेंजेस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने कंट्रोल्स को भी क्या कर लो मॉडिफाई कर लो, तो ये तीन चीज आ गई। उसके बाद मैनेजमेंट क्या करेगा, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है बैंक रिकंसिलिएशन वगैरह देखेगा, इंटरनल ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा सेल्स पर्सनल ने कंप्लाई करा या नहीं करा जो हमने पॉलिसीज बनाई है विद रिस्पेक्ट टू सेल्स कॉन्ट्रैक्ट उसको लेकर के, तो ये सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे। अब इंटरनल ऑडिटर जो है, इंटरनल ऑडिटर या जो भी पर्सनल इंटरनल ऑडिटर जैसा ही कोई फंक्शन परफॉर्म करिए वो भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती है मॉनिटरिंग के अंदर सेपरेट इवैल्यूएशन करके, यानी अलग से वो लोग क्या करेंगे इवैल्यूएट करेंगे सिस्टम्स वगैरह कैसे काम कर रहे हैं और उसकी मदद से आपको फीडबैक मिल जाएगा कि यार कहां पर सही चीज नहीं हो रही है कहां पर सही चीज हो रही है, तो ये इनका एक रोल आपको बता दिया उन्होंने ठीक है। उसके बाद में ये आपको क्या बता सकते हैं, ये आपको बता सकते हैं फंक्शनिंग कैसी है आपके इंटरनल कंट्रोल की, उसकी स्ट्रेंथ क्या और उसकी डेफिशिएंसीज क्या क्या है ठीक है। एक्सटर्नल पार्टीज के अंदर आपको एक्सटर्नल पार्टीज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आपको प्रॉब्लम एरियाज पता चल सकते हैं, ऐसे एरियाज पता चल सकते हैं इंटरनल कंट्रोल के जहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इस एक्सटर्नल पार्टीज के अंदर आपको तीन लोगों की बात करी गई है, कस्टमर्स, रेगुलेटर्स और एक्सटर्नल ऑडिटर्स, तो आप भी ये लिख करके आ जाओगे कि एक्सटर्नल पार्टीज में जैसे कस्टमर्स वगैरह या रेगुलेटर्स वगैरह या जो भी एक्सटर्नल ऑडिटर वगैरह होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपका इंटरनल कंट्रोल कहाँ अच्छे तरीके से काम कर रहा है कहाँ पर नहीं कर रहा, तो ये आपको जो है पूरा कॉम्पोनेंट्स के अंदर लिख करके आना है। इसके बाद में आपको दिया है लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इसके अंदर बोला है कि ये सिर्फ रीजनेबल इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है और इसके अपने इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, जिसमें दो एग्जांपल्स आपको दिए हैं, एक ह्यूमन जजमेंट जो है वो फॉल्टी हो सकता है डिसीजन मेकिंग में और दूसरा ब्रेकडाउन हो सकता है इंटरनल कंट्रोल में ह्यूमन एरर के कारण। उसके बाद अगला जो पॉइंट उसमें बोला है कि कंट्रोल जो उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, दो या उससे ज्यादा लोग जो है आपस में मिलकर के मैनेजमेंट भी ओवरराइड कर सकता है इंटरनल कंट्रोल को। इसमें एग्जांपल दिया कि मैनेजमेंट हो सकता है साइड अग्रीमेंट में एंटर करे कस्टमर्स के साथ में जो कि एल्टर करे टर्म्स एंड कंडीशंस को जो स्टैंडर्ड सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में आपने बना करके रखी है, तो आप कुछ और ही टर्म्स एंड कंडीशंस पर क्या कर रहे हो कस्टमर के साथ में अग्रीमेंट कर रहे हो जो स्टैंडर्ड सेल्स कॉन्ट्रैक्ट आपने बना रखा है उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं कर रहे, तो ये मैनेजमेंट जो अपने हिसाब से कभी भी कुछ भी ओवरराइड कर सकता है। एंड लास्ट में लिखा है जो डिजाइन एंड इंप्लीमेंट करना है कंट्रोल को, ये पूरा मैनेजमेंट के जजमेंट पे डिपेंड करता है प्लस मैनेजमेंट कितनी रिस्क जो है वो लेना चाहता है, तो इसका डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन इट टोटली डिपेंड्स ऑन द विम्स ऑफ द मैनेजमेंट, तो ये भी एक इसका क्या लिमिटेशन है। उसके बाद में आपको बताया कंसिडरेशन स्पेसिफिक टू स्मॉलर एंटिटीज, इसके अंदर लिखा है कि अगर स्मॉलर एंटिटीज की बात करें तो वहाँ पे फ्यूअर एम्प्लॉइज होते हैं इसीलिए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज जो है वो ज्यादा नहीं हो सकता वहाँ पर क्योंकि लोग ही कम है, सो लिमिट लग जाती है ऑटोमेटिकली सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज पे। साथ ही में जो ओनर या मैनेजर है वो ज्यादा क्या कर पाता है ओवरसाइट जो है वो एक्सरसाइज कर पाता है, ज्यादा कंट्रोल बेसिकली
जो है एक्सरसाइज कर पाता है बिकॉज छोटी एंटिटी है। लेकिन दूसरे पॉइंट पे आपको ये बताया कि ओनर या मैनेजर जो है ठीक है ना, वो आसानी से ओवरराइड भी कर सकता है कंट्रोल को बिकॉज स्मॉलर एंटिटीज में जो इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद डिवीजन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इनटू कंपोनेंट्स के अंदर आपको वही पॉइंट्स बताए जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स में ये तो काम करनी है। बट यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करिए, इसके अंदर आपको बताया कि जो कंट्रोल्स है मैनुअल सिस्टम के उसमें आ जाता है अप्रूवल्स वगैरह, रिव्यूज वगैरह, ट्रांजेक्शन के रिकंसिलेशन, फॉलो अप, रिकंसाइलिंग आइटम्स, ये सारी चीजें मैनुअल कंट्रोल में आ जाती है बेसिकली। और आईटी सिस्टम जो होता है, आईटी सिस्टम के अंदर दोनों ऑटोमेटिक कंट्रोल्स और मैनुअल कंट्रोल्स जो है वो आते हैं, कि आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में बेनिफिट्स आपको बताए हैं आईटी के, ठीक है, कि आईटी किस तरीके से बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करता है एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को लेकर के, तो ये आपको जो याद रखना है। इस पे आपको सवाल आ सकता है, इसमें लिखा है कि पहला बेनिफिट है कि आप प्री डिफाइंड बिजनेस रूल्स को या परफॉर्म कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो प्री डिफाइंड बिजनेस रूल्स बार बार, ठीक है, ऑटोमेटिकली रन कर सकते हो बेसिकली, इसका मतलब ये है, और परफॉर्म कर सकते हो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जहां पर भी लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन या डेटा इन्वॉल्व है। टाइमलीनेस, अवेलेबिलिटी, एक्यूरेसी इन्फॉर्मेशन की एनहांस करता है, फैसिलिटेट करता है एडिशनल एनालिसिस इन्फॉर्मेशन का, एनहांस करता है एबिलिटी टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस एंटिटी की एक्टिविटीज और उसके पॉलिसीज प्रोसीजर का, रिड्यूस करता है रिस्क की, कंट्रोल्स को सरकमेंट करा जा सकता है बिकॉज काम कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है, तो वो जो है रिस्क कम हो जाती है। एंड एनहांस द एबिलिटी टू अचीव इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बाय इंप्लीमेंटिंग सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो भी एप्लीकेशन डेटाबेस या ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उसके अंदर। फिर क्या क्या रिस्क पोस करता है ये, तो ज्यादा रिलायंस अगर आप प्लेस करते हो सिस्टम प्रोग्राम पे जो कि इनएक्यूरेटली प्रोसेस कर रहे हैं डेटा या गलत डेटा को क्या कर रहे हैं प्रोसेस कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है, अगर आप सिस्टम या प्रोग्राम पे रिलायंस प्लेस कर रहे हो, ठीक है, कौन से सिस्टम के ऊपर जो कि इनएक्यूरेटली प्रोसेस कर रहे हैं डेटा को या फिर गलत डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं। दूसरा, अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा जो कि डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा कॉज कर सकता है या इंप्रॉपर चेंजेस टू डेटा कॉज कर सकता है, पॉसिबिलिटी की जो आईटी पर्सनल यानी आईटी डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उनको कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो है एक्सेस मिल जाए जो उनको नहीं मिलना चाहिए। देन अनऑथराइज चेंजेस कर दिए जाए डेटा के अंदर जो मास्टर फाइल में, अनऑथराइज चेंजेस सिस्टम या प्रोग्राम में करे जा सकते हैं, फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस टू सिस्टम या प्रोग्राम या इनएप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन या पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा, इनएबिलिटी टू एक्सेस द डेटा इज रिक्वायर्ड। देन स्किल मैनुअल एलिमेंट्स कहां का सुटेबल होते हैं, जहां पर लार्ज अनयूजुअल या नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन एंड सर्कमस्टांसेस जहां पर एरर्स डिफिकल्ट है डिफाइन करने के लिए, एंटिसिपेट या प्रेडिक्ट करने के लिए। इन चेंजिंग सर्कमस्टांसेस जहां पर कंट्रोल रिस्पॉन्स चाहिए आपको आउटसाइड द स्कोप ऑफ एन एक्जिस्टिंग ऑटोमेटिक कंट्रोल एंड इन मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑटोमेटिक कंट्रोल्स, इनके लिए मैनुअल एलिमेंट ज्यादा क्या है सुटेबल, ये आपको ध्यान रखना है। मैनुअल एलिमेंट्स जो है वो लेस रिलायबल है, कब लेस रिलायबल, जहां पर हाई वॉल्यूम या रिकरिंग ट्रांजेक्शन है, ठीक है, या जहां पर आप एरर्स को एंटिसिपेट प्रेडिक्ट या प्रिवेंट डिटेक्ट वगैरह करा जा सकते हैं। कंट्रोल एक्टिविटीज जहां पे स्पेसिफिक वेज है टू परफॉर्म द कंट्रोल कैन बी एडिक्वेटली डिजाइन एंड ऑटोमेटेड, यानी जहां पर भी ऐसी कंट्रोल एक्टिविटीज है आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है, कंट्रोल्स को, तो वहां पर ये काम के नहीं है बिकॉज वहां पर फिर क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक वाला आ जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटेड वाला आ जाएगा। एंड एक्सटेंडेड नेचर जो है रिस्क का टू द इंटरनल कंट्रोल वो डिपेंड करता है नेचर और कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर ऑफ द एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर एंटिटी रिस्पॉन्ड करती है रिस्क की तरफ जो कि अराइज होने फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी या फ्रॉम द यूज ऑफ मैनुअल एलिमेंट्स इन इंटरनल कंट्रोल बाय एस्टैब्लिशिंग इफेक्टिव कंट्रोल्स इन लाइट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये वाला पॉइंट आपके इतना ज्यादा काम का जो है नहीं है आपके लिए, सर काम की यही दो पॉइंट है कि यार हाई वॉल्यूम और रिकरिंग ट्रांजेक्शन अगर हो रहे हैं या जहां पर एरर वगैरह को एंटिसिपेट प्रेडिक्ट करा जा सकता है, और दूसरा कंट्रोल एक्टिविटीज जहां पर स्पेसिफिक वेज है टू परफॉर्म द कंट्रोल उसको आप एडिक्वेटली डिजाइन और ऑटोमेट कर सकते हो, तो ये आपको जो इसके अंदर ध्यान में रखना है। इसके बाद में आपको दिया हुआ टेक्निक्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इसके अंदर बोला है कि जो भी बिजनेस हायर करता है एम्प्लॉय को उसके अंदर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की जो रिस्क है वो रहती है, ठीक है, तो वैरायटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल टेक्निक्स जो है वो यूज करा जा सकता है टू प्रिवेंट दिस, ठीक है, उसमें क्या क्या आपको एग्जांपल्स दें, क्लियर डिवीजन करना वर्क का, सेग्रीगेशन करना वर्क का इस तरीके से कि एक का काम जो है वो एक का काम जब खत्म हो तो वो दूसरे के काम की स्टार्टिंग हो, ठीक है। देन उसके बाद क्लैरिटी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क फ्लो प्रोसेस डॉक्यूमेंटेड और स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, कोई भी सिंगल पर्सन जो उसके पास एक्सेस या कंट्रोल नहीं होना चाहिए इंपॉर्टेंट बिजनेस ऑपरेशन का, जॉब रोटेशन होना चाहिए पीरियडिकली, मैंडेटरी लीव पर भेजना चाहिए जो भी इंप्लॉइज उनको, देन पर्सन जिनके पास चार्ज है इंपॉर्टेंट असेट्स का आप उनको अलाउ मत करो टू हैव एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पीरियडिकल इंस्पेक्शन होना चाहिए फिजिकल असेट्स का, वैल्यूएबल आइटम्स जो उनको फिजिकली इंस्पेक्ट करा जाना चाहिए, और पीरियडिसिटी जो है वो इरेगुलर इंटरवल्स पर होनी चाहिए, सरप्राइज चेक्स वगैरह जो है वो करनी चाहिए, ये सारे पॉइंट्स एंड टेक्निक्स के अंदर आपको याद रखना है। उसके बाद आपको बोला फॉलोइंग मेथड्स अडॉप्ट करी जाती है फॉर इंटरनल कंट्रोल मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कौन कौन सी मेथड्स हैं, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, फ्लो चार्ट्स, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर और इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन, तो ये आपको पांचों पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में आपको दिया इंटरनल चेक, इंटरनल चेक के अंदर आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो है वो ध्यान रखनी है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि यार ड्यूटीज को इस तरीके से एलोकेट करा जाता है कि एक का काम दूसरा चेक कर लेता है जब वो दूसरा व्यक्ति अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज कर रहा है या परफॉर्म कर रहा है नॉर्मल कोर्स में, ठीक है, तो अलग से कोई चेकिंग नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली जब वो अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करता है तो चेकिंग जो है वो हो जाती है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि इसका ऑब्जेक्ट है टू प्रिवेंट या अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर या फ्रॉड। तीसरी चीज आपको इसके अंदर लिखनी है कि ड्यूटीज को डिवाइड या सब डिवाइड करा जाता है इस तरीके से कि डिस्क्रिपेंसीज जो है वो खुद ब खुद अपने आप क्या हो जाए सिस्टम में से जो है सामने आ जाए, ठीक है, तो ये एक थर्ड पॉइंट हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद फोर्थ आपको लिखना है ऑब्जेक्टिव जो एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज का, वो ये कि कोई भी सिंगल इंडिविजुअल के पास एक्सक्लूसिव कंट्रोल ना हो किसी भी एक ट्रांजेक्शन को लेकर या ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन को लेकर के। उसके बाद में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्या है इसके, स्पेसिफिक पर्सन को असाइन करना जो भी स्पेसिफिक ड्यूटीज है, स्पेसिफिक पर्सन को स्पेसिफिक ड्यूटीज असाइन करना, फिजिकल फाइनेंशियल कंफर्मेशन फैक्ट्स को ऑब्टेन करना नेसेसरी रिकॉर्ड से, फैसिलिटेट करना ब्रेकडाउन अकाउंटिंग प्रोसीजर का जिससे कि काम जो है वो इवनली चलता रहे, जो भी वर्क है ऑपरेशन है वो इवनली कैरी आउट होते रहे, एंड टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्रॉड और एरर। ये चार आपको चीजें इसमें ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्ट्स हैं इंटरनल चेक सिस्टम के, ठीक है,
फिर आगे आपको एसेंशियल फीचर्स दिए इंटरनल चेक के, जिसके अंदर बोला है प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क और रिस्पांसिबिलिटीज, ड्यूटीज हर एक पर्सन की जो है प्रॉपर्ली डिफाइंड होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी कि एक ही व्यक्ति को पूरा का पूरा कंट्रोल मिल जाएगा, ये जो अगर चांसेस है ऐसा कुछ भी तो वो अनचेक नहीं होना चाहिए, टू मच कॉन्फिडेंस एक पर्सन पे नहीं जो है प्लेस करना चाहिए, ड्यूटीज ऑफ स्टाफ रोटेट करी जानी चाहिए, नेसेसरी सेफगार्ड्स होने चाहिए जिससे कि कॉल्यूजन ना हो सके, यानी दो लोग आपस में मिलकर के फ्रॉड वगैरह या कंट्रोल को ओवरराइड वगैरह जो है ना कर सके, पर्सन जो कैश हैंडल कर रहा है स्टॉक या सिक्योरिटीज वगैरह हैंडल कर रहा है उसको कंपलसरी लीव जो है वो दी जानी चाहिए, फिजिकल इन्वेंट्री फिक्स असेट्स की स्टॉक्स की उसका जो है पीरियोडिकली आपको मतलब फिजिकल इन्वेंट्री यानी कि आप ये इसमें क्या चीज आ जाएगी काउंटिंग वगैरह जो इसके अंदर आ जाएगी कि पीरियोडिकली वो चीज होनी चाहिए, असेट्स जो है उनको प्रोटेक्ट करना है अनऑथराइज्ड यूज से, लॉस और मिस अप्रोप्रिएशन जो है कैश का वो प्रिवेंट करने के लिए मैकेनिकल डिवाइसेज होनी चाहिए जैसे ऑटोमेटिक कैश रजिस्टर, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स वगैरह जो है अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए अलग अलग ऑफिसर्स के बीच में, और अकाउंटिंग प्रोसीजर जो है वो आपको लेट डाउन करने चाहिए पीरियोडिकल वेरिफिकेशन और टेस्टिंग के लिए ऑफ अलग अलग सेक्शन ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, तो ये 12 पॉइंट्स जो इसके अंदर आप याद रखोगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल चेक के अंदर सबसे पहले ये डिवीजन ऑफ वर्क, इसमें लिखा है वर्क को डिवाइड करा जाएगा इस तरीके से कि कोई भी जो प्रोसेस है वो एक सिंगल पर्सन या फ्यू पर्सन जो है कैरी आउट ना कर सके, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखा है सिंस द एम्प्लॉई सपोज टू अंडरटेक स्मॉल पोर्शन ऑफ द वर्क, तो आसानी से आप जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर पाते हो, यानी आप आसानी से ये बोल सकते हो कि भाई आप किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, बिकॉज उसको एक स्मॉल पोर्शन ऑफ द वर्क करना है। देन उसके बाद इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें लिखा है कि क्योंकि आप एक स्मॉल पोर्शन कर रहे हो पूरी प्रोसेस का, ठीक है, और उसी को आप बार 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 करते हो तो ग्रेजुअली आपकी एक्सपर्टीज आ जाती है और आप उसको स्पीड और एक्यूरेसी के साथ कर पाते हो। मिनिमाइजेशन ऑफ एरर में भी ऐसी कुछ बात लिखी कि सेम टाइप ऑफ वर्क आप बार बार परफॉर्म करते हो इसलिए जो एरर की प्रोबेबिलिटी वो भी मिनिमाइज हो जाती है। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड में लिखा है कि क्योंकि एक पर्सन की जो प्रोसेस है वो जब एंड होती है वही दूसरे पर्सन के लिए स्टार्ट जो है वो बनता है इसके अंदर, ठीक है, और कोई भी एक पर्सन एंटाइटल्ड नहीं है टू कैरी आउट द एंटायर प्रोसेस, इससे फ्रॉड होने के जो चांसेस है, ठीक है ना, वो क्या हो जाती है रिड्यूस हो जाती है। देन क्विक प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स ये फैसिलिटेट करता है, ये आप इसके अंदर लिखोगे, और क्योंकि अकाउंटिंग वर्क जो है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करा जा रहा है तो फ्री फ्रॉम एरर भी रहता है। एंड फैसिलिटेटिंग द स्मूथ ऑडिट वर्क, इसके अंदर लिखा है कि ऑडिट जो है वो आसानी से हो पाता है चाहे वो इंटरनल ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट हो, ऑडिटर जो है वो रिलाई कर सकता है साउंड इंटरनल चेक सिस्टम के ऊपर, ठीक है, तो ये पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने इंटरनल चेक के अंदर। फिर इंटरनल ऑडिट की बात बताइए आपको, इंटरनल ऑडिट के अंदर आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन याद रखनी है जो यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स ने डिफाइन करा इंटरनल ऑडिट को एज इंटरनल ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी जिसको डिजाइन करा गया टू ऐड वैल्यू एंड इंप्रूव एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन, ये मदद करती है ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऑब्जेक्टिव्स अकम्प्लिश करने में बाय ब्रिंगिंग अ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अप्रोच टू इवैल्यूएट एंड इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल एंड गवर्नेंस प्रोसेस, तो इसको आप जो एक बार गो थ्रू कर लोगे अच्छे से, ठीक है, आपको याद करना है। उसके बाद में एंश्योर करता है, ठीक है, इंटरनल ऑडिटिंग क्या क्या चीज इंश्योर करता है, एडिक्वेसी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस ऑफ द फाइनेंशियल अदर रिकॉर्ड्स, एडहेरेंस टू द लेट डाउन पॉलिसीज प्रोसीजर बाय ईच यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज के अंदर आ जाएगी। उसके बाद में मेन क्या क्या एस्पेक्ट्स है इंटरनल ऑडिटिंग के, ठीक है, इसके ऊपर भी आपको सवाल आ सकता है। इसमें बोले रिव्यू इवेलुएट करना जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग अदर ऑपरेशन कंट्रोल्स है, सर्टेन करना एडिक्वेसी रिलायबिलिटी किसका, माइक्स का, ठीक है, यानी कि MICS, MICS मतलब मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन एंड कंट्रोल सिस्टम, देन सर्टेन करना अचीवमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड कंप्लायंस विद एस्टैब्लिश्ड प्लान एंड पॉलिसीज, एंश्योर करना प्रॉपर सेफगार्ड्स असेट्स का, प्रिवेंट फ्रॉड और एरर, असर्टेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट डेटा, आइडेंटिफाइंग द एरियाज जहां पे कॉस्ट रिडक्शन करा जा सकता है, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस असर्टेन करना, कंप्लायंस हुआ नहीं हुआ स्टेटी लॉज और रूल्स के साथ में और जो भी कारो है कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑर्डर इसके साथ में, ठीक है, ये चीज इंश्योर करना। देन अंडरटेकिंग स्पेशल रिव्यूज टू एंश्योर इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड टू प्रोवाइड फॉर अ चैनल ऑफ कम्युनिकेटिंग न्यू आइडियाज टू द टॉप मैनेजमेंट, तो ये सारे 11 पॉइंट जो इसके अंदर आ जाएंगे आपको ध्यान रखना। उसके बाद में इस पर भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट क्या होता है, तो ये मेथोडोलॉजी है जिसमें हम फोकस कर रहे हैं इनहेरेंट रिस्क के ऊपर, ठीक है, और ये एश्योरेंस प्रोवाइड करती है कि रिस्क को मैनेज कर लिया गया है मैनेजमेंट विद इन द डिफाइंड रिस्क कैपिटल लेवल, ये एक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है मैनेजमेंट के लिए और ये सपोर्ट करता है कि इसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट या BOD की टू मैनेज द रिस्क उसको ये सपोर्ट करने का काम करता है, तो इसमें भी एक बार क्वेश्चन जो है वो आ चुका है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको दिया स्टेप्स फॉर इंटरनल कंट्रोल, इसके अंदर आपको 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो उसमें लिखा आइडेंटिफाई की एरियाज जहां पे इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करना है, उसके वर्क फ्लो जो उसको डॉक्यूमेंट करा जाएगा और काम जो है वो तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक वो चेक नहीं कर लिया जाता दूसरे पर्सन के द्वारा, दूसरे पर्सन का रोल तभी स्टार्ट होगा जब एक पर्सन का एंड हो जाएगा, एस्टैब्लिश करेंगे सरप्राइज चेक मैकेनिज्म जहां पे मनी मैटर्स इन्वॉल्व है, नॉन एड्रेंस अगर है की कंप्लेंस एरियाज को लेकर तो उसका रिपोर्टिंग, देन रिव्यू मैकेनिज्म ऑफ द कंट्रोल यूनिट्स एंड एस्टैब्लिश करेंगे विजिल मैकेनिज्म। उसके बाद आता है कोसो का इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क, इसके अंदर आपको कोसो के ऊपर भी नोट लिखने को आ सकता है, तो उस अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर, जैसे कि आपको फुल फॉर्म याद रखना चाहिए कोसो का, ठीक है, कि कोसो का फुल फॉर्म क्या है। जिसके बाद ये जॉइंट इनिशिएटिव है 5 प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, ये फ्रेमवर्क और गाइडेंस देता है ERM के ऊपर, इंटरनल कंट्रोल के ऊपर और फ्रॉड डिटरेंस के ऊपर। इन्होंने रिलीज करा था इंटरनल कंट्रोल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क, फिर उसके बाद इन्होंने क्या डेफिनेशन दी इंटरनल कंट्रोल की, प्रोसेस है जिसको कौन इफेक्ट कर रहे हैं एंटिटी के BOD मैनेजमेंट या अदर पर्सनल, ये क्यों कर रहे हैं, टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस रिगार्डिंग द अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स, कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो कि ऑपरेशन रिपोर्टिंग कंप्लायंस को लेकर के बनाए हैं। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या क्या निकल करके आते हैं कि ये अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया, ठीक है, इसमें ऑनगोइंग टास्क
फॉर एक्टिविटीज होती है, पीपल जो है वो उसको इफेक्ट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। रीजनेबल एश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता, और ये एंटिटी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। फिर उसके बाद में क्या क्या फ्रेमवर्क जो है वो काफी पुराना फ्रेमवर्क था, ठीक है ना। फ्रेमवर्क जो है वो 1992 का फ्रेमवर्क था और उसको 2013 में इन्होंने क्या करा था, रिविजन और अपडेट्स इसमें करे थे। तो वो किन किन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए करे थे वो आपको यहाँ पर बताया कि क्या क्या चेंजेस के कारण, ठीक है, काफी चेंजेस आए बिजनेस ऑपरेटिंग रेगुलेटरी एनवायरमेंट के अंदर। तो उसके कुछ एग्जांपल्स दिए आपको चेंजेस के, जिसके अकॉर्डिंग उसको अपडेट करा गया, जैसे कि गवर्नेंस ओवरसाइट बढ़ गया, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी इन द बिजनेस डिमांड्स लॉज रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स की विद रिस्पेक्ट टू दिस, देन एक्सपेक्टेशंस की कॉम्पिटेंसीज और अकाउंटेबिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद यूज ऑफ या रिलायंस ऑन इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज एंड एक्सपेक्टेशंस रिलेटिंग टू प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड, ये वो मेजर चेंजेस है जिसके बेसिस पे जो भी इनका फ्रेमवर्क है उसके अंदर क्या करेगा, जो भी अपडेशन वगैरह रिविजन वगैरह वो कैरी आउट करेगा। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या, ऑब्जेक्टिव्स में तीन ऑब्जेक्टिव्स है, इसका रखने का तरीका है आरओसी, ठीक है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, ऑपरेशंस ऑब्जेक्टिव्स और कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव। ऑपरेशंस ऑब्जेक्टिव में लिखा है कि ऑब्वियसली इसमें हम इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी इंश्योर कर रहे हैं एंटिटी ऑपरेशन की। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव में लिखा है इंटरनल एक्सटर्नल फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रिलायबिलिटी टाइमलीनेस ट्रांसपेरेंसी जो रिपोर्टिंग की वो इसके अंदर आ जाएगी, और कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव के अंदर एडहेरेंस टू लॉज एंड रेगुलेशंस जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब नेक्स्ट आपको दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट में सबसे पहले मीनिंग को लेकर इन्होंने डिफरेंशिएट करा। तो मीनिंग तो आपको तीनों का पता है, जो आपने पढ़ा है वही आप लिख करके आ जाओगे, ठीक है, यहाँ से आपको करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर भी शायद वही सेम बात ही लिखी। सो मीनिंग में जो आपने पढ़ा है इनका वही आप लिखोगे। वेरिफिकेशन के अंदर क्या लिखना है, वेरिफिकेशन के अंदर लिखना है कि जो आपका इंटरनल कंट्रोल है वो एक सेल्फ बैलेंसिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, यहाँ पर आप पूरी के पूरे वर्क प्रोसेस को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो जिससे कोई भी सिंगल पर्सन जो है उसके पास एक्सेस ना आ जाए कंप्लीट प्रोसेस का। उसके बाद एक पर्सन का काम जो है वो इंडिपेंडेंटली चेक हो जाता है, अनदर पर्सन इंटरनल चेक के अंदर आ जाएगा। और इंटरनल ऑडिट के अंदर क्या जाएगा कि एंटायर वर्क प्रोसेस सिस्टम जो उसको चेक है रिव्यू करा जाता है बाय द इंटरनल ऑडिटर। रिपोर्टिंग के अंदर क्या बोला, रिपोर्टिंग के अंदर बोला है कि ये जो मैकेनिज्म है ये इंट्रोड्यूस करता है मैनेजमेंट, यहां पर ऐसी कोई रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, एक पर्सन का काम बस चेक हो जाता है अनदर पर्सन, और यहां पे इंटरनल ऑडिटर को रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है मैनेजमेंट को। सो इंटरनल कंट्रोल और यहां पर दोनों जगह रिपोर्ट नहीं है, ठीक है, यहां पर रिपोर्ट है। व्हाट इट इज, इट इज अ सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द मैनेजमेंट, यहां पर इंटरनल चेक इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म, ये उसी का पार्ट है। और दूसरा ये एक्टिविटी है जो कौन कैरी आउट करता है, इंटरनल ऑडिटर कैरी आउट करता है। तब करी जाती है इंटरनल कंट्रोल पॉलिसी डिसीजन, कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है, इसके अंदर जैसे ही एक पार्टी का प्रोसेस कंप्लीट होता है दूसरा पर्सन उसको चेक कर लेता है। और इसकी जो पीरियडिसिटी है वो ईयरली हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, जैसा मैनेजमेंट डिसाइड करे। पर्पस क्या है, पर्पस है फॉर्मुलेट और सर्कुलेट करना मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज और उनका इफेक्टिव और स्पीडी एग्जीक्यूशन, ठीक है, किसकी मदद से, इंटरनल चेकिंग और इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज की मदद से। यहां पर हमारा पर्पस क्या, इंटरनल चेक के अंदर सेफगार्डिंग और मिनिमाइजिंग एरर्स एंड फ्रॉड्स टू बी एक्शंस ट्रांजैक्शंस या रिकॉर्ड्स के अंदर है, ठीक है, और प्रोटेक्ट करना असेट्स को। एंड इंटरनल ऑडिट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डिटेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द एरर्स एंड फ्रॉड्स एंड इररेगुलरिटीज जो असेट्स को लेकर के कमिट करे गए हैं, ठीक है, अगर कोई भी डिटेक्शन या प्रिवेंशन एक्टिविटी के दौरान हमको पता चलते हैं, ठीक है, जब इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करेंगे और उसमें हम कैरी आउट करेंगे, ठीक है, तो हमको अगर पता चलता है तो हम इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये हमारा पर्पस है। फिर स्कोप के अंदर सबसे ज्यादा वाइडर कौन है, जो इंटरनल कंट्रोल है, ठीक है, उसके बाद में जो इंटरनल चेक है वो रिस्ट्रिक्टेड है टू द फॉर्मुलेशन वर्किंग ऑफ प्रॉपर अकाउंटिंग अदर ऑपरेशनल सिस्टम या रिपोर्टिंग ऑफरिंग सजेशंस टू द एप्रोप्रिएट इंटरनल अथॉरिटीज, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ क्या चीज हो रही है, जो अकाउंटिंग अदर ऑपरेशनल सिस्टम है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं और सजेशन दे रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं जो भी अथॉरिटीज उनको कि कहां का इंप्रूवमेंट करा जा सकता है। एंड यहां पर लास्टली इंटरनल ऑडिट के अंदर लिमिटेड टू अ कंटीन्यूअस इंटरनल सिस्टम ऑफ चेकिंग फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ऑपरेशंस रिपोर्टिंग टू इंटरनल टॉप मैनेजमेंट। यहां पर भी आप क्या करते हो, चेक कर रहे हो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल जो भी आपके ऑपरेशंस है उसको, रिपोर्ट कर रहे हो जो भी इंटरनल टॉप मैनेजमेंट है उसको, जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको। तो ये पूरे डिफरेंस आपको रखने, इसके बेसिस पॉइंट्स आप ध्यान में रखो। ये बेसिस पॉइंट्स के अंदर क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए, आपको मीनिंग का एक पॉइंट दिया हुआ है, फिर वेरिफिकेशन वाला पॉइंट, रिपोर्टिंग, व्हाट इट इज, व्हेन इट इज डन, पर्पस और स्कोप। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जैसा कि क्वेश्चन ने डिफाइन करा है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कंट्रोल एनवायरनमेंट, इसमें लिखा है कंट्रोल एनवायरनमेंट जो है वो किसी भी इंटरनल कंट्रोल को कैरी आउट करने का बेसिस होता है। कंट्रोल एनवायरनमेंट फाउंडेशन है जिसपे इफेक्टिव सिस्टम इंटरनल कंट्रोल का बिल्ट और ऑपरेट करती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ये पांच चीजें करना चाहती है, अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती है, रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोवाइड करना चाहती है इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को, ऑपरेट करना चाहती है अपना बिजनेस एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, कंप्लाई करना चाहती है सभी एप्लीकेबल लॉज और रेगुलेशंस के साथ, और सेफगार्ड करना चाहती है अपने असेट्स को। फिर दिया रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट में लिखा है कि किस तरीके से रिस्क को मैनेज करा जाएगा। उसके बाद रिस्क की डेफिनेशन इसके अंदर लिखी हुई है, तो आप वही वाली डेफिनेशन लिखोगे जो रिस्क मैनेजमेंट में आपने पढ़ी। देन रिस्क असेसमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट जो है वो कंसीडर कर रहे हैं कि क्या इंपैक्ट होगा पॉसिबल चेंजेस का इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनका क्या पॉसिबल, मतलब जो भी वो पॉसिबल चेंजेस हैं, ठीक है, इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या उनका इंपैक्ट पड़ेगा, एंड पोटेंशियली एक्शन लेना टू मैनेज द इंपैक्ट। देन कंट्रोल एक्टिविटीज, इसके अंदर लिखा है कंट्रोल एक्टिविटीज जो है वो एक्शंस हैं जिसकी मदद से मैनेजमेंट मिटिगेट करता है रिस्क को और अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो अचीव करता है, यानी कि कंट्रोल एक्टिविटीज की मदद से हम मिटिगेट करते हैं रिस्क को जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाए। ये आप इसके अंदर लिखे होंगे। प्लस आपको इसके अंदर लिखा है कि कंट्रोल एक्टिविटीज प्रिवेंटिव भी हो सकती है, डिटेक्टिव भी हो सकती है नेचर। इंफॉर्मेशन के अंदर लिखा है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन या जनरेट करता है मैनेजमेंट इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्सेस से अपने इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। जो इंफॉर्मेशन है वो डिसेमिनेट करना बहुत जरूरी है थ्रू आउट एंड आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इसकी मदद से हम रिस्पॉन्ड कर पाएंगे और सपोर्ट कर पाएंगे जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स के अंदर या एक्सपेक्टेशन के अंदर विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रोल्स। तो ये आप इसके अंदर लिखा होगा। एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटीज में लिखा है, इसमें पीरियोडिक या ऑनगोइंग इवैल्यूएशन करते हो वेरीफाई करने के लिए कि हर एक जो कंपोनेंट है इंटरनल कंट्रोल का वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा हो, हर एक इंटरनल कंट्रोल का जो कंपोनेंट है वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा हो। तो ये पांचों चीजें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि 17 प्रिंसिपल्स हैं,
ठीक है 17 प्रिंसिपल्स इंटरनल कंट्रोल के, तो 17 प्रिंसिपल्स को इन्हीं कैटेगरीज में बांटा है, ठीक है, कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटीज। इसके अंदर सबसे पहले आपको दिया डेमोंस्ट्रेट कमिटमेंट टू इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, एक्सरसाइज ओवरसाइट रिस्पांसिबिलिटी, एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी, डेमोंस्ट्रेट कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, एनफोर्सेस अकाउंटेबिलिटी, देन स्पेसिफाई सूटेबल ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाइज एंड एनालिसिस ऑफ द रिस्क, असेस फ्रॉड रिस्क एंड आइडेंटिफाई एंड एनालिसिस द सिग्निफिकेंट चेंज, सिलेक्ट एंड डेवलप कंट्रोल एक्टिविटीज, सिलेक्ट एंड डेवलप जनरल कंट्रोल्स ओवर टेक्नोलॉजी, डिप्लॉय कंट्रोल एक्टिविटीज थ्रू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, यूजेस रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट्स इंटरनली, कम्युनिकेट्स एक्सटर्नली, कंडक्ट्स ऑनगोइंग सेपरेट इवैल्यूएशंस, इवैल्यूएट्स एंड कम्युनिकेट्स द डेफिशिएंसीज। ये जो 17 प्रिंसिपल्स है इस पे भी आपको सवाल आ सकते हैं, लिखने को आ सकते हैं, तो इसको जो आपको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। उसके बाद में कंट्रोल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन वाला ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसके अंदर आपको सिर्फ ये चीज बताइए कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और जो रिस्क होती है और जो कंट्रोल होता है, ये आपस में एक दूसरे से क्या लिंक है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स अकम्प्लिश करना चाहती है और उन ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करने के लिए उन ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली लेट आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब वो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहती है तो उसको रिस्क फेस करनी पड़ेगी उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ठीक है, चाहे वो ऑपरेशन से रिलेटेड रिस्क हो, कंप्लायंस से रिलेटेड हो, रिपोर्टिंग से रिलेटेड हो, और इन रिस्क को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तरीका क्या है, ठीक है ना, किस तरीके से हम जो है तीनों को अच्छे तरीके से कैरी आउट कर सकते हैं, तो वो बोल रहे हैं आप लिंक करो आपके कंट्रोल को रिस्क और ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग, यानी जिस तरीके की जो आपका ऑब्जेक्टिव और जिस तरीके की आप रिस्क लेना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप कंट्रोल जो है वो क्या करोगे, क्रिएट करोगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एस्टैब्लिश करोगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। कंट्रोल होते ही किस लिए है, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए और जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की प्रोबेबिलिटी उनको बढ़ाने के लिए, ये आपको इसके अंदर लिखना है। फिर लास्ट लाइन इसमें लिखिए कंट्रोल जो है वो सबसर्वियंट टू रिस्क, यानी सपोर्टिव टू रिस्क एंड टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो दोनों को सपोर्ट करता है, रिस्क को मिनिमाइज करता है और ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है। तो इस पे इस लाइन पे आपको कमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि कंट्रोल इज सबसर्वियंट टू रिस्क एंड टू द ऑब्जेक्टिव्स दे हेल्प अचीव कमेंट, तो इस पे आपको यही पैरा जो है वो लिख करके आना है, ठीक है, जिसमें आप लिंकेज की बात कर रहे हो तीनों चीजों की, कंट्रोल की, ऑब्जेक्टिव्स की और रिस्क की। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड इट्स रिव्यू के अंदर लिखा है कि इसमें सारे एरियाज जो भी होते हैं स्पेशली सेंसिटिव एरियाज वो इंटरनल कंट्रोल में कवर होने चाहिए। किसी भी एक पर्सन को अलाउ नहीं करना कि उसके पास सारा सेट ऑफ ट्रांजेक्शन जो है, ठीक है, उसका एक्सेस हो या वो सारे सेट ऑफ ट्रांजेक्शन कैरी आउट कर सके। देन उसके बाद कंट्रोल मैकेनिज्म एक बार एस्टैब्लिश कर लिया गया तो उसको रिव्यू करा जाना चाहिए पीरियडिकली, एंड पासवर्ड शेयरिंग वगैरह स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होना चाहिए, प्लस स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाना चाहिए अगेंस्ट द स्टाफ जो कि गलत काम कर रहा है। इंटरनल कंट्रोल क्या क्या कर सकता है, एंटिटी को मदद कर सकता है उसके परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट्स पूरे करने में, रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने में, इंश्योर करता है कि एंटरप्राइज कंप्लाई करे लॉज और रेगुलेशन के साथ, और मदद कर सकता है एंटिटी को वहां जाने में जहां वो एंटिटी जाना चाहती है, एंड अवॉइड द पिटफॉल्स एंड सरप्राइजेस जब आप उस चीज की तरफ लाइक स्टेप्स वगैरह ले रहे हो, ठीक है, जो आपका फाइनल ऑब्जेक्टिव है। तो ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी है। लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या क्या है, ठीक है, ये इनहेरेंटली पुअर मैनेजर को बदल नहीं सकता, ठीक है, उसको गुड मैनेजर नहीं बना सकता। इन शॉर्ट ये नहीं करता सक्सेस या सर्वाइवल अगर गवर्नमेंट पॉलिसी या प्रोग्राम्स में चेंज आते हैं, यानी जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसके अंदर अगर चेंजेस आते हैं तो। देन उसके बाद में ये सिर्फ एक रीजनेबल एश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता। इसके अपने इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, जैसे कि ह्यूमन जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर फॉल्टी जो है वो हो सकता है, ठीक है ना, ह्यूमन जजमेंट फॉल्टी हो सकता है जब डिसीजन मेकिंग हो रही है तब, या जो भी एरर है ह्यूमन एरर उसके कारण इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ब्रेकडाउन हो सकता है, तो वो जो हम पहले एक बार पढ़ चुके हैं वही पॉइंट इसके अंदर आ जाएंगे। देन कंट्रोल्स को सर्कमवेंट करा जा सकता है, दो या उससे ज्यादा लोग मिलकर इसको क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं पूरे सिस्टम को, प्लस मैनेजमेंट भी चाहे तो वो क्या कर सकता है इस कंट्रोल को जब चाहे तब ओवरराइड कर सकता है, जैसे वो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट वाला साइड अग्रीमेंट में जो एंटर करते हैं, वो एग्जांपल हमने देखा। एंड दूसरा लिमिटिंग फैक्टर इसका ये कि इंटरनल कंट्रोल जब भी आप सिस्टम बना रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट जो है वो इंकर करनी पड़ेगी, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो कॉस्ट आपने इंकर करी हो सिस्टम को बनाने के लिए, जो बेनिफिट आपको उससे मिल रहा है वो दोनों अलाइन नहीं है, यानी उतना ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है। तो जब भी आप सिस्टम बनाओगे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो भी कॉस्ट आप इंकर करो इसके लिए वो आपको बेनिफिट भी उतना जो है मिले, ठीक है, ये इसका एक लिमिटेशन है। लास्ट जो पॉइंट है उसका लिमिटेशन नहीं है बट एक कंक्लूडिंग लाइन है इस पूरे जो पॉइंट है लिमिटेशंस का उसकी, कि इंटरनल कंट्रोल मदद कर सकता है नो डाउट एंटिटी को अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में, बट ये पेनिशिया नहीं है, यानी सॉल्यूशन नहीं है सारी चीजों का, ठीक है, लेकिन ये भी इन्होंने बुलेट पॉइंट बनाकर इसमें डाल दिया। तो आप भी अगर एग्जाम में लिख करके आ रहे हो आपको लाइन जो है वो लिख करके आनी है, इस पर भी कमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, इसी लाइन के ऊपर, और उसके अंदर आपको ऑब्वियसली क्या लिखने थे, लिमिटेशंस लिखने थे, तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है। अब आपको दिया है रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज विद रिगार्ड टू इंटरनल कंट्रोल, इसके अंदर सबसे पहले आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में पहले बताया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अल्टीमेटली रिस्पांसिबल होता है, उसको ओनरशिप अज्यूम करनी होती है पूरे सिस्टम के लिए। चीफ एग्जीक्यूटिव टोन सेट कर देता है एट द टॉप विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रिटी एंड एथिक्स, और जो सीईओ है वो अपने ड्यूटीज को कैसे फुलफिल करता है सीनियर मैनेजर्स को डायरेक्शन देकर के, और वो किस तरीके से बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हैं उसको रिव्यू करके। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सीईओ। सेकंड है आपका सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर जो क्या करते हैं रिस्पांसिबिलिटी असाइन करने का काम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक इंटरनल कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, किसको, उस पर्सनल को जो यूनिट के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रिस्पांसिबल है, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है स्मॉलर एंटिटी को लेकर के, कि वहां पर सीईओ हो गया या ओनर मैनेजर का कंट्रोल डायरेक्ट होता है, ठीक है, तो वो आप यहां पर लिखोगे थर्ड पॉइंट में। और फोर्थ वाले पॉइंट में आपको लिखना है कि फाइनेंशियल ऑफिसर्स और जो भी उनका स्टाफ है, ठीक है, उनकी जो कंट्रोल एक्टिविटीज होती है वो लिंक्ड होती है जो भी दूसरे ऑपरेटिंग या अदर यूनिट्स एंटरप्राइज के अंदर उनके साथ में। तो ये चार पॉइंट्स आपको लिखकर के आने, पहला इज विद रिस्पेक्ट टू सीईओ, दूसरा सीनियर मैनेजर, तीसरा स्मॉलर एंटिटी के केस में उनका डायरेक्ट जो है कंट्रोल रहता है, ठीक है, और लास्ट वाला पॉइंट फाइनेंशियल ऑफिसर और स्टाफ को लेकर के, जिनकी कंट्रोल एक्टिविटीज लिंक्ड होती है ऑपरेटिंग और दूसरी यूनिट्स के साथ में जो एंटरप्राइज के अंदर है। उसके बाद में ये कंप्लायंस सर्टिफिकेट है जो सीईओ या सीएफओ को देना होता है, ठीक है, इसके अंदर वो क्या बोलते हैं, चार चीजें बोलते हैं, ठीक है। पहला जो पॉइंट उसके अंदर लिखा, उन्होंने रिव्यू कर लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर, और टू द बेस्ट ऑफ उनका नॉलेज एंड बिलीफ इन स्टेटमेंट्स के अंदर कोई भी मटीरियली अनट्रू स्टेटमेंट नहीं है, इसमें किसी भी मटीरियल फैक्ट को ओमिट नहीं करा गया और इसके अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मिसलीडिंग है। एंड सेकंड, ये स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू लिस्टेड एंटिटी के अफेयर्स का,
और कंप्लायंस में विद द एक्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। बी वाले पॉइंट में लिखा है टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड बिलीफ कोई भी ट्रांजैक्शन एंटर नहीं करा है लिस्टेड एंटिटी ने ड्यूरिंग द ईयर क्योंकि फ्रॉडुलेंट हो, इलीगल हो, वायलेटिव हो कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर। देन सी वाले पॉइंट में आपको तीन चीजें बताइए, तीन चीजें ए बी सी, ठीक है। ए में लिखा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग द इंटरनल कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सेकंड, उन्होंने इवैल्यूएट कर लिया इफेक्टिवनेस इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की। एंड थर्ड, उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया ऑडिटर ऑडिट कमिटी को जो भी डेफिशिएंसीज उनको पता है विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनल कंट्रोल एंड जो भी स्टेप्स लिए गए हैं उन डेफिशिएंसीज को रेक्टिफाई करने के लिए। तो ये तीन चीजें जो इसके अंदर आपको लिख कर आना है सी वाले पॉइंट में। एंड डी वाले पॉइंट में लिखा है इंडिकेट कर दिया उन्होंने ऑडिटर ऑडिट कमिटी को जो भी सिग्निफिकेंट चेंजेस आए इंटरनल कंट्रोल में विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ड्यूरिंग द ईयर, जो भी सिग्निफिकेंट चेंजेस आए अकाउंटिंग पॉलिसीज में ड्यूरिंग द ईयर एंड उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी एंड इंस्टेंसेस सिग्निफिकेंट फ्रॉड के, ठीक है, जो भी उनको पता है और जो भी उसमें इन्वॉल्व थे, यानी अगर मैनेजमेंट वगैरह या एम्प्लॉई जिनका सिग्निफिकेंट रोल है एंटरप्राइज के अंदर अगर वो उसमें इन्वॉल्व थे तो वो भी उनको क्या करना है उसके अंदर बता देना है। तो ये आपको कंप्लायंस सर्टिफिकेट के ऊपर काफी बार जो है क्वेश्चन आ चुका है कि इसके कंटेंट क्या होते हैं, तो ये चारों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद में ऑडिट कमेटी को लेकर के आपको एक बताया कि रोल ऑफ द ऑडिट कमेटी क्या होता है, तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स मैंने मार्क करे हुए हैं वो आपको जो है मैं बताऊंगा, बट उसके पहले आपको ये फोर्थ वाला जो पॉइंट है इसके अंदर वो बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। इस पर सेपरेट क्वेश्चन आ चुका है फोर्थ वाले पॉइंट पे, तो ये आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। इसमें क्या लिखा है फोर्थ वाले पॉइंट में कि हम रिव्यू करेंगे मैनेजमेंट के साथ में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर रिपोर्ट, ठीक है, बिफोर सबमिटिंग द सेम टू द बोर्ड फॉर अप्रूवल। किस चीज को लेकर के सबसे पहले जो मैटर्स इंक्लूड करने थे डीआरएस में डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में उसको लेकर, देन अगर कोई चेंजेस हुए अकाउंटिंग पॉलिसीज में प्रैक्टिसेस में और क्यों हुए हैं उसके कारण क्या है, देन मेजर अकाउंटिंग एंट्रीज जिसके अंदर एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है, ठीक है, सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट्स वगैरह अगर कुछ करा गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट फाइंडिंग्स उसको रिव्यू करेंगे। कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ विद द लिस्टिंग एंड अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको रिव्यू करेंगे। डिस्क्लोजर ऑफ एनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड मॉडिफाइड ओपिनियन जो ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट के अंदर दिया गया, इन सब कामों को क्या करा जाएगा, रिव्यू करा जाएगा। इस पे एक सेपरेट क्वेश्चन आया हुआ इसलिए आपको याद रखना है। बाकी जो और पॉइंट्स है आप इसके अंदर जो याद रख सकते हो, उसमें आएगा रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट, रेमुनरेशन इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, ऑडिटर का अप्रूवल ऑफ पेमेंट टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स अदर सर्विसेज के लिए जो उसने रेंडर करी है ऑडिट के अलावा अगर कोई सर्विसेज दिए तो उसका पेमेंट, देन रिव्यूइंग विद द मैनेजमेंट क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर सबमिटिंग द सेम टू द बोर्ड फॉर अप्रूवल, रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग ऑडिटर का इंडिपेंडेंस इन परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस, अप्रूवल कोई भी अप्रूवल या सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ट्रांजैक्शंस के अंदर, ठीक है, रिलेटेड पार्टीज के साथ जो एंटर करे थे, स्क्रूटनी इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट की, डिस्कशन विद द इंटरनल ऑडिटर किसी भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स को लेकर और उसके ऊपर फॉलोअप लेना, एंड देन उसके बाद रिव्यू करना फंक्शनिंग ऑफ द विसल ब्लोअर मैकेनिज्म एंड अप्रूवल ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ सीएफओ आफ्टर असेसिंग द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड। तो ये सब पॉइंट जो आप इसके अंदर याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मैंडेटरी रिव्यू करेंगे क्या क्या चीजें मैंडेटरी रिव्यू करेंगे, मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल कंडीशन एंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, ये वाला पॉइंट ओमिट कर दिया गया तो आपको करने की जरूरत नहीं है। थर्ड, मैनेजमेंट लेटर या लेटर ऑफ इंटरनल कंट्रोल वीकनेस जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ने इशू करें, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल वीकनेस, अपॉइंटमेंट रिमूवल टर्म्स ऑफ रेमुनरेशन चीफ इंटरनल ऑडिटर का, ठीक है, एंड स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन, इसमें दो चीजें, क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन इंक्लूडिंग द रिपोर्ट ऑफ मॉनिटरिंग एजेंसी एंड एनुअल स्टेटमेंट ऑफ फंड्स अगर आपने उनको यूटिलाइज करें फॉर पर्पस अदर देन those stated in the offer document prospectus या notice जो इस regulation के अंदर दिया जाता है। basically आप याद रखो offer document या prospectus में जो आपने objectives लिखे थे उसके अलावा अगर आप किसी भी purpose के लिए funds का utilization करते हो तो वो आपको annual statement देना पड़ता है। तो इन सब चीजों को mandatorily कौन review करेगा, audit committee review करेगी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला point आपको दिया है board of directors related, इसके अंदर ये बोले कि management किसको accountable है, BOD को accountable है, ठीक है। BOD क्या करता है, governance guidance और oversight provide करता है, उनको क्या होना चाहिए, BOD के members को objective, capable और inquisitive होना चाहिए, inquiring mind रखना चाहिए, ठीक है। उनके पास knowledge होता है entity के activities और environment का, management जो है वो no doubt override कर सकता है control को और इसकी मदद से वो क्या कर सकते हैं, मिस रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिजल्ट्स को और कवर कर सकते हैं जो भी उनकी गैप्स वगैरह उनको, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एक्टिव बोर्ड विद अलॉन्ग विद द अपवर्ड कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एक्टिव बोर्ड अलॉन्ग विद प्रॉपर अपवर्ड कम्युनिकेशन चैनल इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है ये रोल है मेन तो बोर्ड का, ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर लिख करके आना है। फिर उसके बाद डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट की बात करिए, 134(3)(c) में लिखा है कि अटैच करा जाएगा स्टेटमेंट के साथ जो जनरल मीटिंग में रखा जाता है रिपोर्ट बीओडी की, जिसके अंदर डीआरएस होगा डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। इसमें 134(5) क्लॉज ई और एफ दोनों आपको बताएं। ई के अंदर लिखा है डायरेक्टर्स लिस्टेड कंपनी के जो उन्होंने लेट डाउन करें इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो फॉलो करे जाएंगे कंपनी के द्वारा एंड वो जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल उन्होंने लेट डाउन करें वो एडिक्वेट है और ऑपरेट करें इफेक्टिवली। एंड एफ के अंदर लिखा है डायरेक्टर्स ने डिवाइस करा है प्रॉपर सिस्टम टू एंश्योर कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ ऑल द एप्लीकेबल लॉज एंड वो जो सिस्टम उन्होंने डिवाइस करा है, ठीक है, कंप्लायंस के लिए वो भी एडिक्वेट और ऑपरेट करा है इफेक्टिवली। ये दोनों चीजें जो इसके अंदर आ जाएगी ये भी आपको एग्जाम के अंदर जो है लिखने को आ सकता है। इंटरनल ऑडिटर का भी एक रोल है, ठीक है, आपको पता है आप पहले भी पढ़ चुके हैं मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज वाले पॉइंट में कि इंटरनल ऑडिटर क्या करते हैं, ठीक है, वो फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कि आपका करंट सिस्टम कैसे काम कर रहा है, उसमें क्या डेफिशिएंसीज हैं, ठीक है, और क्या स्टेप्स ली जा सकती है उसको करेक्ट करने के लिए। तो वही चीज आप इसके अंदर लिख करके आ सकते हैं। अदर पर्सनल जो है उसमें लिखा हुआ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की है ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज को लेकर के इंटरनल कंट्रोल को लेकर के, तो ये हर एक व्यक्ति के जॉब डिस्क्रिप्शन का जो है क्या होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल। ये पूरा आपका चैप्टर है इंटरनल कंट्रोल का। लास्ट जो कंक्लूजन के अंदर आपको पॉइंट्स दिए हैं, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस पूरे चैप्टर का समीशन है, इसके अंदर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं जिसका आपको क्वेश्चन बनकर के आ सकता है। तो ये आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब स्टार्ट कर रहे हैं रिपोर्टिंग वाले चैप्टर्स। इसमें सबसे पहले आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में बताया। इसमें बोले कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब है प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग दी स्टेटमेंट्स जो कि डिस्क्लोज करे ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटस द मैनेजमेंट, इन्वेस्टर एंड गवर्नमेंट। इसके दो प्राइमरी पर्पस होते हैं। पहला ये कि मदद करता है मैनेजमेंट को टू एंगेज इन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू द कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड ओवरऑल स्ट्रेटजीज एंड जो भी डेटा इसमें डिस्क्लोज करा जाता है वो मैनेजमेंट को मदद करता है कि कंपनीज की क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस और उसकी ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है वो समझने में। सेकंड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोवाइड करता है वाइटल इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल हेल्थ और एक्टिविटीज के बारे में ऑफ द कंपनी टू इट्स स्टेक होल्डर्स, ठीक है, इसके अंदर सबके आपको नाम दिए हुए शेयर होल्डर, पोटेंशियल इन्वेस्टर, कंज्यूमर वगैरह। आगे भी यहाँ पर ये लिखा है कि इसके अंदर क्या चीज
इन्वॉल्व होती है डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द वेरियस स्टेकहोल्डर्स और फिर बताया कि स्टेकहोल्डर्स कौन होते हैं। तो आपको ये वाले याद रखने की इनकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, पब्लिक डेट प्रोवाइडर, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज। एनलिस्टेड कंपनीज के केस में फ्रीक्वेंसी जो होती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वो क्वार्टरली एनुअली होती है। ठीक है, ये आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, पांचों पॉइंट्स। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, प्राइमरी पर्पस क्या है, इसमें क्या चीज इन्वॉल्व होती है, टारगेट ऑडियंस क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है लिस्टेड कंपनीज के केस में। फिर इसका मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो मेन कंपोनेंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाएगा, जैसे बैलेंस शीट स्टेटमेंट, ऑफ पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन स्टॉक होल्डर इक्विटी, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वार्टरली एंड एनुअल रिपोर्ट्स, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज प्रोस्पेक्टस, इन केस ऑफ कंपनीज जो आईपीओ के लिए जा रही है मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव के अंदर लिखा है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वो प्लानिंग, एनालिसिस, बेंचमार्किंग और डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सके। देन प्रोवाइड करना इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर, प्रमोटर, डेट प्रोवाइडर, क्रेडिटर्स को, जिससे वो क्या कर सके, प्रूडेंट या रैशनल डिसीजंस जो इन्वेस्टमेंट को लेकर के वो ले सके। देन उसके बाद में इन्फॉर्मेशन देना शेयर होल्डर, पब्लिक एट लार्ज को, इन्फॉर्मेशन देना इकोनॉमिक रिसोर्सेज के बारे में ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और जो क्लेम्स हैं उन रिसोर्सेज की तरफ और किस तरीके से इन रिसोर्सेज या क्लेम्स के अंदर चेंजेस आए हैं वो सब बताना। इन्फॉर्मेशन एज टू हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोक्यूरिंग एंड यूजिंग द वेरियस रिसोर्सेज, इन्फॉर्मेशन की कैसे अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो है, ठीक है, अलग अलग स्टेक होल्डर्स को बेसिकली आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो रिगार्डिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देन प्रोवाइड करना इन्फॉर्मेशन स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को, जिससे वो ऑडिट फैसिलिटेट कर सके और एनहांस करना सोशल वेलफेयर by looking into the interest of employees, trade union and government. ये सब आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। Then उसके बाद importance of financial reporting, case में लिखा है कि financial reporting is required by each and every stakeholder for the multiple reason and purpose. सबसे पहला है कि मदद करता है organization को to comply with various statutes and regulatory requirements. ठीक है, companies के ऊपर requirement होती है वो financial statements file करेंगे, ROC government agencies को, listed companies के ऊपर उनको quarterly annual results file करने होते हैं stock exchange को, तो इनसे comply करने में मदद करता है। Statutory audit facilitate करता है, इसके अंदर auditor अपना जो financial statements उनको audit करता है और express करता है अपना opinion। देन फाइनेंशियल रिपोर्ट बैकबोन फॉर्म करता है फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग, एनालिसिस, बेंचमार्किंग एंड डिसीजन मेकिंग, ऊपर भी वाला पॉइंट देखा है आपने। मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन को टू रेज कैपिटल डोमेस्टिक एज वेल एज ओवरसीज जो है इंटरनेशनली भी। देन फाइनेंशियल्स के बेसिस पे पब्लिक इन लार्ज एनालिसिस कर सकती है परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का एज वेल एज मैनेजमेंट का। देन फॉर द पर्पस ऑफ बिडिंग, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट सप्लाईज वगैरह आपको क्या करना पड़ता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट्स फर्निश करने पड़ते हैं, तो उसमें भी आपकी मदद करता है। एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फैसिलिटेट करता है एक इंट्रोस्पेक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन की वो किस तरीके से जो है ऑपरेट कर रही है और किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। देन लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में लिखा है कि करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मॉडल जो है वो बैकवर्ड लुकिंग रिव्यू देता है परफॉर्मेंस का और इनफ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है फॉर डिसीजन मेकिंग टुडे। ठीक है, इस लाइन पे कॉमन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी जो लाइन है जिस पे कॉमन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है वो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मॉडल जो है इज लुकिंग इन द रियर व्यू मिरर व्हेन इन फैक्ट द रोड अहेड इज वेरी टर्बुलेंट एंड देयर आर ह्यूज इंपैक्ट्स ऑन द कंपनी बोर्ड सोसाइटल एंड एनवायरनमेंट। तो आगे की जानकारी नहीं मिल रही, बेसिकली आपको पीछे की जानकारी जो है वो मिल रही है। ठीक है, पास्ट परफॉर्मेंस की जानकारी मिल रही है। इन दोनों लाइनों पे आपको लिमिटेशंस के रिस्पेक्ट में कॉमन बेस्ड क्वेश्चन जो है बनाया जा सकता है, तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, लिमिटेशंस की बात करनी है। ठीक है, आगे एक जो पॉइंट दिया वो ये कि इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज पॉइंट्स ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इस पे भी ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के अलावा और कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको लाइक इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट की वो चीज भी डिस्क्लोज करी जानी चाहिए। ठीक है, तो इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहले बिजनेस मॉडल, स्ट्रेटजीज का, इंटेंजिबल फैक्टर एंड सस्टेनेबिलिटी, जैसे इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सोशल कमिटमेंट्स, इंपैक्ट एंड परफॉर्मेंस दैट अफेक्ट द कंपनीज वैल्यू टुडे एंड इट्स एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू इन द फ्यूचर, की एस्पेक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंटरनल कंट्रोल, ह्यूमन राइट्स, डाइवर्सिटी प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज कंपनी में क्या है और की फाइनेंशियल रेशियोज क्या है, वो आपको जो है बताने पड़ते हैं, बट वो फाइनेंशियल्स में कहीं ना कहीं कवर नहीं होते। ठीक है, ये वाला पॉइंट फिर भी कवर हो जाता है, बट बाकी के पॉइंट्स कवर नहीं होते, इसीलिए ये क्या हो गया, लिमिटेशन हो जाएगा फाइनेंशियल जो रिपोर्टिंग है उसका, तो ये आप पूरा ध्यान में रखोगे। उसके बाद में आता है नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर आपको जो है सबसे सात पॉइंट्स जो याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट है कि नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता क्या है, तो इसमें मेजर डिस्क्लोज और अकाउंटेबल होते हैं इंटरनल एक्सटर्नल स्टेकहोल्डर्स को ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के लिए टुवर्ड्स द गोल ऑफ सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, कि आपने सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ क्या करा। ठीक है, वो चीज इसके अंदर आ जाएगी। सेकंड आपको लिखना है नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो एनुअल रिपोर्ट के अंदर करी जाती है। ठीक है, उसके बाद में इसमें इन्फॉर्मेशन होती है रिलेटिंग टू कंपनीज परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, फ्यूचर प्रोजेक्शन, अवार्ड अचीवमेंट्स और पेनल्टी वगैरह क्या इंपोज करी गई है। देन थर्ड पॉइंट, प्रैक्टिस ऑफ नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टार्ट करी गई थी। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू अ प्रेशर फ्रॉम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या सिविक सोसाइटी, तो कैसे स्टार्ट हुई थी वो बता दूंगे। देन फोर्थ, इसके अंदर आपको लिखना है, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है टू कम्युनिकेट इन एन ओपन एंड ट्रांसपेरेंट मैनर विद द स्टेकहोल्डर्स। फिफ्थ आपको लिखना है नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर फर्म जो है वो बेसिकली अपने एनवायरमेंटल और सोशल इंपैक्ट के बारे में बात करती है, कि जो उसने ऑपरेशंस कैरी आउट करें, एवरीडे एक्टिविटीज कैरी आउट करी, उसका एनवायरमेंटल और सोशल इंपैक्ट क्या रहा है। सिक्स्थ आपको लिखना है नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट की मदद से कंपनी का रिस्क रिटर्न प्रोफाइल बनाया जा सकता है। और सेवन्थ आपको लिखना है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, बोर्ड रिपोर्ट, सीएसआर रिपोर्ट और कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। उसके बाद आता है बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट में आपको लिखना है कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स बीओडी ऑफ एवरी कंपनी की, वो अटैच करे रिपोर्ट के साथ, वो अटैच करे अपनी रिपोर्ट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मेंबर्स के सामने लेट डाउन करी जाएगी एजीएम में। बोर्ड रिपोर्ट जो है प्रोवाइड करता है स्टेकहोल्डर को दोनों फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कि परफॉर्मेंस प्रोस्पेक्ट क्या होगा, कंपनी का रिलेवेंट चेंजेस क्या हो रहे हैं मैनेजमेंट में, कैपिटल स्ट्रक्चर में, रिकमेंडेशंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, ये सब इसके अंदर जो है आप लिख दोगे। देन उसके बाद थर्ड लिखा है कंपनीज एक्ट 113 मैंडेट करता है सर्टेन डिस्क्लोजर जो कि आपको बोर्ड रिपोर्ट में करने, लिस्टेड कंपनी जो होती है उसको कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी पड़ती है एज पर सीबीएल ओडीआर। उसके बाद जिन कंपनीज की सिक्योरिटी लिस्टेड है ओवरसीज स्टॉक एक्सचेंज में उनके लिए भी कुछ ना कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है जो उनको पूरी करनी होती है। फर्दर कंपनी जो रेगुलेट होती है अदर लॉस से उनको भी कुछ
एडिशनल डिस्क्लोजर करने पड़ सकते हैं बोर्ड रिपोर्ट पे जो भी हम लॉस के अंदर लिखे हुए हैं। उसके बाद जो भी बोर्ड रिपोर्ट है वो आपको स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे प्रिपेयर करनी है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे प्रिपेयर नहीं करनी है। और ये बोर्ड रिपोर्ट उस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होनी चाहिए जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करें। ठीक है, इसके अंदर ये फॉलोइंग हेड्स होते हैं, आप ये फॉलोइंग हेड्स जो एक बार गो थ्रू कर लोगे, ठीक है, जो भी आपको याद रखने के लिए सिंपल है, ठीक है, वो आप जो है याद रखो इसके अंदर से कि आपको आ सकता है लिखने के लिए। देन उसके बाद सीएसआर रिपोर्ट की बात आती है, सीएसआर रिपोर्ट को लेकर लिखा है 134(3)(o) के अंदर बोला है जो भी स्टेटमेंट्स आप लेट डाउन करोगे कंपनी के सामने जनरल मीटिंग में, उसके साथ रिपोर्ट जाएगी बीओडी के, और उस रिपोर्ट के अंदर डिटेल्स होंगी पॉलिसी की जो आपने बनाई है फॉर द पर्पज ऑफ सीएसआर। ठीक है, तो उस सीएसआर पॉलिसी की डिटेल बोर्ड रिपोर्ट के अंदर देनी है जिनको अटैच करा जाएगा स्टेटमेंट के साथ में। ये एक एनेक्सर के अंदर आपको फॉर्मेट बताया था, बट ये एप्लीकेबल है फॉर फाइनेंशियल ईयर कमेंस प्रायर टू 1st day of April 2020, जो कि अब रेलिवेंट नहीं रह गया है, क्योंकि अब रेलिवेंट नहीं रह गया, तो ये देखने की जरूरत नहीं है। जो इसके बाद आपको दिया हुआ है वो देखने की जरूरत है, इस पर आपको सवाल आ सकता है, बिकॉज पहले जो एनेक्सर दिया होता है उस पर भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इस पर भी आ सकता है जो ये नया वाला है, विच इज एप्लीकेबल ऑन और आफ्टर 1st day of April 2020। इसमें आपसे ये बोले कि क्या क्या आपको इंक्लूड करना पड़ता है बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, क्या क्या डिटेल्स बेसिकली सीएसआर के रिस्पेक्ट में आपको इंक्लूड करनी पड़ती है। तो सबसे पहले ब्रीफ आउटलाइन सीएसआर पॉलिसी का, देन कंपोजिशन सीएसआर कमेटी का, देन उसके बाद वेब लिंक आपको प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, सीएसआर कमेटी के कंपोजिशन को लेकर, सीएसआर पॉलिसी को लेकर, प्रोजेक्ट्स को जो अप्रूव करेगा बाय द बोर्ड, डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है इंपैक्ट असेसमेंट की ऑफ द सीएसआर प्रोजेक्ट, जो भी अमाउंट अवेलेबल है सेट ऑफ के लिए या जो अमाउंट रिक्वायर्ड है सेट ऑफ के लिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर वो आपको बताना पड़ता है। एवरेज नेट प्रॉफिट आप इसके अंदर बताते हो, 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट या बताते हो इसके अंदर 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। उसके बाद सरप्लस जो अराइज हो रहा है सीएसआर प्रोजेक्ट या प्रोग्राम से, ठीक है, जो आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कैरी आउट करे थे वो आप बताओगे, अमाउंट जो कि रिक्वायर्ड है सेट ऑफ के लिए वो आप बताओगे, टोटल सीएसआर ऑब्लिगेशन जो भी आपकी फाइनेंशियल ईयर के लिए वो आप बताओगे, सीएसआर अमाउंट जो स्पेंड या अनस्पेंड है फॉर द फाइनेंशियल ईयर वो आप बताओगे, डिटेल्स ऑफ द सीएसआर अमाउंट जो स्पेंड करा गया ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पे फॉर द फाइनेंशियल ईयर वो आपको बताना है, देन डिटेल्स ऑफ सीएसआर अमाउंट जो आप स्पेंड कर रहे हो अगेंस्ट अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर, देन अमाउंट स्पेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, अमाउंट स्पेंट ऑन इंपैक्ट असेसमेंट, टोटल अमाउंट जो आपने स्पेंड करा फाइनेंशियल ईयर में, एक्सेस अमाउंट जो कि सेट ऑफ के लिए अगर बच जाता है, डिटेल्स ऑफ अनस्पेंट सीएसआर अमाउंट फॉर द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, डिटेल्स ऑफ सीएसआर अमाउंट स्पेंट इन द फाइनेंशियल ईयर फॉर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो आपने प्रोजेक्ट चालू करे थे वो इस साल भी ऑनगोइंग है, तो उस पर आपने इस साल कितना खर्चा करें या बताओगे। देन उसके बाद में ये वाला जो पॉइंट है 10th वाला, इस पर आपको सेपरेट एक क्वेश्चन बना करके वो दे सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर लिखा है अगर कोई क्रिएशन या एक्विजिशन होता है कैपिटल असेट का, तो आपको डिटेल्स फर्निश करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू दैट असेट जो आपने क्रिएट करा है या एक्वायर करा है सीएसआर स्पेंड की मदद से इन द फाइनेंशियल ईयर। असेट वाइज आपको क्या चीजें बतानी पड़ेगी, ये 4 चीजें बतानी पड़ेगी, डेट ऑफ क्रिएशन और एक्विजिशन के उस कैपिटल असेट का, अमाउंट ऑफ सीएसआर जो आपने स्पेंड करा है उसके लिए, डिटेल्स ऑफ द एंटिटी या पब्लिक अथॉरिटी या बेनिफिशियरी जिसके नाम में वो कैपिटल असेट रजिस्टर्ड है उसका एड्रेस क्या है कैपिटल असेट का, डिटेल्स प्रोवाइड करनी है कैपिटल असेट की जो क्रिएट या एक्वायर करा गया है, ठीक है, इंक्लूडिंग कंप्लीट एड्रेस एंड लोकेशन ऑफ द कैपिटल असेट। तो ये चारों चीजें जो है ये आपको बतानी है, असेट वाइज डिटेल्स आपको देनी है, इस पे आपको जो है क्वेश्चन आ सकता है सेपरेट क्वेश्चन, तो आपके ध्यान में रखोगे। उसके बाद स्पेसिफाई करना रीजन अगर कंपनी फेल हो जाती है टू स्पेंड 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट एज पर 135(5), तो ये पूरा आपको याद रखना है, ठीक है, किसके अंदर, सीएसआर के अंदर। इसके बाद में आपको दिया कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, इसमें लिखा है कि मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन को इसकी ईएसजी परफॉर्मेंस जो है वो मेजर अंडरस्टैंड और कम्युनिकेट करने में। ईएसजी का मतलब है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक सोशल और गवर्नेंस परफॉर्मेंस। कम्युनिकेट करने में मदद करता है सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस और इंपैक्ट, चाहे वो इंपैक्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इंटरनल बेनिफिट्स इसके क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, क्या लिंक है बिटवीन फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उस पर फोकस करना। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट स्ट्रेटजी पॉलिसी और बिजनेस प्लान बनाना कीपिंग इन माइंड जो सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट्स है। स्ट्रीमलाइन करना प्रोसेस को, कॉस्ट रिड्यूस करना और इंप्रूव करना एफिशिएंसी। स्ट्रीमलाइन करने का मतलब है जो भी रिपीटेटिव प्रोसेस वगैरह उसको एलिमिनेट करना। बेंचमार्किंग एंड असेसिंग दी सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस एंड अवॉइडिंग बीइंग इंप्लिकेटेड इन पब्लिसाइज्ड ईएसजी फेलियर, यानी कि अगर कोई ईएसजी फेलियर हो भी जाता है तो पब्लिसिटी अगर उसकी हो जाएगी, ठीक है, उससे क्या होता है रेपुटेशन और ब्रांड वैल्यू पे असर पड़ता है कंपनी की। बट अगर आप खुद ही बता दोगे, ठीक है, जो भी इंपैक्ट है चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव है वो खुद ही रिपोर्ट के अंदर बता दोगे, तो आपके ऊपर जो उस पब्लिसिटी का इतना ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, तो वो आप क्या कर पाते हो, अवॉइड कर पाते हो। इन सब पॉइंट का कुछ ना कुछ मतलब है, बट उनके मतलब के अंदर मैं नहीं जा सकता हूं, मैं आपको सिर्फ गो थ्रू करवा रहा हूं। उसके बाद में एक पॉइंट इसके अंदर लास्ट वाला, कंपेयर कर पाते हो परफॉर्मेंस इंटरनली एंड बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड सेक्टर्स, तो आप इंटरनली भी कर पाते हो, दो ऑर्गेनाइजेशन की भी कर पाते हो आपस में और सेक्टर्स के बीच में भी कर पाते हो। इसके एक्सटर्नल बेनिफिट्स क्या है, एक्सटर्नल बेनिफिट्स इसके मिटिगेटिंग और रिवर्सिंग नेगेटिव या जो भी नेगेटिव ईएसजी इंपैक्ट्स है, ठीक है, उनको मिटिगेट करना, रिवर्स करना। इंप्रूव रेपुटेशन एंड ब्रांड लॉयल्टी, इनेबलिंग एक्सटर्नल स्टेक होल्डर की वो अंडरस्टैंड कर सके कि ऑर्गेनाइजेशन की ट्रू वैल्यू क्या है और टेंजिबल इंटेंजिबल असेट्स क्या है उसके पास में। इन डेमोस्ट्रेटिंग की कैसे ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस करती है, इन्फ्लुएंस होती है बाय द एक्सपेक्टेशंस अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इसके इंटरनल एक्सटर्नल बेनिफिट्स आपको याद रखने, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद कुछ की ड्राइवर्स है सस्टेनेबिलिटी के, ठीक है, इसके अंदर दिया सबसे पहला रेगुलेशन। रेगुलेशन में लिखा है गवर्नमेंट जो है, ठीक है ना, वो प्रेशर डाल रही कॉर्पोरेशन पे कि यार आपको क्या करना है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करनी है। कई आप देखोगे शिफ्ट हुआ है वॉलंटरी से उन्होंने मैंडेटरी बना दिया सस्टेनेबिलिटी मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग, तो ये एक फैक्टर हो गया, की ड्राइवर हो गया। सेकंड कस्टमर जो है वो ऑब्वियसली किसके अंदर जाएंगे, पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, तो पब्लिक ओपिनियन जो भी है या कंज्यूमर की प्रेफरेंस जो है वो इन्फ्लुएंस करती है कंपनीज को एंड दे वांट कि आप सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करो, तो आपको करनी पड़ेगी। लॉयलिटी के अंदर लिखा है फर्म्स जो है वो प्रोवाइड करना चाह रही है खुद ही से मच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट जो वो प्रोड्यूस कर रही है, सप्लायर्स जो उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो भी प्रोडक्ट का एनवायरमेंटल इंपैक्ट है क्रिएशन से लेकर के डिस्पोजल तक, फर्म खुद ये चीज बताना चाहती है।
ठीक है, तो वो भी एक की ड्राइवर है। एनजीओ और मीडिया पब्लिक रिएक्शन जो होता है, ठीक है ना, वो सिर्फ कस्टमर से ही नहीं आता बट जो एडवोकेट्स होते हैं मीडिया होती है उससे भी आता है। एडवोकेट्स का मतलब है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, उन लोगों की बात हो रही है, ठीक है, लॉ का एडवोकेट नहीं है ये, बट जो पब्लिक इंटरेस्ट सोसाइटी इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम रखते हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो उनका जो पब्लिक रिएक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है। जो भी एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी ब्रांड वैल्यू को डैमेज कर सकते हैं, अगर आप सस्टेनेबिलिटी वगैरह के लिए काम नहीं कर रहे हो सोसाइटी पे बुरा असर आएगा, वो आपके बारे में बातचीत करेंगे तो आपको नुकसान होगा, तो ये भी एक ड्राइवर हो गया। इंप्लॉइज जो इसमें लिखा है कि इंप्लॉइज भी अपने आप में कंसर्न सिटीजन है, तो उनके लिए भी जरूरी है कि उनका एम्प्लॉयर किस तरीके से बिहेव करता है, तो इंप्लॉइज उसी के साथ काम करेंगे जो अच्छे तरीके से क्या कर रहा है, सस्टेनेबिलिटी की तरफ वर्क कर रहा है, ठीक है। सो ये भी एक चीज होगी। देन पीयर प्रेशर फ्रॉम अदर कंपनीज, अगर दूसरी कंपनीज जो है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कैरी आउट कर रही है तो पीयर प्रेशर के कारण आपको भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जो है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के उनको क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा, तो ये एक फैक्टर हो गया। देन कंपनीज खुद जो है ये चीज करना चाहती है बिकॉज वो खुद पब्लिक सिटीजन है, तो उनको भी ये चीज समझ में आती है कि यार क्रेडिबल सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लस स्टेक होल्डर्स भी डिमांड कर रहे हैं एक्सप्लिसिट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। एंड इन्वेस्टर्स, इसमें लिखा है इन्वेस्टर्स भी कंपनीज जो है जानना चाहते हैं कि कंपनीज किस तरीके से अपने सस्टेनेबल जो है प्रैक्टिसेस फॉलो करती है, ठीक है, बिजनेस अप्रोच के अंदर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या स्टॉक एक्सचेंज वगैरह के जो सीईओज हैं, ठीक है ना, वो भी रिक्वेस्ट करते हैं कंपनीज से, ठीक है, कि वो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जो है ज्यादा से ज्यादा करें, तो ये भी एक अपने आप में क्या हो जाएगा, की ड्राइवर हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको इसके अंदर याद रखने, ठीक है, इसको याद रखने का तरीका जो है वो आप लिख सकते हो आर की पेंसिल, ठीक है। तो इसके अंदर आर इज फॉर रेगुलेशंस, उसके बाद पी जो है वो है पीयर प्रेशर, ई से हो जाएगा आपका जो इंप्लॉइज है, ठीक है, एन से हो जाएगा एनजीओ एंड द मीडिया, सी से हो जाएगा कस्टमर्स, आई से हो जाएगा इन्वेस्टर्स, और एल से हो जाएगा आपका लॉयलिटी, और एक जो कंपनी वाला उसमें एक सी और आप ऐड कर लो, कंपनीज देमसेल्स। तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हो। उसके बाद में आता है जीआरआई, ठीक है, जीआरआई के अंदर आपको सबसे पहले याद रखना है कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है। तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में आप बता रहे हो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल सोशल इंपैक्ट के बारे में जो आपके एवरीडे एक्टिविटीज में कॉज करी है, ठीक है, इसके अंदर आप प्रेजेंट करते हो कि ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज क्या है, गवर्नेंस मॉडल क्या है, और डेमोस्ट्रेट करते हो लिंक बिटवीन स्ट्रेटजी एंड उसका कमिटमेंट टू द सस्टेनेबल ग्लोबल इकोनॉमी। देन जीआरआई स्टैंडर्ड्स, जीआरआई स्टैंडर्ड्स के अंदर आपको पांच पॉइंट्स जो है वो लिख के आने, अगर इसमें नोट आता है तो सबसे पहले ये रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस फॉर रिपोर्टिंग पब्लिकली ऑन अ रेंज ऑफ जो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल सोशल इंपैक्ट है, डिजाइन करा गया प्राइमरीली टू बी यूज्ड एज अ सेट टू प्रिपेयर अ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जो फोकस्ड है मटेरियल टॉपिक्स पे। रिपोर्ट प्रिपेयर करना इन अकॉर्डिंग विद जीआरआई स्टैंडर्ड जो है, इससे होता है कि ये एक इंक्लूसिव पिक्चर देता है, होलसम पिक्चर देता है ऑर्गेनाइजेशन के मटेरियल टॉपिक्स की, उनके इंपैक्ट्स की, और किस तरीके से उसको मैनेज करा जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकती है ऑल या पार्ट ऑफ द सिलेक्टेड जीआरआई स्टैंडर्ड अगर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे उनको रिपोर्ट करना है तो। एंड देन जीआरआई स्टैंडर्ड्स मदद करते हैं बिजनेस को, गवर्नमेंट को, अदर ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड और कम्युनिकेट करने में इंपैक्ट ऑफ द बिजनेस ऑन क्रिटिकल सस्टेनेबिलिटी इश्यूज। तो ये नोट आता है तो आप लिख सकते हो। उसके बाद एलिमेंट्स क्या जीआरआई स्टैंडर्ड्स के, इस पे क्वेश्चन आ चुका है आपको, ठीक है। पहला है मल्टी स्टेक होल्डर इनपुट, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मल्टी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट अप्रोच फॉलो कर रहे हैं जिससे हम एड्रेस कर सके नीड सभी रिपोर्ट मेकर्स और यूजर्स की, ठीक है। इसमें कंसेंसस सीकिंग अप्रोच है एंड कंसीडर करा जाता है सभी स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट, जितने ज्यादा स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट कंसीडर करा जा सकता है उतने का करा जाता है, ठीक है। स्टेक होल्डर्स में बिजनेस आ जाएगा, सिविल सोसाइटी आ जाएगा, लेबर, अकाउंटिंग, इन्वेस्टर्स, एकेडमिक, गवर्नमेंट, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के प्रैक्टिशनर्स, ये सब लोग इसके अंदर जो है आ जाएंगे। रिकॉर्ड ऑफ यूज एंड एंडोर्समेंट में बताया कि ज्यादा से ज्यादा जीआरआई स्टैंडर्ड्स का यूज करा जा रहा है, तो आपको फिगर्स याद रखने की जरूरत नहीं, बट आप ये लिखा होगा कि जो वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द कॉर्पोरेशन अपनी सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस को रिपोर्ट करने के लिए जीआरआई स्टैंडर्ड्स का यूज करती है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग यूजिंग द जीआरआई स्टैंडर्ड बढ़ती चली जा रही है, ग्रो होती चली जा रही है, और ग्रोथ इन नंबर जो है रिपोर्टर्स का जो यूज करेंगे जीआरआई स्टैंडर्ड्स को, दैट नंबर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली, ये आपको इसके अंदर लिख करके आना है। गवर्नमेंटल रेफरेंस एंड एक्टिविटीज में लिखा है इनेबलिंग पॉलिसी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इनेबलिंग पॉलिसी का मतलब है कि गवर्नमेंट जो भी है, रेगुलेटर्स जो भी है, उनको पॉलिसी बनानी है जिससे कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए जीआरआई स्टैंडर्ड्स का एडॉप्शन जो है वो हो सके। इसलिए जीआरआई जो है वो वर्क करता है अलग अलग गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और कैपिटल मार्केट के साथ में, ठीक है। 35 कंट्रीज जो है वो जीआरआई यूज करती है अपने सस्टेनेबिलिटी पॉलिसीज के अंदर, ये आप लिख करके आ सकते हो। देन इंडिपेंडेंस के अंदर एक बोर्ड बनाया गया है, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ठीक है, जो इंडिपेंडेंस एश्योर करता है जो भी जीआरआई स्टैंडर्ड्स है उनकी। जीआरआई जो है वो एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है और इसको फंडिंग जो है वो अलग अलग सोर्सेज से मिलती है, जैसे गवर्नमेंट, कंपनीज, फाउंडेशन, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन या सपोर्टर्स। शेयर डेवलपमेंट कॉस्ट में लिखा है जो भी एक्सपेंस होता है जीआरआई की रिपोर्टिंग गाइडेंस या स्टैंडर्ड्स को बनाने का, वो कई सारे यूजर्स आपस में शेयर करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो कॉस्ट होती है डेवलपिंग इन हाउस स्टैंडर्ड्स वगैरह, वो जो है आपकी खत्म हो जाती है, वो एलिमिनेट हो जाती है। ये एलिमेंट जो है आपको ध्यान में रखने। उसके बाद जीआरआई स्टैंडर्ड्स के अंदर यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स है, तीन यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स है। पहला वाला है फाउंडेशन, जिसमें बोला स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यूजिंग द जीआरआई स्टैंडर्ड। जनरल डिस्क्लोजर, जिसमें बोला यूज टू रिपोर्ट द कॉन्टेक्स्टुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। एंड मैनेजमेंट अप्रोच, जिसके अंदर लिखा यूज टू डिस्क्लोज किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है अपने इंपैक्ट को रिलेटेड टू ईच ऑफ इट्स मटेरियल टॉपिक्स। इंटरनल बेनिफिट्स, एक्सटर्नल बेनिफिट्स, ये वही वाले हैं जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में हमने देख चुके हैं, तो ये आपको दोबारा से यहां से करने की जरूरत नहीं है, सेम पॉइंट्स हैं, एग्जैक्ट सेम पॉइंट्स। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन इंडिया में बीआरआर की बात करिए, बट अभी बीआरआर रेलेवेंट नहीं है, बीआरएसआर आ चुका है, ठीक है, तो वो आपको ज्यादा ध्यान देना है। हालांकि एक सर्कुलर आया था 10th May 2021 का जो बीआरएसआर से रिलेटेड था, तो इसके अंदर क्या बातें बोली थी वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, बिकॉज वो कई बार सर्कुलर के बारे में पूछ लेते हैं। तो इसमें यह बोला गया था कि सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल इकोनॉमी जो है वो एक मेजर इशू है, ठीक है, ग्लोबली एक मेजर इशू बन चुका है सस्टेनेबल इकोनॉमी। स्टेक होल्डर्स जो है वो बिजनेसेस से
ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो और सस्टेनेबल हो टुवर्ड्स द एनवायरमेंट एंड सोसाइटी, इसलिए रिपोर्ट करना कंपनी की परफॉर्मेंसेस ऑन सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फैक्टर्स एक वाइटल एस्पेक्ट बन जाता है। पहले बैकग्राउंड एस्टैब्लिश करा उन्होंने, देन उसके बाद में बोला कि बीआरआर जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ ईएसडी उसका फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है, तो बीआरआर हालांकि अब रेलेवेंट नहीं है तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। थर्ड वाले पॉइंट में ये लिखा है कि हमने इंट्रोड्यूस करा है नई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑन ईएसडी पैरामीटर जिसको बीआरएसआर बोला जाएगा। बीआरएसआर में आप डिस्क्लोजर ले रहे हो लिस्टेड एंटिटीज से उनके परफॉर्मेंस पे अगेंस्ट द 9 प्रिंसिपल ऑफ नेशनल गाइडलाइन ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट, जो एनजीबीआरसी के अंदर 9 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो डिस्क्लोजर सीक कर रहे हो बीआरएसआर के अंदर। एंड रिपोर्टिंग जो है हर एक प्रिंसिपल को लेकर के डिवाइड करा गया इनटू एसेंशियल एंड लीडरशिप इंडिकेटर, दो इंडिकेटर्स में उसको डिवाइड करा है, एक एसेंशियल इंडिकेटर और एक लीडरशिप इंडिकेटर। एसेंशियल इंडिकेटर्स मैंडेटरी है बताना, लीडरशिप इंडिकेटर वॉलेंट्री है, बट डिजायरेबल है कि आप जो लीडरशिप इंडिकेटर है उसके बारे में भी चीजें जो है रिपोर्ट करो, ठीक है। बीआरएसआर इज इंटेंडेड टुवर्ड्स क्वांटिटेटिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड डिस्क्लोजर, जो भी ईएसजी पैरामीटर है उसको लेकर के जिससे कंपेयर कर सके अक्रॉस कंपनी सेक्टर्स एंड टाइम, यानी जितना ज्यादा हो सके आप इन्फॉर्मेशन को क्वांटिफाई करके बताओ, फैक्ट्स और फिगर्स जो है वो यूज करके बताओ। देन ये डिस्क्लोजर हेल्पफुल होंगे इन्वेस्टर्स के लिए, वो बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन इससे ले पाएंगे। बीआरएसआर इनेबल करता है कंपनीज को भी कि वो मीनिंगफुली और ज्यादा एंगेज हो सके स्टेक होल्डर्स के साथ बाय एनकरेजिंग दी स्टेक होल्डर्स कि आप हमारे फाइनेंशियल्स के बियॉन्ड भी देखो कि हमने क्या काम जो है करा, ठीक है। एनलिस्टेड एंटिटीज जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं डिस्क्लोज कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट इंटरनेशनल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की को यूज करके, बेसिकली जीआरआई इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग वगैरह को यूज करके, तो उनको सिर्फ क्रॉस रेफरेंस देना है डिस्क्लोजर का जो बीआरएसआर के अंदर रिक्वायर्ड है। दोबारा से बीआरएसआर के अंदर पूरा डिस्क्लोजर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ क्रॉस रेफरेंस दे दो कि यार हमने इस फलाना रिपोर्ट में इस पेज पे ये जो डिस्क्लोजर है वो करे हुए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार इसमें ये पॉइंट्स पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ठीक है, तो आप ये समझो कि इसमें बीच में बीआरएसआर के बारे में आपको बताइए चीजें, ठीक है, कि बीआरएसआर जो है वो क्यों इंट्रोड्यूस करा गया, ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, बीआरएसआर में क्वांटिटेटिव और स्टैंडर्डाइज डिस्क्लोजर करना। तो आपको बीआरएसआर के ऊपर अगर नोट लिखने को आता है, एक यहां से क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, एक तो हो गया कि सर्कुलर के ऊपर पूछ लिया कि यार सर्कुलर आया था उसमें क्या क्या कंटेंट है वो बता दो, ठीक है, बट अगर बीआरएसआर के ऊपर नोट लिखने को आता है कि यार बीआरएसआर के ऊपर आप जो है नोट लिखो, तो आप ये वाले पॉइंट्स लिख सकते हो यहां से, जो थर्ड वाला पॉइंट है, फोर्थ वाला पॉइंट है, फिफ्थ वाला पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट्स की मदद से आप अपना बीआरएसआर के लिए कंटेंट बना सकते हो, क्योंकि इसमें आपको चीजें बता दी उन्होंने, प्लस एक एप्लीकेबिलिटी वाला आप जो पॉइंट है वो बता देना बीआरएसआर का, क्योंकि 1000 जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज हैं अब उनको क्या है बीआरएसआर के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है, फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, तो ये आप जो है इसके अंदर बता सकते हो। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या चैलेंजेस है मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में, पहला चैलेंज है गवर्नमेंट एनकरेजमेंट। इसमें लिखा है कई सारे जुरिसडिक्शन में कोई गाइडलाइंस ही नहीं है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के ऊपर जो एनकरेज करे कॉर्पोरेट सेक्टर को कि हाँ उनको ये चीज करनी चाहिए, और कुछ ऐसे जुरिसडिक्शन है जहां पे वॉलंटरी एज वेल एज मैंडेटरी गाइडलाइन है, ठीक है, रेगुलेटर्स की तरफ से फॉर रिपोर्टिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी। तो ये जरूरी है कि गवर्नमेंट क्या करे एनकरेज करे कॉर्पोरेट को, ठीक है, कि वो अडॉप्ट करे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एज अ मेजर ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देन अवेयरनेस में बोला है लैक ऑफ अवेयरनेस है इस एमर्जिंग कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को लेकर के, और ये भी एक मेजर चैलेंज है जो गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस बॉडीज को क्या करना है एड्रेस करना है, कैसे करेंगे सस्टेनेबिलिटी अवेयरनेस प्रोग्राम रन करके, ठीक है, फॉर द प्रोफेशनल्स बीओडी एंड मैनेजमेंट। जब वो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उनको ये करना चाहिए जॉइंटली विद द एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। एक्सपर्टीज नॉलेज की यहाँ पर कमी है, सो क्योंकि ये रिलेटिवली नया कॉन्सेप्ट है कई सारे जुरिसडिक्शंस में कंट्रीज में, तो ऑर्गेनाइजेशंस को दिक्कत होती है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर करने में बिकॉज उनको एक्सपर्ट गाइडेंस नहीं मिल पाती है। इसको ध्यान में रखते हुए जो प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास एक्सपर्ट नॉलेज है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का वो जरूरी हो गया, ठीक है, प्रोफेशनल्स होने चाहिए, तो जो प्रोफेशनल बॉडीज है उनको इंपार्ट करना चाहिए एक्सपर्ट नॉलेज सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के उनके मेंबर्स को, टू डेवलप अ गुड कैडर ऑफ एक्सपर्ट्स जो कि इस एमर्जिंग एरिया ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को क्या कर सके बेसिकली प्रमोट भी कर सके, प्रोपोगेट भी कर सके और हेल्प भी कर सके ऑर्गेनाइजेशन की ये चीज करने में। एंड इन्वेस्टर बिहेवियर, इसके अंदर लिखा है इन्वेस्टर जो उनको कंसिडर करना चाहिए जो भी ईएसडी इश्यूज है जब वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तब, ठीक है, कुछ कुछ रेगुलेटर्स ने गाइडलाइंस भी दी हुई है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को लेकर के कि जब भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे किसी कंपनी में तो उनको अपने वोटिंग राइट्स को लेकर के एक तो विजिलेंट रहना है, अवेयर रहना है, ठीक है, केयरफुल रहना है कि हमारे वोटिंग राइट्स क्या है, प्लस उनको ये भी समझना है कि कंपनी की गवर्नेंस प्रैक्टिसेस कैसी है जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज में वो इन्वेस्ट कर देते हैं बिना ईएसडी इश्यूज को कंसिडर करें, या तो लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण या किसी और बिजनेस रीजन के कारण, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ये प्रैक्टिस बन जाना चाहिए कि इन्वेस्टर का पैसा उन्हीं कंपनीज को जाए जहां पे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है फॉलो होती है इंक्लूडिंग द सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट्स। ये पॉइंट्स जो है आपको इसके अंदर ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में आपको दिया है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के बारे में। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में आपको सबसे पहले बॉक्स में जो दिया है याद रखने की इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हैं, ये कम्युनिकेट करने के लिए कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी गवर्नेंस और परफॉर्मेंस ने वैल्यू क्रिएट करी है शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म में, होलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना है फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इस रिपोर्ट की मदद से। उसके बाद आप ये लाइन याद रखोगे कि वैल्यू क्रिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बैकबोन है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के लिए बिकॉज इसका आपको कमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। देन उसके बाद में क्यों बिजनेस को जरूरत होती है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की, तो जरूरी है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों को साथ में प्रमोट करना, ठीक है, बाय लिंकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन कॉर्पोरेट बिहेवियर एंड रिपोर्टिंग। इसीलिए जो है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग करने की जरूरत है। रेगुलेटर और कंपनीज जो उनको रियलाइज हो गए कि फंडामेंटल चेंज करना पड़ेगा रिपोर्टिंग के अंदर, जहां पे आप सिर्फ फोकस फाइनेंशियल कैपिटल पे नहीं कर रहे हो बट बाकी कैपिटल्स पे भी कर रहे हो और ये शो कर रहे हो कि कैसे आपके इकोनॉमिक सोशल और एनवायरमेंटल सिस्टम
के अंदर आपने ऑपरेट करते हुए वैल्यू जो है वो क्रिएट करी है। तो ये बात आपको इसके अंदर क्या लिख करके आनी है। देन एम क्या, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट का एम है कि हम क्लियरली और कंसाइसली बता दें ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स को कंपनी के बारे में, उसकी स्ट्रेटजी के बारे में, रिस्क के बारे में, फाइनेंशियल और सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस के बारे में, जिससे स्टेक होल्डर को एक होलिस्टिक व्यू मिल जाए विद रिस्पेक्ट टू द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। उसके बाद अदर कंसिडरेशन क्या इंक्लूड होते हैं इसमें अपार्ट फ्रॉम द शेयर्ड वैल्यू प्रोसेस जो है, ठीक है, जो वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है उसके अलावा और क्या चीजें इसमें, इसमें लिखा है कि ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू क्रिएशन का जो पोटेंशियल है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो अपने रिसोर्सेस को किस तरीके से आइडेंटिफाई करती है, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, ठीक है, ये कैसे पता करती है कि जो रिसोर्सेज है वो ओन बाय द ऑर्गेनाइजेशन है या थर्ड पार्टीज है, एंड कैसे उनको अलाइन करती है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के साथ में। तो कैसे आइडेंटिफाई करती है रिसोर्सेज को, चाहे वो टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, ठीक है, चाहे वो फिर ओन बाय द ऑर्गेनाइजेशन या थर्ड पार्टीज हो, एंड कैसे उनको अलाइन करती है, दो बातें, कैसे आइडेंटिफाई करती है, कैसे अलाइन करती है। देन कोई भी वैल्यू जो क्रिएट करी गई है, ठीक है, इंक्लूडिंग विच बेनिफिट द सोसाइटी एज अ होल, हैज द पोटेंशियल टू इंपैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। एंड लास्ट में इसमें पॉइंट ये कि ऑर्गेनाइजेशन जो कम्युनिकेट करती है अपनी स्ट्रेटजी मार्केट को और क्वांटिफाई करती है, ठीक है, किस चीज को क्वांटिफाई करती है कि वैल्यू क्रिएशन उन्होंने कितना करा है, उस चीज को अगर वो क्वांटिफाई करती है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में क्या करती है, वैल्यू जो है वो क्रिएट कर रही है। ठीक है, ये इस पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है। इन पॉइंट्स का अगेन कुछ ना कुछ मीनिंग है, ठीक है, जिसको इनडेप्थ जाकर के समझना जरूरी है, बट ये वो टाइम नहीं है समझने का, तो आप सिर्फ इसको क्या कर लो, गो थ्रू कर लो, समझ लो कि यार इन पॉइंट्स में क्या लिखा है। अगर आपको सवाल आता है तो आप जो है इसके बेसिस पे जो आपको याद रहता है आप लिख करके आ जाओगे। देन की स्टेक होल्डर्स कौन कौन से, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन को टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट उनका इंपैक्ट एंड कैसे वो वैल्यू क्रिएट करते हैं होलिस्टिक वे में। इन्वेस्टर, अदर की स्टेक होल्डर जैसे कस्टमर, एम्प्लॉइज या रेगुलेटर्स, ठीक है, इसमें आप अंडरस्टैंड कर रहे हो बिजनेस और उसका प्रोस्पेक्ट, ठीक है, मतलब जो भी इन्वेस्टर वगैरह है उनको आसानी से बिजनेस के बारे में और वो आगे चल करके कैसा क्या परफॉर्म करने वाला है उसके बारे में समझ में आ जाता है, जिससे वो बेटर इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाते हैं। इन सोसाइटी के लिए लिखा है एनहांस बिजनेस एंड इन्वेस्टर परफॉर्मेंस, इंक्रीज द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो इससे पूरी सोसाइटी को बेनिफिट मिलता है। तो तीन ये इसके क्या है, की स्टेक होल्डर्स है। तो उसके बाद इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड गवर्नेंस, इसके अंदर ये जो पहली लाइन लिखी है कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फैसिलिटेट करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ द ओवरऑल गवर्नेंस फ्रेमवर्क टू द स्टेक होल्डर्स, ये लाइन देकर के आपको कॉमन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, वो होगा किसके रिस्पेक्ट में, चार पिलर्स के बारे में जो गवर्नेंस के हैं जो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के अंदर कवर होते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में कवर होते हैं ये फॉलोइंग फोर पिलर्स ऑफ द गवर्नेंस, तो इस पे क्वेश्चन होगा वो लाइन ये वाली होगी कॉमन बेस्ड के अंदर। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो इसमें याद करने का तरीका क्या है, सीता, ठीक है, सीता का मतलब है सबसे पहले एस से स्टीवर्डशिप, स्टीवर्डशिप लिखा है कैसे ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करा जाता है टू अचीव द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके बोर्ड की है, ठीक है, कि वो गाइड करेंगे, ठीक है, स्टीवर्डशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके बोर्ड की है। एंड इसमें इन्वॉल्व है मैक्सिमाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमन, फाइनेंशियल, नेचुरल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल एज वेल एज मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। ठीक है, ये सारी कैपिटल जो है, छह कैपिटल जो है, ठीक है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की, उन सबको मैक्सिमाइज करना, यानी कि उन सबके रिटर्न को मैक्सिमाइज करना, यही हमारा क्या है मेन पर्पज है इसके अंदर, ठीक है, स्टीवरशिप के अंदर। देन उसके बाद इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी इज एट द हार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस, ठीक है, एंड ड्राइव्स की किस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज क्या है और उसका कल्चर क्या है। ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली अगर बिल्ड है इंटीग्रिटी पे इंटरनली, तो इससे क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप जो है वो क्या होगी और बेहतर होगी विद द स्टेक होल्डर्स। देन ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी में ओपननेस एंड क्लैरिटी होना चाहिए इंटरनल एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के अंदर, और अकाउंटेबिलिटी के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफाइन करना है कि कौन क्या काम करेगा और हर एक रोल जो है वो किस तरीके से वैल्यू एड करता है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में, ये बताना जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी के अंदर कुछ टूल्स आते हैं जैसे पोजिशन को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बताना, वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को अलाइन करना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के साथ में, अंडरस्टैंड करना कि क्या स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है जो हमारी स्ट्रेटेजी उसको सपोर्ट करने के लिए, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाएगी, तो पिलर्स में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आईआईआरसी के बारे में आपको बोला, आईआईआरसी के बारे में आप सबसे पहले लिखोगे कि एक ग्लोबल कोलिशन है, ठीक है, रेगुलेटर, इन्वेस्टर, कंपनीज, स्टैंडर्ड सेटर, इन सब की कॉमन इंटरेस्ट, इनका क्या कॉमन इंटरेस्ट है कि इंटरनेशनल बेसिस पे इंप्रूव करना कम्युनिकेशन अबाउट वैल्यू क्रिएशन। देन उसके बाद कोलिशन के अंदर कौन कौन है, तो अलग अलग जो है लोग इसके अंदर, ठीक है ना, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग हैं जैसे बिजनेस कम्युनिटी या फिर अदर रिपोर्टिंग एंटिटी, प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल, पॉलिसी मेकर, रेगुलेटर, एक्सचेंजेस, अकाउंटिंग प्रोफेशन, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डेवलपर्स, स्टैंडर्ड सेटर, सिविल सोसाइटी, एकेडमी, ये सब लोग इसके अंदर है, तो कौन कौन है ये बता दोगे। देन मिशन बताओगे कि आईआईआरसी का मिशन है टू एस्टैब्लिश इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड थिंकिंग विद इन द मेनस्ट्रीम बिजनेस प्रैक्टिस इज द नॉर्म इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। एंड विजन बताओगे कि आईआईआरसी का विजन है इज अ वर्ल्ड इन विच कैपिटल एलोकेशन और कॉर्पोरेट बिहेवियर अलाइंड हो टू द वाइडर गोल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू द साइकिल ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड थिंकिंग। तो मिशन और विजन को आपको एक बार गो थ्रू करना पड़ सकता है, ठीक है, वापस से थोड़ी बहुत चीजें रखने के लिए, एक्जैक्टली ऐसा कैसा लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप कीवर्ड्स जो भी हैं, ठीक है ना, जो एसेंस है वो पकड़ लो और वही आपको लिख करके आना है। बट ये तब लिखना जब आपको आईआईआरसी के ऊपर नोट आता है लिखने को, ठीक है, यहाँ पर भी आ सकता है, चैप्टर 11 में भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है। देन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के बारे में लिखा है प्राइमरी पर्पस इंटीग्रेटेड रिपोर्ट का एक्सप्लेन करना प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल को कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू क्रिएट करी ओवर टाइम। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो आप इन रिस्पॉन्स टू एक्जिस्टिंग कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, और वो आइदर स्टैंड अलोन भी हो सकती है या फिर इंक्लूड करी जा सकती है अलग से एज अ पार्ट ऑफ अनदर रिपोर्ट। तो दूसरी रिपोर्ट में ही आप इंक्लूड कर दोगे बट सेपरेट पार्ट में ऑब्वियसली, या फिर आप एक सेपरेट इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बना दोगे, ठीक है। तो ये चीज इसके अंदर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो इसमें कोई काम की बात है नहीं, मैंने आपको कवर नहीं करा, आप एक बार जो है बस बेसिक जो है रीड इसको कर लेना। देन फ्रेमवर्क जो है ये फ्रेमवर्क इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का, ये फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई करता है इन्फॉर्मेशन को आपको इंक्लूड करना इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में, ठीक है, जो यूज करा जाएगा फॉर असेसिंग द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू एंड इज रिटन प्राइमरली विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट सेक्टर या फॉर प्रॉफिट कंपनीज, बट पब्लिक सेक्टर
सेक्टर की कंपनीज या नॉट फॉर प्रॉफिट वाले भी इसका यूज कर सकते हैं। गाइडिंग प्रिंसिपल्स के अंदर आपको दिए हुए थे कि गाइडिंग प्रिंसिपल में सबसे पहला ये स्ट्रेटेजिक फोकस एंड फ्यूचर ओरिएंटेशन, इसमें बोला इंटीग्रेटेड रिपोर्ट इनसाइट प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी के अंदर और वो कैसे रिलेटेड है विद द ऑर्गेनाइजेशन का एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू इन द शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म एंड उसका यूज एंड इफेक्ट्स ऑन द कैपिटल। इन कनेक्टिविटी ऑफ इन्फॉर्मेशन उसके अंदर बोला होलिस्टिक पिक्चर देते हैं कि ऑफ द कॉम्बिनेशन इंटररिलेटेडनेस एंड डिपेंडेंसी बिटवीन वेरियस फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को, तो आपको सिर्फ ये लिखना है होलिस्टिक पिक्चर देता है ऑफ ऑल द फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को टू क्रिएट वैल्यू ओवर टाइम। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप में लिखा इंटीग्रेटेड रिपोर्ट प्रोवाइड करती है इनसाइट इनटू द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद द की स्टेकहोल्डर्स, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेकहोल्डर्स के लेजिटिमेट नीड्स और इंटरेस्ट है उसकी तरफ रिस्पॉन्ड करती है, उनको अंडरस्टैंड करती है, ये भी इसके अंदर आप लिख के आ जाओगे। मटेरियलिटी में लिखा है कि इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के अंदर आपको डिस्क्लोज करना है इन्फॉर्मेशन अबाउट मैटर्स जो कि सब्सटेंटिवली अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को टू क्रिएट वैल्यू, मेन मेन जो बातें हैं जो कि असर डालती है वैल्यू क्रिएशन के ऊपर उसके बारे में आपको जो है बातें करनी है इसके अंदर, बाकी सारी चीजों को आपको बताने की जरूरत नहीं है। कंसाइसनेस में इंटीग्रेटेड रिपोर्ट कंसाइज होनी चाहिए। रिलायबिलिटी एंड कंप्लीटनेस में इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के अंदर सारे मटेरियल मैटर्स आने चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव। एंड कंसिस्टेंसी कंपेरेबिलिटी में लिखा है कि इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में आपको प्रेजेंट करना है ठीक है कंसिस्टेंट बेसिस पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इस तरीके से कि कंपैरिजन हो सके दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इन टर्म्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन एबिलिटी ठीक है, कि उस ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी क्या है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी क्या है वो कंपैरिजन हो सके। ये हेडिंग्स जो है आपकी ठीक है, ये हेडिंग्स आपको ऐसी की ऐसी ही याद रखनी है। मैंने काफी सारी कॉपीज में देखा है कि हेडिंग्स चेंज कर दी जाती है, बट आपको चेंज नहीं करना। हेडिंग्स क्या क्या है? स्ट्रेटेजिक फोकस, फ्यूचर ओरिएंटेशन, कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप, मटेरियलिटी, कंसाइसनेस, रिलायबिलिटी एंड कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी। उसके बाद कंटेंट एलिमेंट में 8 कंटेंट एलिमेंट जो है वो आपको इसके अंदर दिए हुए हैं ठीक है ना। 8 कंटेंट एलिमेंट्स के अंदर सबसे पहला जो आपको दिया हुआ है वो है ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये सबसे पहला जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसके अंदर बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन आखिर क्या करती है ठीक है, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डू एंड व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस जिसमें वो ऑपरेट करती है, ये आप इंक्लूड करोगे इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के अंदर। सेकंड आप गवर्नेंस के बारे में इंक्लूड करोगे कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का ठीक है, जो सपोर्ट करता है उसकी एबिलिटी को टू क्रिएट वैल्यू इन शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म। बिजनेस मॉडल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, रिस्क और अपॉर्चुनिटीज का, स्पेसिफिक रिस्क और अपॉर्चुनिटीज जो अफेक्ट कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को टू क्रिएट वैल्यू ठीक है, और कैसे ऑर्गेनाइजेशन इनसे डील कर रही है, ये चीज आप इसमें इंक्लूड करोगे। स्ट्रेटजी और रिसोर्स एलोकेशन, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जाना चाहती है और वहां जाने के लिए ठीक है वो क्या स्ट्रेटजी बना रही है, किस तरीके से वहां तक जाना चाहती है, तो ये इसमें आ जाएगा। फिर ये एक पॉइंट है जो इन्होंने बीच में ऐसे डाल दिया, बट ये सेपरेट पॉइंट है परफॉर्मेंस का। इसमें लिखा है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को किस हद तक अचीव कर पाई है ठीक है, किस हद तक अचीव कर पाई है और उन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स का जो भी आउटकम आया उसका क्या इफेक्ट आया कैपिटल्स के ऊपर, जो अलग अलग कैपिटल्स आपने पढ़ी है। देन आउटलुक, इसके अंदर लिखा है क्या चैलेंजेस और अनसर्टेनिटीज ऑर्गेनाइजेशन को एनकाउंटर करनी पड़ सकती है जब वो अपनी स्ट्रेटेजी जो उसने डिसाइड करी है उसको इंप्लीमेंट कर रही है एंड क्या उसके पोटेंशियल इंप्लीकेशन हो सकते हैं बिजनेस मॉडल के ऊपर और फ्यूचर परफॉर्मेंस के ऊपर। एंड बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन में लिखा है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन करेगी कि कौन से मैटर्स हमको इंक्लूड करने चाहिए इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में और कौन से मैटर्स को क्वांटिफाई या इवैल्यूएट करके बताना चाहिए ठीक है। ये कंटेंट एलिमेंट्स हैं, क्या क्या चीजें इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में आएगी, इसकी भी हेडिंग्स आपको ऐसी की ऐसी याद रखनी है। ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, गवर्नेंस, बिजनेस मॉडल, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेटजी, रिसोर्स एलोकेशन, आउटलुक, परफॉर्मेंस एंड बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन। देन 6 कैपिटल डिस्क्लोजर में आपको दिया हुआ है फाइनेंशियल कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल का मतलब है पूल ऑफ फंड जो कि अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन के पास ठीक है, जिसका वो यूज कर सकती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, और फाइनेंसिंग आप अलग अलग सोर्सेज से ऑब्टेन कर सकते हो जैसे डेट, इक्विटी, ग्रांट या जो भी आपने पैसा जनरेट करा ऑपरेशन या इन्वेस्टमेंट की मदद से। मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल में फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, मैन्युफैक्चर्ड फिजिकल ऑब्जेक्ट ठीक है जो कि अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन के पास ठीक है, जो अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या प्रोविजन ऑफ सर्विस जैसे बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंटेलेक्चुअल कैपिटल के अंदर आ जाएंगे पेटेंट, सॉफ्टवेयर वगैरह ठीक है। ह्यूमन कैपिटल के अंदर आ जाएगा पीपल के कॉम्पिटेंसीज, उनकी कैपेबिलिटी, एक्सपीरियंस, उनके मोटिवेशन टू इनोवेट, कैसे वो सपोर्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के गवर्नेंस फ्रेमवर्क को, रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच को, एथिकल वैल्यूज को। सोशल कैपिटल में आ जाएगा इंप्लॉइज, कम्युनिटी, कस्टमर्स ठीक है, ये सोशल कैपिटल का एग्जांपल है। इसमें आप रिपोर्ट करते हो इश्यूज रिलेटेड टू एम्प्लॉई वेलबींग, ह्यूमन, लेबर राइट्स एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम। नेचुरल कैपिटल में एयर, लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, ये सब चीज आ जाएगी। इसमें आप रिपोर्टिंग करते हो किस चीज को लेकर के कंपनी कैसे अंडरस्टैंड करती है स्केयरसिटी को ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट चेंज की स्ट्रेटजी क्या है कंपनी की, कार्बन एमिशन को लेकर के वो क्या कर रहे हैं, वाटर कंजम्पशन को लेकर के क्या कर रहे हैं, रिसाइकलिंग को लेकर के क्या कर रहे हैं, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। देन बेनिफिट्स क्या इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के, तो बेनिफिट्स में सबसे पहले इंप्रूव डिसीजन मेकिंग ठीक है, क्योंकि आपको सभी फैक्टर्स के बारे में ग्रेटर इंसाइट्स मिलते हैं जो बिजनेस परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हो बिजनेस को और उसके ड्राइवर्स को, इसीलिए आप बेटर स्ट्रेटजी बना पाओगे और डिसीजन मेकिंग कर पाओगे। इंप्रूव्ड रेपुटेशन एंड स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप में लिखा है डिस्क्लोजर ऑफ की रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, इससे क्या कर पाते हैं इन्वेस्टर असेस कर पाते हैं शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म इंपैक्ट को, हमारी रेपुटेशन अमंग द स्टेकहोल्डर और हमारी रिलेशनशिप विद देम बेटर हो पाती है, क्योंकि हम उनको आगे रहकर के सारी चीजें डिस्क्लोज कर रहे हैं। मोर एफिशिएंट रिपोर्टिंग में हम हमारा जो डेटा क्वालिटी है, चाहे वो फाइनेंशियल डेटा की क्वालिटी हो या नॉन फाइनेंशियल डेटा की क्वालिटी हो, वो इंप्रूव होती है ठीक है, बिकॉज हम दोनों चीजों के बारे में डिस्क्लोजर दे रहे हैं। देन एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट में लिखा है कि जो सोशल डेवलपमेंट और गवर्नेंस है विद इन द बिजनेस मॉडल वो किस तरीके का है ऑर्गेनाइजेशन में, वो पता चलता है। अगर सोशल डेवलपमेंट और गवर्नेंस विद इन देयर बिजनेस मॉडल बता रही है ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, तो इससे एम्प्लॉई और ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं और सपोर्टिव फील करते हैं टुवर्ड्स द टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज ठीक है दे आर वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग बिग ठीक है। जो रेगुलर वर्किंग है उनकी वो तो ठीक है, बट वो पूरा जो उनके एफर्ट्स हैं
those efforts are directed towards something big which is sustainable development, ठीक है, apart from जो financial आपकी growth है, तो वो एक चीज है जो employee को motivate करती है, इसलिए employee engagement एक benefit हो गया. And last, improved gross margin, इसमें ये है कि wholesome picture क्योंकि आपके सामने आती है, ठीक है, सारे factors आप consider करते हो तो आपको areas पता चलते हैं जहाँ पर आप cost savings कर सकते हो. अब अगर मेरे को areas पता चलेंगे जहाँ पे cost savings कर सकते हैं, तो cost cut करके हम हमारे gross margins को क्या कर सकते हैं, better कर सकते हैं, improve कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो वो आ जाएगा. इसमें भी आपको headings clearly याद रखनी है, improved decision making, improved reputation and stakeholder relationship, more efficient reporting, employee engagement and improved gross margin. उसके बाद ये एक सर्कुलर आया हुआ है, ठीक है, सर्कुलर के अंदर जो आपको कुछ चीजें दी है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ. इसके अंदर सबसे पहले बोला है, इन्वेस्टर जो है वो आज दोनों इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो, जिससे वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए. इंटीग्रेटेड रिपोर्ट जो है वो यही काम करती है कि वो कंसाइसली आपको बता देती है दोनों इन्फॉर्मेशन. पर्पस इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का यही है कि शेयर होल्डर, इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर्स को रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देना जो उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए यूजफुल हो सकती है. देन उसके बाद IIRC जो उसने गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए, दोबारा से करने की जरूरत नहीं है. कैपिटल्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए, ये भी करने की जरूरत नहीं. इस पॉइंट पे, सेवंथ वाले पॉइंट पे क्वेश्चन आ चुका है कि सर्टेन लिस्टेड एंटिटीज इन इंडिया जो है वो ऑलरेडी अंडरटेक कर रही है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के जो प्रिंसिपल्स है उसके अकॉर्डिंग जो डिस्क्लोजर्स है वो, ठीक है. तो इंप्रूव करने के लिए डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड को जो लिस्टेड एंटिटीज है, सेबी ने उनको एडवाइस करा है कि आप इन चीजों से क्या करो, एधर करो. ये जो चार चीजें हैं, पहला इंटीग्रेटेड रिपोर्ट को आप अडॉप्ट कर सकते हो वॉलंटरी बेसिस पे, ठीक है, कौन कर सकता है, फॉर द FY 2017-18 के लिए टॉप 500 कंपनीज जिनको BRR प्रिपेयर करना है, ठीक है, BRR प्रिपेयर करना है. देन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग को आप एनुअल रिपोर्ट में दे सकते हो सेपरेटली, या इनकॉर्पोरेट कर सकते हो मैनेजमेंट डिस्कशन या एनालिसिस के अंदर, या आप एक सेपरेटली रिपोर्ट बना सकते हो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट को लेकर. कंपनी जो कि ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन किसी भी दूसरी रिपोर्ट में जो उन्होंने नेशनल या इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट या फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए, उनको सिर्फ क्रॉस रेफरेंस देना है अपनी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में, जिससे डुप्लीकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ना हो. और ग्रीन इनिशिएटिव यानी पेपर बचाने के लिए कंपनीज अपनी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट को वेबसाइट पर होस्ट करेंगे और प्रोवाइड करेंगे एप्रोप्रिएट रेफरेंस टू द सेम इन देयर एनुअल रिपोर्ट, कि हमने जो है वो जो भी वेब लिंक होगा उसका, ठीक है, वो उसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा. तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है इसके अंदर. उसके बाद आता है रिलेशन क्या है बिटवीन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग. तो उसमें लिखा है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कंबाइन करता है लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को विद द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कि प्रॉफिटेबिलिटी प्लस आपकी जो सोशल या गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आप कैसे डिस्चार्ज करें. देन इसके अंदर हम इकोनॉमिक एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस परफॉर्मेंस को मेजर करने का काम कर रहे हैं, कम्युनिकेट करने का काम कर रहे हैं. इंटीग्रेटेड रिपोर्ट का एम क्या है, प्राइमरीली टू ऑफर एन ऑर्गेनाइजेशन के प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल विद एन इंटीग्रेटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स जो कि मटेरियल है, ठीक है, फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू क्रिएशन में. इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है कंसाइज कम्युनिकेशन की कैसे उसकी स्ट्रेटजी, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस और प्रोस्पेक्ट्स जो है दे लीड टू द क्रिएशन ऑफ वैल्यू ओवर टाइम, या बताते हो. इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के अंदर देखो, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट कोई एनुअल रिपोर्ट जो होती है ट्रेडिशनल उसका एक्सट्रैक्ट नहीं है, ना ही कॉम्बिनेशन है सिंपली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट का, कि दोनों को मर्ज करके रिपोर्ट बना दी. नहीं, हम एक्चुअली में इंटर रिलेट कर रहे हैं डेटा को, ठीक है, जो फाइनेंशियल डेटा उसको भी और जो नॉन फाइनेंशियल डेटा उसको भी, कि कैसे हमने जो है नॉन फाइनेंशियल जो हम चीजें करते हैं, जो एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस के लिए जो हम काम करते हैं, उसका फाइनेंशियली क्या इंपैक्ट आया है, किस तरीके से हमने वैल्यू क्रिएट करी, वो कैपिटल्स का यूज हमने कैसे करा, ये एक पॉइंट आप लिख करके आ सकते हो. उसके बाद ये वाला पैरा आपको बताता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के डिफरेंट है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इज एन इंट्रिंसिक एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, ये आपको याद रखना है. ये आपके लिए एक की लाइन है जो आपको जब क्वेश्चन आएगा कि क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, तो ये लाइन आपके आंसर में होनी चाहिए. सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इज एन इंट्रिंसिक एलिमेंट, बिकॉज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में सस्टेनेबिलिटी के जितने भी एस्पेक्ट्स की हमने बात करी है वो सभी तो कवर हो रहे हैं, तो वो उसी का क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया, पार्ट हो गया, ठीक है. दूसरी चीज, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फंडामेंटल है ऑर्गेनाइजेशन की इंटीग्रेटेड थिंकिंग के लिए और रिपोर्टिंग के लिए. इसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई कर पाती है मटेरियल इश्यूज को, उसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को, और असेस कर पाती है उसकी एबिलिटी को टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स एंड क्रिएट वैल्यू ओवर टाइम. तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये फंडामेंटल है, ठीक है, टुवर्ड्स द इंटीग्रेटेड थिंकिंग या रिपोर्टिंग. क्यों? बिकॉज इसी की मदद से आप मटेरियल इश्यूज जो कि सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड मटेरियल इश्यूज है उनको आइडेंटिफाई कर पाओगे, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स उसको लेकर के सेट कर पाओगे, और फिर उसके बाद में असेस कर पाओगे अपनी एबिलिटी को कि हम उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और साथ ही में वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. ये आपको इसके अंदर लिख आना है. लास्ट में आपको जो है डिफरेंस दिया हुआ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का. इसमें बोला है मीनिंग के अंदर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं क्या चीज की, किस तरीके से वैल्यू क्रिएशन होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के अंदर इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स जो है, ठीक है, उनको बताया जा रहा है कि कैसे हम हमारी प्रोग्रेस क्या है टुवर्ड्स अ मोर सस्टेनेबल फ्यूचर. एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो डेफिनेशन है वो आप इसके अंदर लिख करके आ जाओगे जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ी. इन्फॉर्मेशन में आप फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दोनों, इसके अंदर से नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी और इसके अंदर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंट्स होंगे, यानी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी. फोकस इसमें हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर लिंक्ड है. यहाँ पर ये बैकवर्ड लुकिंग है, ठीक है, एक्जिस्टिंग CSR प्रोजेक्ट्स का या एक्जिस्टिंग जो भी ESG आपके परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात हो रही है. ये भी बैकवर्ड लुकिंग है, ठीक है, पिछले साल के फाइनेंशियल्स वगैरह जो थे, पिछले साल की परफॉर्मेंसेस जो थी उनकी बात हो रही है. पर्पस में एक्सप्लेन करता है प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल को कि कैसे वैल्यू क्रिएट होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये कम्युनिकेट करता है एंटिटी के ब्रॉडर सोशल एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स, स्ट्रेटजीज एंड गोल्स, और इसका पर्पस क्या है कि एनालिसिस ऑफ
the past, current and future performance and financial position of the company, जिससे कि investment और credit या other economic decisions लिए जा सके. Audience कौन है? Providers of financial capital mainly and other interested in the organization's ability to create value. ये multi-stakeholder है, ठीक है, ये GRI के अंदर भी हमने देखा multiple stakeholders के interest की हम बात करते हैं, और ये shareholder और investors. Then scope के अंदर यहाँ पर आपको वो सारे content element लिख देने integrated report में. यहाँ पर economic, environmental, social, including labor practices, human rights, broader societal influences और governance यानी ESG आ जाएगा इसके अंदर. और यहाँ पर financial statement and accounts. And framework के अंदर ये IIRC ने जो framework दिया उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करते हो, ये GRI के अकॉर्डिंग आप करते हो, और ये जो भी लॉस वगैरह के अंदर दिया हुआ है फॉर्मेट वगैरह उसके अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड्स वगैरह दिए हुए हैं, रेगुलेशंस के अंदर जो फॉर्मेट दिया उसके अकॉर्डिंग. तो ये आपको जो है डिफरेंस याद रखना है. इसके बेसिस पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं. बेसिस पॉइंट्स में पहला था मीनिंग, उसके बाद था इन्फॉर्मेशन, देन उसके बाद में फोकस, पर्पस, ऑडियंस, स्कोप एंड फ्रेमवर्क. ये पूरा आपका चैप्टर है रिपोर्टिंग का. अब स्टार्ट कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ में. इसके अंदर आपको सबसे पहले याद रखना है जो रिस्क की डेफिनेशन है वो. इसके अंदर बोला है रिस्क का मतलब एक्सपोजर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, इंजरी, अदर एडवर्स या अनवेलकम सर्कमस्टेंसेस, ऐसे चांसेस या सिचुएशन जहां पे ऐसी पॉसिबिलिटी इन्वॉल्व है. उसके बाद अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपको रिस्क की डेफिनेशन दिया. तो सबसे पहले जेनरिक दिया, जेनरिक के अंदर लिखा है प्रोबेबिलिटी या थ्रेट ऑफ डॉली, ठीक है, डॉली का मतलब है डैमेज, अदर नेगेटिव ऑकरेंस, लाइबिलिटी, लॉस या फिर इंजरी. ये कॉज होती है बाय एक्सटर्नल या इंटरनल वल्नरेबिलिटीज, एंड इसको आप अवॉइड कर सकते हो प्रीएम्प्टिव एक्शन लेकर. फाइनेंस पर्सपेक्टिव से प्रोबेबिलिटी की एक्चुअल रिटर्न जो होगा इन्वेस्टमेंट पे वो कम होगा देन द एक्सपेक्टेड रिटर्न. फिर इसके एग्जांपल्स आपको दिए, एग्जांपल्स आप देख लोगे. फूड इंडस्ट्री के अंदर लिखा है पॉसिबिलिटी की सर्टेन हजार हो सकता है फूड में, जिसके कारण नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा. इंश्योरेंस के अंदर सिचुएशन जहां पे प्रोबेबिलिटी जो है वेरिएबल की वो हमको पता है, लेकिन वो मोड क्या होगा उसके ऑकरेंस का, होने का तरीका क्या होगा, मोड क्या होगा वो हमको नहीं पता, और एक्चुअल वैल्यू जो है ऑकरेंस की वो भी हमको नहीं पता है. एंड सिक्योरिटीज ट्रेडिंग के अंदर लॉस या ड्रॉप इन वैल्यू दो जनरल कैटेगरीज है. सिस्टमैटिक रिस्क जो सभी सिक्योरिटीज जो है सेम क्लास में उसको अफेक्ट करती है एंड इज लिंक्ड टू द ओवरऑल कैपिटल मार्केट सिस्टम, इसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो डाइवर्सिफिकेशन से, इसको मार्केट रिस्क भी बोलते हैं. नॉन सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब है कोई भी रिस्क जो कि मार्केट से रिलेटेड नहीं है या जो सिस्टमैटिक नहीं है, इसको नॉन मार्केट रिस्क भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा मार्केट रिस्क भी बोलते हैं और अनसिस्टमैटिक रिस्क भी बोलते हैं. फिर इसका डिफरेंस दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क, ठीक है, सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक. इसको जो क्लासिफिकेशन इन्होंने बेसिकली कराया, तो डिफरेंस इन्होंने आपको बताया, उस डिफरेंस के बेसिस पॉइंट्स को याद रखने के लिए आप ये निमोनिक यूज कर सकते हो सही से ना, ठीक है, सही से याद रखने के लिए बनाया गया, बाकी आपको मेन तो याद रखना है, ठीक है, सही ना. तो इसके अंदर सी जो है वो है कंट्रोलेबल के लिए. तो ये जो होती है सिस्टमैटिक रिस्क या अनकंट्रोलेबल होती है, और जो अनसिस्टमैटिक होती है वो कंट्रोलेबल होती है, ठीक है. उसके बाद जो पी है इसके अंदर वो है प्रेडिक्टेबल के लिए. तो जो सिस्टमैटिक है वो एंटायरली प्रेडिक्टेबल नहीं है, अनसिस्टमैटिक जो इसको रीजनेबली प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो ये भी एंटायरली प्रेडिक्टेबल तो नहीं है, बट कुछ हद तक जरूर प्रेडिक्ट कर सकते हैं. देन उसके बाद नेचर क्या होता है इसका, तो ये सिस्टमैटिक रिस्क का मैक्रो होता है, इसका माइक्रो होता है, ठीक है. ये किसको अफेक्ट करती है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है जो सिमिलर स्ट्रीम में क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, और ये इसको अगर मैनेज नहीं करा जाए तो डायरेक्टली अफेक्ट करती है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को. तो अफेक्ट के बेसिस पे एक डिफरेंस हो गया. उसके बाद असेस और एंटीसिपेट कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो यहाँ लिखा है सिस्टमैटिक रिस्क को आप फुली असेस या एंटीसिपेट नहीं कर सकते हो पहले से ही इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग या ग्रेविटी. और इसके अंदर लिखा है कि ये यूजुअली असेस्ड होती है वेल इन एडवांस विद रीजनेबल एफर्ट्स एंड रिस्क मिटिगेशन कैन बी प्लान विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्क असेसमेंट टेक्निक्स. तो इसको कर सकते हैं, ठीक है, कुछ हद तक जो है आप इसको कर सकते हो जिससे आप वेल इन एडवांस तैयारी करके रखो, बट ये इस केस में पॉसिबल नहीं है. एंड लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल के अंदर इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क, परचेसिंग पावर रिस्क यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे कंप्लायंस रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क आ जाएगा. तो ये आप जो इस तरीके से आप रखोगे जो इसके बेसिस पॉइंट्स डिफरेंस के वो है कंट्रोलेबल, देन प्रेडिक्टेबल, देन उसके बाद नेचर, देन उसके बाद में अफेक्ट किसको करती है, असेस और एंटीसिपेट, और उसके बाद एग्जांपल. देन उसके बाद टाइप ऑफ रिस्क ऑन द बेसिस ऑफ इंपैक्ट ऑन फाइनेंस. इसके अंदर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क का मतलब है जिसका डायरेक्ट फाइनेंशियल इंपैक्ट होता है एंटिटी के ऊपर, ठीक है. इसके कुछ एग्जांपल्स आपको दिए, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ऑपरेशनल, लीगल, कंट्री, ये सब ये आप लिखोगे. नॉन फाइनेंशियल के अंदर लिखा है ये यूजुअली जो है इसका कोई डायरेक्ट या इमीडिएट फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं होता बिजनेस पे, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस इसके सीरियस होते हैं, और बाद में आगे चल करके अगर आप इन रिस्क को कंट्रोल नहीं करते हो इनिशियल स्टेज पे, तो आपको सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंपैक्ट फेस करना पड़ सकता है. फिर इसके भी एग्जांपल्स दिए, बिजनेस या इंडस्ट्री सर्विस रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, रेपुटेशन रिस्क, ट्रांजेक्शन रिस्क, तो ये आप लिख करके आ जाओगे. देन टाइप्स ऑफ मार्केट रिस्क के अंदर, टाइप्स ऑफ मार्केट रिस्क के अंदर आपको बोला है कि जो मार्केट रिस्क है एसोसिएटेड है मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के साथ में, ठीक है. इसका मतलब है रिस्क ऑफ लॉस अराइजिंग ड्यू टू चेंज या वॉलिटिलिटी इन द मार्केट प्राइसेस या इकोनॉमिक वैल्यू. की एब्सोल्यूट रिस्क भी हो सकती है, रिलेटिव भी हो सकती है, ठीक है, दो टाइप्स होगा इसके. एब्सोल्यूट का मतलब है जिसको मेजर कर सकते हैं रुपी करेंसी टर्म में, रिलेटिव का मतलब है जिसको बेंचमार्क इंडेक्स से जो है हम करके मेजर करते हैं. तो ये आपको मार्केट रिस्क के अंदर ध्यान रखना है. इसके बाद में आपको दिया है टाइप्स ऑफ मार्केट रिस्क. इसके अंदर सबसे पहले इंटरेस्ट रेट रिस्क, इसमें बोला है फाइनेंशियल असेट्स जो कि इंटरेस्ट फैक्टर से कनेक्टेड होते हैं जैसे बॉन्ड्स या डिबेंचर्स, वो फेस करते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क. इंटरेस्ट रेट रिस्क एडवर्सली अफेक्ट करता है वैल्यू को फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज की. फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज मतलब यही बॉन्ड्स और डिबेंचर्स. कोई भी इंक्रीज अगर होता है इंटरेस्ट के अंदर तो वो रिड्यूस कर देता है प्राइसेस ऑफ बॉन्ड्स, और वाइस वर्सा यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप है बेसिकली. अगर इंटरेस्ट रिड्यूस होता है, ठीक है, तो प्राइसेस जो है वो आपकी जैसे इंक्रीज होने पर प्राइसेस आपकी गिर रही है, वैसे ही अगर इंटरेस्ट रेट आपका डिक्रीज होता है तो प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे. तो ये इनवर्स रिलेशनशिप वाला जो पॉइंट है वो भी आप इसके अंदर लिख करके आ जाओगे. देन उसके बाद करेंसी रिस्क के अंदर बोला है वॉलिटिलिटी इन द करेंसी रेट्स. जनरली वो फर्म्स फेस करती हैं जिनके इंटरनेशनल ऑपरेशंस होते हैं. जो क्वांटम है कि कितना ज्यादा ये रिस्क आप फेस करोगे डिपेंड करता है उसके नेचर और एक्सटेंट के ऊपर, कि आप यानी किस तरीके का बेसिकली ट्रांजेक्शन आप जो है एंटर कर रहे हो और कितने अमाउंट का कर रहे हो, ठीक है, उस बात पर डिपेंड करेगा कि कितना क्वांटम ऑफ रिस्क आप जो फेस करोगे. इक्विटी रिस्क के अंदर बोला है कि अगर कोई भी चेंज होता है मार्केट इंडेक्स के अंदर और उस चेंज के कारण किसी इन्वेस्टमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन अगर आता है, ठीक है, अगर किसी की इन्वेस्टमेंट डेप्रिशिएट हो रही है बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द मार्केट इंडेक्स, तो वो इक्विटी रिस्क है. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटीज में बीटा जो होता है वो इस रिस्क को मेजर करने का काम करता है.
कमोडिटी रिस्क के अंदर लिखा है इस तरीके की रिस्क एसोसिएटेड विद द एब्सोल्यूट चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी। और ये जो कमोडिटीज हैं ये फिजिकल असेट्स जो है वो भी लाइक फिजिकल असेट्स की बात हो रही है, तो इसीलिए प्राइस चेंज जो होता है वो ऑन अकाउंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर होता है, ठीक है। सो जो भी गोल्ड सिल्वर ये सब जो है ये सब इसके अंदर कवर हो जाएंगे, ठीक है। जो एमसीएस एक्सचेंज है कमोडिटी एक्सचेंज, तो कमोडिटी रिस्क आपको जो ध्यान रखना है तो ये चार है, इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रिस्क, इक्विटी रिस्क और कमोडिटी रिस्क। उसके बाद में क्रेडिट रिस्क के अंदर बोला है जब काउंटर पार्टी अनेबल या अनविलिंग है अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को पूरा करने में, तो वो क्रेडिट रिस्क जो अराइज हो जाती है, ठीक है। ये रिलेटेड है टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट एंड रिकवरी डेट। इसको मेजर कैसे कर सकते हैं, बाय मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द कैश फ्लो अगर सामने वाली पार्टी डिफॉल्ट करती है तो। इसका एक एग्जांपल आपको दिया कि बैंक से अगर लोन लिया है और उसका इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करा जाता है या इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करा जाता है ड्यू डेट पे, तो वो क्या है, क्रेडिट रिस्क है। उसके बाद लिक्विडिटी रिस्क आपको दी, लिक्विडिटी रिस्क के अंदर बोला कि मिसमैच अगर होता है कैश फ्लो के अंदर तो वो लिक्विडिटी रिस्क है, एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट फंड्स। लिक्विडिटी सॉल्वेंसी से अलग होती है, हो सकता है कि आपकी बैलेंस शीट की पोजीशन बहुत अच्छी बट आपके पास करंट असेट्स नहीं है या फिर नियर कैश असेट्स नहीं है, ये दो तरीके की होती है। ट्रेडिंग रिस्क, ट्रेडिंग रिस्क के अंदर एब्सेंस ऑफ लिक्विडिटी का इनफ प्रोडक्ट या सिक्योरिटीज का टू एक्चुअली अंडरटेक बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज। एंड फंडिंग रिस्क के अंदर लिखा है इनएबिलिटी टू मीट द ऑब्लिगेशंस, इसमें बैलेंस शीट के अंदर बहुत ज्यादा इलिक्विड फाइनेंशियल असेट्स है जिनको की कैश के अंदर कम टाइम में कन्वर्ट नहीं करा जा सकता है। देन ऑपरेशनल सिस्टम मैनेजमेंट रिस्क के अंदर लिखा है ये अराइज होगी इनएडिक्वेट सिस्टम के कारण, सिस्टम कैपेसिटी, सिस्टम फेलियर, ऑब्सोलेसेंस रिस्क, मैनेजमेंट फेलियर विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया बेसिकली मैनेजमेंट, तो अगर मैनेजमेंट का फेलियर ऑन अकाउंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्वालिटी कंट्रोल या ह्यूमन एरर। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस इस रिस्क को जो है मैनेज करने के लिए वो क्या क्या है, क्लियर सेपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए और रेगुलर कंटिन्जेंसी प्लानिंग जो है करना चाहिए। ऑब्सोलेसेंस रिस्क के अंदर बस ये लिखा है कि ऑब्सोलेसेंस रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, कंपनीज अगर टाइमली बेसिस पे इसके साथ कूप अप नहीं करेंगे तो उनको बहुत ज्यादा हैवी इंपैक्ट जो है वो फेस करना पड़ेगा, इवन उनके जो यूनिट्स है वो भी बंद हो सकते हैं। नोकिया का इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, ये जो एग्जांपल ऑब्सोलेसेंस रिस्क का नीचे दिया है ये आप एक बार जो है गोथ्रू कर लेना। लीगल रिस्क के अंदर बोला ये रिस्क राइज होती है जब काउंटर पार्टी के पास कोई लीगल या रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है ट्रांजेक्शन में इंगेज होने के लिए, वो ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए उनके पास लीगल रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिस्क जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग, मार्केट मैनिपुलेशन या डिफॉल्ट या मिसमैनेजमेंट लीगल अफेयर्स का। पॉलिटिकल कंट्री रिस्क के अंदर दिया पॉलिटिकल रिस्क जो है वो हो सकता है ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन इन द टेरिटरी या एरिया स्पेसिफिक रिस्क या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। कंट्री रिस्क की भी बात इसमें करिए जो कि हो सकती है आउटब्रेक ऑफ वॉर के कारण या फिर बैन अगर लगा दिया जाए सीधा सीधा बिजनेस ट्रांजैक्शन पे या फिर कंट्री का लीगल या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है, ठीक है ना, उसमें अगर कोई रिस्क है तो उससे भी कंट्री रिस्क जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। देन उसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल रिस्क, इसके अंदर दिया बिजनेस इंडस्ट्री सर्विस रिस्क। इसमें बोला अगर अनसर्टेनिटी इन प्रॉफिट्स या डेंजर ऑफ लॉस या इवेंट्स जो है हो सकते हैं नियर फ्यूचर में जिसके कारण बिजनेस जो है वो फेल हो सकता है तो वो बिजनेस रिस्क में आ जाएंगे। इसकी डेफिनेशन फिर से वही थी पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स या इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। और फिर उसके बाद में आगे बोला कि ये जो रिस्क है, ठीक है, ये अराइज हो सकती है ड्यू टू बिजनेस डायनामिक्स, कॉम्पिटिशन रिस्क, अफेक्टिंग द टैरिफ प्राइसेस या कस्टमर रिलेशन रिस्क, तो आप इसके अंदर लिख करके आ सकते हैं। उसके और भी एग्जांपल्स आपको दिए, चेंज इन टेस्ट या प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, स्ट्राइक्स, इंक्रीज कॉम्पिटिशन, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, ऑब्सोलेसेंस, ये सब आप इसके अंदर एग्जांपल लिख के आ जाओगे। स्ट्रेटेजिक रिस्क दिया, स्ट्रेटेजिक रिस्क के अंदर बोला कि बिजनेस प्लान्स जिनको प्रॉपर्ली डेवलप नहीं करा जाता है, कंप्रेहेंसिवली डेवलप नहीं करा जाता है, जब इस तरीके से आप प्लान्स डेवलप करते हो, ठीक है, इम्प्रॉपर्ली आप प्लान्स डेवलप करते हो तो स्ट्रेटेजिक रिस्क का फेस करते हो। स्ट्रेटेजिक रिस्क के एग्जांपल दिए पुअर बिजनेस डिसीजंस या सब स्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन डिसीजन का, ठीक है, या इनएडिक्वेट रिसोर्स एलोकेशन या फेलियर टू रिस्पॉन्ड वेल टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। कंप्लायंस रिस्क में बोले नॉन कंप्लायंस या ब्रीच अगर आप कर रहे हो लॉ या रेगुलेशन का, ठीक है, इसके कारण फर्म की रेपुटेशन जो पब्लिक आई में क्या हो सकती है, डेकोरेट हो सकती है, साथ में आपको पेनल्टी और पैनल प्रोविजंस भी फेस करने पड़ सकते हैं। फ्रॉड रिस्क के अंदर बोले फ्रॉड कैसे हो सकता है, अब्यूज ऑफ सिस्टम के कारण, कंट्रोल प्रोसीजर या वर्किंग प्रैक्टिसेस इनका अगर आप अब्यूज करते हो तो उसके थ्रू फ्रॉड जो है वो जनरली होता है। फ्रॉड आउटसाइडर इनसाइडर कोई भी कर सकता है। फ्रॉड में नॉट बी यूजुअली डिटेक्टेड इमीडिएटली, ठीक है, इसीलिए प्रोएक्टिव बेसिस पे प्लानिंग वगैरह जो है करना चाहिए। रेपुटेशन रिस्क के अंदर लिखा है ये राइज होती है फ्रॉम द नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन, एग्जांपल के लिए फेलियर टू असेस एंड कंट्रोल द कंप्लायंस रिस्क कैन रिजल्ट इन हार्म टू द एक्जिस्टिंग या पोटेंशियल बिजनेस रिलेशनशिप। अगर कंप्लायंस रिस्क वगैरह असेस करने में कंट्रोल करने में फेल हो जाते तो उसके जो एक्जिस्टिंग और आपके आगे चलकर के जो बिजनेस रिलेशनशिप बन सकते थे वो से अफेक्ट हो सकते हैं। ट्रांजेक्शन रिस्क के अंदर लिखा है ये अराइज होती है ड्यू टू फेलियर और इनएडिक्वेसी ऑफ द इंटरनल सिस्टम, इंफॉर्मेशन चैनल, एम्प्लॉय इंटीग्रिटी या ऑपरेटिंग प्रोसेसेस। डिजास्टर रिस्क में नेचुरल कैलामिटीज जैसे फ्लड, फायर, अर्थक्वेक या फिर मैन मेड रिस्क वगैरह जो है, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाएगा। रेगुलेटरी रिस्क के अंदर लिखा है ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड परसेप्शंस, अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर कुछ चेंज आ रहा है तो आपको जो है रेगुलेटरी रिस्क फेस करनी पड़ सकती है। जनरली फूड एंड बेवरेजेस और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ज्यादा होता है। एंड टेक्नोलॉजी रिस्क में लिखा है अगर आपका सिस्टम फेल हो जाता है ड्यू टू टैम्परिंग ऑफ डेटा, ठीक है, या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा या लैक ऑफ कंट्रोल, तो वो टेक्नोलॉजी रिस्क के अंदर आ जाएगा। तो ये सब आपको जो है ध्यान में रखना है इसके अंदर। उसके बाद ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्क के अंदर आपको बोला है कि ऑडिट रिस्क का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली इनकरेक्ट है लेकिन ऑडिट ओपिनियन ये स्टेट करता है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर फ्री फ्रॉम द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो एक्चुअली में वो मटेरियली इनकरेक्ट है बट ऑडिट ओपिनियन ऐसा बोल रहा है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है वो फ्री है फ्रॉम एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट। देन पर्पस ऑडिट का क्या है, टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क। ऑडिट का थोड़ा सा प्रोसेस आपको बताया हुआ है कि ऑडिटर सबसे पहले इंक्वायरी करता है और परफॉर्म करता है टेस्ट, अगर कोई एरर्स उसको पकड़ में आते हैं टेस्टिंग में तो ऑडिटर रिक्वेस्ट करता है मैनेजमेंट को कि वो करेक्टिंग जनरल एंट्रीज पास करे, ठीक है, करेक्ट जो भी करेक्टिव स्टेप से बोले। कंक्लूजन ऑफ ऑडिट पे आफ्टर दी करेक्शंस आर पोस्टेड ऑडिटर प्रोवाइड करता है अपना रिटर्न ओपिनियन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री है या मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है। ऑडिटिंग फर्म्स जनरली मैल प्रैक्टिस इंश्योरेंस करवाते हैं जिससे वो अपनी ऑडिट रिस्क को मैनेज कर सके और लीगल लायबिलिटीज उसको मैनेज कर सके।
टाइप्स ऑफ ऑडिट रिस्क के अंदर लिखा है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। इसमें आपको बोला है कि ये फंक्शन होता है इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क दोनों का। ससेप्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट्स एंड असर्शन टू मटेरियल मिस स्टेटमेंट, इसका मतलब है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ससेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट एंड असर्शन टू मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड द रिस्क की क्लाइंट का करंट इंटरनल कंट्रोल जो है वो इनएफेक्टिव है प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग द मिस स्टेटमेंट। देन उसके बाद रिस्क जो है मटेरियल मिस स्टेटमेंट की वो एग्जिस्ट करती है दो लेवल्स पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे और असर्शन लेवल पे। ऑडिटर को परफॉर्म करना पड़ता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू ऑब्जर्व एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब वो चाहे फ्रॉड के कारण हो या फिर एरर के कारण हो, बट आपको ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स जो है वो कैरी आउट करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप इसको असेस जो है कर पाओगे। डिटेक्शन रिस्क के अंदर लिखा है ऑडिटर के प्रोसीजर्स हो सकता है डिटेक्ट ही ना करें मटेरियल मिस स्टेटमेंट को, तो ये डिटेक्शन रिस्क है। ठीक है, एग्जांपल के लिए उसको फिजिकल काउंट करना पड़ता है इन्वेंटरी का और उसको कंपेयर करना पड़ता है, ठीक है, विद द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब ऐसा हो सकता है कि अगर जो सैंपल उसने बनाया इन्वेंटरी काउंट के लिए वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है ओवरऑल जो भी इन्वेंटरी एग्जिस्ट करती है कंपनी के अंदर उसको, तो डिटेक्शन रिस्क इस केस में क्या होगा, हायर होगा। हो सकता है कुछ ना कुछ चीज जो है वो मिस हो जाए, ठीक है, जो बता सकती थी कि आप मटेरियली चीजें जो है मिस स्टेटेड है। तो ये आपको ऑडिट रिस्क के अंदर पूरा जो है ध्यान रखना है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले याद रखना है कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। तो ये प्रोसेस है जो कि जिसका एम क्या है, इसका एम असिस्ट करना ऑर्गेनाइजेशन को टू आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड इवैल्यूएट एंड टेक एक्शन ऑन देयर रिस्क। ऐसा क्यों, जिससे वो अपनी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर सके और इंपैक्ट को या लाइक्लीहुड ऑफ फेलियर को कम कर सके। ये इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट कंफर्ट प्रोवाइड करता है शेयर होल्डर कस्टमर एम्प्लॉइज अदर स्टेक होल्डर्स को सोसाइटी एट लार्ज को कि बिजनेस जो है वो अच्छे तरीके से जो है मैनेज करा जा रहा है। ऑल्सो ये कंपनी को मदद करता है कंफर्म करने में कि वो कंप्लायंस वगैरह कर रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद सेकंड आप इसके अंदर लिख करके आओगे कि इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सपोर्ट करते हैं अकाउंटेबिलिटी परफॉर्मेंस मेजरमेंट रिवॉर्ड को एंड इनेबल करते हैं एफिशिएंसी एट ऑल द लेवल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। देन ये प्रोवाइड करता है अर्ली वार्निंग सिग्नल्स विद रिस्पेक्ट टू अगर कुछ गड़बड़ी वगैरह चल रही है तो उसको टाइमली आप एड्रेस कर पाते हो। रिक्वायर्स द कमिटमेंट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट। देन उसके बाद फिफ्थ वाला पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क दो चीजों को लेकर टू एंश्योर कि फोर्सिबल रिस्क जो इन्वॉल्व है उनको एक्चुअली अंडरस्टूड करा जाए और एक्सेप्ट करा जाए बिफोर द इंपॉर्टेंट डिसीजन था टेकन एंड मॉनिटर न्यू प्रोजेक्ट्स एंड ऑनगोइंग ऑपरेशन टू एंश्योर कि वो कंटिन्यूअली जो है चलते रहे यानी सेटिस्फैक्टरीली उनका काम चलता रहे बिना कोई प्रॉब्लम किया नहीं रिस्क के। एंड रिस्क मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। ये जो है छह पॉइंट्स आपको इसके अंदर लिख करके आने। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। एडवांटेजेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपको उन्होंने दिया कि रिस्क मैनेजमेंट जो है वो सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग्स जो है वो करता है, ठीक है, वेस्टेज प्रिवेंट करता है टाइम का और जो भी एफर्ट वगैरह होगा उसका एंड रोबस्ट कंटिजेंसी प्लानिंग में मदद करता है। देन उसके बाद प्लान एंड प्रिपेयर फॉर द अपॉर्चुनिटीज इसमें मदद करता है, इंप्रूव स्ट्रेटजी एंड बिजनेस प्लानिंग, इंप्रूव रिलायबिलिटी अमंग द स्टेक होल्डर्स की जिससे क्या होता है रेपुटेशन जो है वो अनाउंस होती है एंड साउंड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस रीअश्योर करते हैं कि स्टेक होल्डर्स को थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो आपके पांच पॉइंट्स आप लिख करके आओगे एडवांटेजेस के अंदर। अब इसके बाद मैं आपको दिया है रिस्क मैनेजमेंट की प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफिकेशन में बोला ये फर्स्ट स्टेज होती है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी की। इसमें ओरिजिन और सोर्स जो होता है रिस्क उसको आइडेंटिफाई करा जाता है। पहला टास्क जो है रिस्क मैनेजमेंट में वो है क्लासिफाई करना कॉर्पोरेट रिस्क उनके डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग। फोर्थ पॉइंट इसके अंदर आप लिखोगे कि इसमें आप एस्टैब्लिश करते हैं क्रूशियल ऑब्जर्वेशन एरियाज इनसाइड एंड आउटसाइड द कॉर्पोरेशन। फिफ्थ रिजल्ट जो है इस रिस्क आइडेंटिफिकेशन के इनको नॉर्मली डॉक्यूमेंट करा जाता है रिस्क रजिस्टर में जिसके अंदर इंक्लूड करते हैं हम लिस्ट ऑफ द आइडेंटिफाइड रिस्क उसके सोर्सेस पोटेंशियल रिस्क रिस्पॉन्स और कैटेगरी के साथ। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर करना कि पोटेंशियल प्रोजेक्ट रिस्क जो है वो आइडेंटिफाई हो जाए जिससे कि जो नेगेटिव इंपैक्ट है जो भी थ्रेट्स है उनका वो मिनिमाइज करा जा सके और जो प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज का पॉजिटिव इंपैक्ट है उसको मैक्सिमाइज करा जा सके। प्रोसेस ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन में प्रोसेस ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट होती है बाय टेकिंग द इन्वेंटरी ऑफ द पोटेंशियल प्रोजेक्ट रिस्क जो अफेक्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट की डिलीवरी को यानी कि प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसकी वर्किंग को अफेक्ट कर सकते हैं। रिस्क आइडेंटिफिकेशन एक इटरेटिव प्रोसेस है, कंटीन्यूअस प्रोसेस है, लगातार आपको बार बार इसको करते रहना है। देन इफेक्टिव रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के अंदर क्या क्या स्टेप्स होनी चाहिए, ठीक है, इस पर आपको सवाल आ सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है और केस के फॉर्म में भी आ सकता है कि कंपनी है वो रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो है तैयार करती है वो चाहती है कि ये जो प्रोसेस वो तैयार करिए इफेक्टिव हो, तो उसको क्या चीजें करनी चाहिए। तो ये सारी स्टेप्स उसको इंक्लूड करनी चाहिए उसको इफेक्टिव बनाने के लिए। सबसे पहले सिस्टमैटिक प्रोसेस क्रिएट करना जिसमें रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस यहां स्टार्ट होगा प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स और सक्सेस फैक्टर को समझ करके। देन इन्फॉर्मेशन गैदर करना अलग अलग सोर्सेस से, यहां पर रिलायबल हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन जो है गैदर करी जाएगी। अप्लाई करना रिस्क आइडेंटिफिकेशन टूल्स एंड टेक्निक्स, इसके अंदर हम बेस्ट सुटेबल टेक्निक्स जो है उसको चूज करेंगे। बेस्ट सुटेबल टेक्निक डिपेंड करेगी किस तरीके की रिस्क है, एक्टिविटीज क्या है और ऑर्गेनाइजेशनल का मैच्योरिटी लेवल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस स्टेज पे। देन डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क, इसके अंदर जो भी रिस्क वगैरह हम आइडेंटिफाई करेंगे उसको रिस्क रजिस्टर में डॉक्यूमेंट कर लिया जाएगा उसके कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। जो भी रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस हमने पूरी फॉलो करी उसको भी डॉक्यूमेंट कर लिया जाएगा बिकॉज इससे आगे जो फ्यूचर में हम रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारे लिए जो आसानी होगी। तो हम क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट कर लेंगे, अप्रोच जो हमने फॉलो करी थी, पार्टिसिपेंट्स जो थे इसके अंदर और जो स्कोप था इस प्रोसेस का, और असेस करेंगे प्रोसेस की इफेक्टिवनेस यानी इसको फ्यूचर यूज के लिए इंप्रूव अगर करना है तो उसके लिए हम इफेक्टिवनेस जो है जो प्रोसेस हमने अभी करंटली फॉलो करी है, ठीक है, उसका इफेक्टिवनेस जो है उसको क्या करा जाएगा, असेस करा जाएगा कि यार जो प्रोसेस फॉलो करी वो कितनी इफेक्टिव थी और उसके बेसिस पे फिर नेसेसरी चेंजेस जो है वो करे जाएंगे। तो ये सिक्स पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं जो आपके रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए जरूरी है, ठीक है, ये स्टेप्स हैं उसके। सबसे पहले क्रिएटिंग अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, अप्लाइंग रिस्क आइडेंटिफिकेशन टूल्स एंड टेक्निक्स, डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस एंड असेसिंग द प्रोसेस इफेक्टिवनेस। अब ऐसे ही कुछ पॉइंट्स आपको दिए हैं, सेवन आइडेंटिफिकेशन एसेंशियल। इसके अंदर बोला है कि आइडेंटिफिकेशन एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रोसेस है, ठीक है, इस पर आपको कॉमन डिस्कशन आ सकता है तो याद रखना। इसमें यही है कि ये कोई साइंस नहीं है बट कंटिन्यूअस इंप्लीमेंटेशन आप करते जाते हो नई नई चीजों का, ठीक है। कुछ एसेंशियल्स जो कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस फॉलो करने पर आपको मैक्सिमम रिजल्ट गारंटी कर सकते हैं, यानी अगर ये एसेंशियल्स आप फॉलो कर रहे हो, ये एसेंशियल्स आपके रिस्क आइडेंटिफिकेशन का पार्ट है तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस से यू कैन गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स। इस पे भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है या इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एक कंपनी है वो चाहती है कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन जो है वो जो अंडरटेक करेगी उससे उसको मैक्सिमम रिजल्ट मिले तो उसको क्या करना चाहिए, तो उसको ये एसेंशियल्स जो है वो इंक्लूड करना चाहिए, इनका ध्यान रखना चाहिए। तो डायरेक्ट भी आ सकता है सीधे सीधे कि सेवन आइडेंटिफिकेशन एसेंशियल्स क्या है, इस तरीके से भी आ सकता है, दोनों तरीके से आपको ध्यान में रखना है।
और कंफ्यूज नहीं होना है किसके अंदर, जो ऊपर आपने अभी 6 पॉइंट्स पढ़े उसके अंदर और जो ये वाले 7 पॉइंट्स है इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले इसमें टीम पार्टिसिपेशन इसमें लिखा है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स और टीम जो है, ठीक है, उनकी उनके बीच में कंप्रेहेंसिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, इससे जो भी हिडन या इल्यूसिव रिस्क है वो टीम मेंबर्स ढूंढ पाएंगे और शेयर कर पाएंगे। रिपीटेशन में लिखा है कि इन्फॉर्मेशन चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, जैसे जैसे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस आप इंप्लीमेंट करते हो कंटीन्यूअस इन्फॉर्मेशन जो है चेंजेस होते रहते हैं, तो आपको लगातार रिस्क जो आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस है उसको परफॉर्म करते जाना है जिससे आप प्रिवेलेंट इश्यूज को आइडेंटिफाई करके मिटिगेट कर सको। अप्रोच के अंदर लिखा है ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग अप्रोच जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, क्यों जरूरी है, जिससे कि हमारी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस फेल ना हो जाए, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग अप्रोच फॉलो होगी। इसमें दो आपको बताइए, ठीक है, पहला बोला है आप जिसमें रूट कॉज आइडेंटिफाई कर रहे हो या अनडिजायरेबल इवेंट आइडेंटिफाई कर रहे हो और उनके पोटेंशियल इंपैक्ट्स को मैप कर रहे हो, या दूसरा तरीका हो सकता है कि प्रोजेक्ट्स के अंदर जितने भी एसेंशियल फंक्शंस है पहले आप उन फंक्शंस को आइडेंटिफाई कर लो, फिर उन फंक्शंस से जो भी एसोसिएटेड इश्यूज है आप उनको आइडेंटिफाई करोगे, फिर उसके लिए आप जो है मिटिगेटिंग मेजर्स लोगे, ठीक है। दोनों ही प्रोसेस या दोनों ही मेथड जो है वो अच्छा काम करती है, बट जो बाद वाली है, ठीक है ना, वो ज्यादा आसान है। बाद वाली यानी जिसमें आप फंक्शन पहले आइडेंटिफाई कर लेते हो फिर उससे एसोसिएटेड जो भी इश्यूज है उसको आइडेंटिफाई करते हो। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखा है कंसिस्टेंट एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंटेशन से क्या होता है, जो आगे आप फ्यूचर में जब रिस्क मैनेजमेंट वापस से फॉलो करोगे आप, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट की प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपके लिए जो है आसानी हो जाती है, आसानी से जो भी टीम है वो एनालिसिस वगैरह कर पाती है, तो आपको डॉक्यूमेंट कर लेना चाहिए जो भी आप प्रोसेस वगैरह फॉलो कर रहे हो उसको। देन रूट्स एंड सिम्टम्स, इसके अंदर ये लिखा है कि आपको रूट कॉजेज जो है वो फाइंड आउट करने हैं रिस्क के इंस्टेड ऑफ मिस्टेकिंग देम विद द सिम्टम्स, ठीक है, तो रूट कॉज तक जाने। और एनालिसिस फेज भी इसके अंदर एक आता है, एनालिसिस फेज के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी आइडेंटिफाइड रिस्क है उसको रिसर्च करेंगे और अंडरस्टूड करने की कोशिश करेंगे, यानी हम एनालिसिस कर रहे हैं रिस्क का, ठीक है, और डीपर लेवल पे अपार्ट फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन। देन उसके बाद पीडीआरआई प्रोजेक्ट डेफिनेशन रेटिंग इंडेक्स, इसके अंदर क्या बोला है कि एक रिस्क असेसमेंट टूल है जो कि हेल्प करता है डेवलप करने में मिटिगेशन प्रोग्राम को फॉर हाई रिस्क एरियाज, ये प्रोवाइड करता है फर्दर डिटेल इंडिविजुअल रिस्क की और उनके मैग्नीट्यूड की, जिसको हम एक स्कोर के थ्रू क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। देन इवेंट ट्रीज के अंदर बोला है इवेंट ट्रीज जो है दे रिप्रेजेंट एन इवेंट फॉलोड बाय ऑल द फैक्टर्स एंड फॉल्ट्स रिलेटेड टू इट, जो टॉप ऑफ द ट्री होता है वो इवेंट होता है एंड फिर जो भी बनाते चले जाते हैं हम ब्रांचेस जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, उसके अंदर हम क्या बताते हैं कि यार जो भी कंडीशन है जिसके कारण वो इवेंट हो सकता है, किन फैक्टर्स के कारण वो इवेंट हो सकता है एंड क्या लाइक्लीहुड है, ठीक है, उनके होने का, ये जो है कि हमको इससे क्लियरली समझ में आ जाता है। तो ये 7 आइडेंटिफिकेशन एसेंशियल्स आपको याद रखने हैं, सबसे पहले इसके अंदर टीम पार्टिसिपेशन, देन रिपीटेशन, अप्रोच, डॉक्यूमेंटेशन, रूट्स एंड सिम्टम्स, प्रोजेक्ट डेफिनेशन, रेटिंग इंडेक्स और इवेंट ट्रीज। उसके बाद रिस्क एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस सेकंड स्टेज है, ठीक है, इसके अंदर पहले आप पॉसिबल थ्रेट्स आइडेंटिफाई करते हो, फिर आप एस्टिमेट करते हो उनके होने का लाइक्लीहुड, ये एनालिसिस आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और इंडस्ट्री स्पेसिफिक होना चाहिए। ये एसेंशियल प्लानिंग टूल है जो आपका टाइम, मनी और रेपुटेशन तीनों ही चीजें सेव कर सकता है। ये कहाँ कहाँ यूजफुल होता है, तो इसके 6 पॉइंट्स याद रखने का तरीका, रीड एट सीपी, ठीक है, आर से इसके अंदर सबसे पहले ये रिस्क मैट्रिक्स को डिजाइन करने में आपकी मदद करता है। देन उसके बाद ए से है इसके अंदर कि आपको एंटिसिपेट करने में मदद करता है, न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है पॉसिबल प्रॉब्लम्स को। आई से ये इंप्रूव करने में मदद करता है सेफ्टी एंड मैनेजिंग द पोटेंशियल रिस्क इन द वर्कप्लेस। डी से डिसाइड करने में मदद करता है कि आपको प्रोजेक्ट जो है वो कैरी ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वेदर यू शुड मूव फॉरवर्ड विद द प्रोजेक्ट और नॉट। देन सी से ये प्लान करने में मदद करता है फॉर द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, जैसे नया कॉम्पिटिटर अगर आ जाता है या चेंजेस हो जाते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी में। एंड लास्ट पी से ये प्रिपेयर करने में मदद करता है फॉर इवेंट्स, जैसे इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी फेलियर, थेफ्ट, स्टाफ सिकनेस या नेचुरल डिजास्टर्स, तो ये आपको याद रखना है। देन उसके बाद में प्रोसेस क्या है इसकी, इसमें दो ही चीजें आइडेंटिफाई करना, थ्रेट्स को इसमें आइडेंटिफाई करे जाएंगे एक्जिस्टिंग और पॉसिबल थ्रेट, अलग अलग सोर्सेज जो है वो हो सकते हैं जैसे ह्यूमन, ऑपरेशनल, रेपुटेशनल, प्रोसीजरल, प्रोजेक्ट, फाइनेंशियल, टेक्निकल, नेचुरल, पॉलिटिकल और स्ट्रक्चरल, इसमें से कुछ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो वही कंटेंट आप लेके आ सकते हो। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, यहाँ पर इस पर आपको सेपरेट क्वेश्चन आ सकते हैं कि कई सारी अप्रोचेस जो है वो फॉलो करी जाती है टू कैरी आउट द थॉरो रिस्क एनालिसिस, तो वो क्या अप्रोचेस हैं। सबसे पहले आप लिस्ट जो है वो देखोगे, ठीक है, इस लिस्ट की मदद से, ये किस लिस्ट की बात हो रही है जो आपने चीजें ये ऊपर अभी आइडेंटिफाई करी है, ठीक है, ये जो ये पूरा हमने देखा अभी ये लिस्ट की बात हो रही है, इस लिस्ट को आप गो थ्रू करोगे जिससे आप पता कर सको कि इसमें से कौन से थ्रेट्स आपके लिए रेलेवेंट है। देन उसके बाद आप सोचोगे किस बारे में सिस्टम प्रोसेस स्ट्रक्चर्स के बारे में जो यूज करे गए, और फिर एनालिसिस करोगे रिस्क का जो कि हर एक इस सिस्टम प्रोसेस स्ट्रक्चर के साथ क्या एसोसिएटेड है। दूसरों से बातचीत करोगे जिनके पास अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू द रिस्क, ठीक है, आपको इनपुट लेना है टीम मेंबर्स से, कंसल्ट करना है दूसरों के साथ इन द ऑर्गेनाइजेशन या जिन्होंने सिमिलर प्रोजेक्ट्स रन करें। एंड लास्ट में आप टूल्स जो है वो यूज करोगे जैसे स्वॉट एनालिसिस, फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस या सिनेरियो एनालिसिस। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, ताल, ठीक है, टी से थिंक हो गया, टूल्स हो गया, ए से आस्क अदर्स एंड एल से रन थ्रू अ लिस्ट। एस्टिमेट करेंगे फिर रिस्क, एक बार थ्रेट को आइडेंटिफाई कर लिया तो इट इज रिक्वायर्ड कि हम लाइक्लीहुड जो है वो कैलकुलेट करें और उसका पॉसिबल इंपैक्ट कैलकुलेट करें, ठीक है। बेसिकली रिस्क वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ इवेंट, इसके कैलकुलेशन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला एग्जांपल जो नीचे दिया है बॉक्स में आप एक बार देख लोगे। इसके बाद आता है रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट में आप ये देखते हो कितना सिग्निफिकेंट है हर एक रिस्क टू द अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल गोल्स, ये जो भी प्रोसेस है आपकी रिस्क असेसमेंट की प्रैक्टिकल, सस्टेनेबल और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए और स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन फैशन में इसको कैरी आउट करा जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट है डिटरमाइन करने के लिए जब आप असेस कर रहे हो रिस्क, तो उस टाइम पर आपको सबसे पहले ये समझना है कि इनहेरेंट रिस्क या रेसिडुअल रिस्क है। इनहेरेंट रिस्क का मतलब जब आपने कोई भी मेजर्स नहीं लिए तब जो रिस्क का लेवल होता है वो इनहेरेंट रिस्क लेवल होता है, जो आपने मेजर्स इंप्लीमेंट कर लिए हैं, रिस्क रिस्पॉन्स इंप्लीमेंट कर लिए हैं, उसके बाद जो बच जाती है रिस्क वो होती है आपकी रेसिडुअल रिस्क, तो ये आपको लिख करके आना है। फिर उसके बाद फिफ्थ इसमें आपको डिफरेंस बताया रिस्क एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट का, इसमें बोला रिस्क असेसमेंट में कई सारी स्टेप्स जो इन्वॉल्व होती है, रिस्क एनालिसिस वन ऑफ द स्टेप्स है ऑफ रिस्क असेसमेंट, ठीक है, जिसके अंदर आप कैरेक्टरिस्टिक हर एक रिस्क का जो है आइडेंटिफाई कर रहे हो, बेसिकली डिफाइन कर रहे हो एंड असाइन करते हो आप, ठीक है, उसको क्या चीज़ एक स्कोर बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स, जो रिस्क वैल्यू वगैरह हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये क्या रखना है आपको इसके अंदर। फिर उसके बाद इसकी प्रोसेस आती है, प्रोसेस के अंदर डेवलप करेंगे सबसे पहले असेसमेंट क्राइटेरिया जो कि डिप्लॉय करा जाएगा अक्रॉस बिजनेस यूनिट्स, कॉर्पोरेट फंक्शन एंड लार्ज कैपिटल प्रोजेक्ट्स, असेस करेंगे रिस्क को, यहाँ पर वैल्यूज असाइन करी जाएगी हर एक रिस्क और अपॉर्चुनिटी को यूजिंग द डिफाइंड क्राइटेरिया, यानी ऊपर हमने डिफाइन करा था।
देन उसके बाद इनिशियल स्क्रीनिंग होगी, ठीक है, जिसके अंदर हम क्वालिटेटिव टेक्निक्स का यूज करेंगे सबसे पहले, और देन फॉलोड बाय अ मोर क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट। देन उसके बाद क्वालिटेटिव असेसमेंट के अंदर डिस्क्रिप्टिव स्किल्स का यूज होता है, क्वांटिटेटिव के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज का यूज होगा। इन सब बातों का वापस से कुछ ना कुछ मतलब है, बट मैं उसके अंदर नहीं जा सकता हूं बिकॉज ऑफ द टाइम कॉन्स्टेंट, बट आप बस अभी गो थ्रू कर रहे हो मेरे साथ में कि क्वालिटेटिव असेसमेंट के अंदर डिस्क्रिप्टिव स्किल्स का यूज होता है, क्वांटिटेटिव के साथ न्यूमेरिकल वैल्यूज का यूज होगा। क्वालिटी ऑफ द एनालिसिस डिपेंड करेगी कि आपका ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है ये कितनी ज्यादा एक्यूरेट और कंप्लीट है। दोनों ही क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। क्वालिटेटिव असेसमेंट के एग्जांपल्स आपको दिए, इंटरव्यू, क्रॉस फंक्शनल वर्कशॉप, सर्वेस, बेंचमार्किंग, सिनेरियो एनालिसिस। क्वांटिटेटिव में भी बेंचमार्किंग, सिनेरियो एनालिसिस करा जाता है, बट साथ में इसमें डिटरमिनिस्टिक मॉडल्स और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल का भी यूज होता है। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल के अंदर एक एग्जांपल दिया है कैजुअल एट रिस्क मॉडल, जो मदद करता है एस्टिमेट करने में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लोस, अर्निंग्स ओवर अ गिवन टाइम होराइजन। ये आपको जो है इसके अंदर लिख करके आना है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे एक बार सेपरेट ही क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, सेपरेट क्वेश्चन आ चुका है, प्रोसेस नहीं पूछी थी उन्होंने, सिर्फ इसी में से क्वेश्चन पूछा था, इसलिए आपको अच्छे से एक बार देख लेना है। देन उसके बाद असेस रिस्क इंटरेक्शन, रिस्क आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए रिस्क इंटरेक्शन को मैनेज करना बहुत जरूरी है। इनसिग्निफिकेंट रिस्क भी दूसरे अदर इवेंट्स और कंडीशन के साथ इंटरेक्ट करके आपको ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंचा सकती है, या बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपको प्रोवाइड कर सकती है। अब इसके अंदर जरूरी है कि आप होलिस्टिक व्यू ले रहे हो रिस्क का, ठीक है, किन टेक्निक्स का यूज करके, रिस्क इंटरेक्शन मैट्रिक्स को यूज करके, बो टाई डायग्राम को यूज करके, एग्रीगेटेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके, तो ये आप लिख करके आ जाओगे। देन इसमें आप प्रायोरिटाइज करेंगे रिस्क को, ठीक है, एक बार आपने असेस कर लिया और इंटरेक्शन को डॉक्यूमेंट कर लिया, तो आप क्या करेंगे, रिस्क को प्रायोरिटाइज करेंगे फॉर द रिस्क रिस्पॉन्स एंड रिपोर्टिंग टू डिफरेंट स्टेकहोल्डर्स। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि यहाँ पर आप डिटरमाइन कर रहे हो रिस्क मैनेजमेंट प्रायोरिटीज बाय कंपेयरिंग द लेवल ऑफ रिस्क अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड टारगेट रिस्क लेवल एंड टॉलरेंस थ्रेशोल्ड। इसके अंदर हम अटेंशन देते हैं टू की रिस्क, ठीक है, प्रायोरिटाइज करने का मतलब क्या है, प्रोवाइडिंग अटेंशन टू द की रिस्क। टू स्टेप प्रोसेस है, एक रैंकिंग और दूसरा रिव्यू करना। रैंकिंग में पहले आप रिस्क को रैंक कर रहे हो अकॉर्डिंग टू वन टू और मोर क्राइटेरिया, जैसे कि इंपैक्ट रेटिंग मल्टीप्लाई बाय लाइक्लीहुड रेटिंग या इंपैक्ट मल्टीप्लाई बाय वल्नरेबिलिटी, जो भी स्कोर आएगा उसके बेसिस पर रैंकिंग कर देंगे। सेकंड, जो भी आपने रैंकिंग करी है उसको आप रिव्यू कर रहे हो एडिशनल कंसीडरेशंस को कंसीडर करके। एडिशनल कंसीडरेशन जैसे कि इंपैक्ट क्या होगा, स्पीड ऑफ ऑनसेट कितनी जल्दी है रिस्क जो हम फेस करने वाले हैं, साइज क्या ऑफ द गैप बिटवीन करंट एंड डिजायर्ड रिस्क लेवल, ये सब इसके अंदर देखा जाएगा। इनिशियल रैंकिंग अगर आपने करी थी, ठीक है, जो पहले आप रैंकिंग कर रहे थे पहले वाले पॉइंट में, ये आपने करी थी बाय मल्टीप्लाइंग फाइनेंशियल लॉस बाय लाइक्लीहुड, फाइनेंशियल लॉस को लाइक्लीहुड से मल्टीप्लाई करके अगर आपने रैंकिंग करी थी, तो जो फाइनल प्रायोरिटाइजेशन आपको करना है वो क्वालिटेटिव फैक्टर्स को कंसीडर करके करना है। क्वालिटेटिव फैक्टर्स यानी यही सारे, इंपैक्ट, स्पीड ऑफ ऑनसेट, साइज ऑफ गैप के, ये सब आ जाएगा। रिस्पॉन्स टू रिस्क इसके अंदर प्रोवाइड करा जाएगा, तो जो भी रिजल्ट्स हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के वो प्राइमरी इनपुट के तौर पर एक्ट करेंगे फॉर द रिस्क रिस्पॉन्स, जहां पे रिस्क रिस्पॉन्स ऑप्शन को एग्जामिन करा जाएगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करा जाएगा, फिर रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करी जाएगी और रिस्क रिस्पॉन्स प्लान जो है वो डेवलप करा जाएगा। इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में बोला, इफेक्टिव और सस्टेनेबल बनाने के लिए सिंपल, प्रैक्टिकल, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, एफिशिएंट बनाने के लिए आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए विद द राइट टेक्नोलॉजी। हैंडलिंग ऑफ रिस्क के अंदर लिखा है ओनरशिप ऑफ द रिस्क एलोकेट करी जानी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटीज उन पर्सन की जो कि हैंडल करेंगे रिस्क को, आइडेंटिफाई और असाइन करी जानी चाहिए। जो पर्सन कंसर्न्ड है व्हेन द रिस्क अराइजेस वो डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट करे, ठीक है, हायर अथॉरिटीज को जो भी मेजर्स वगैरह लिए गए हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं हैंडल करने के, आप अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड करने का मतलब है आप हाई रिस्क प्रोजेक्ट लोगे ही नहीं, या आप चूज करोगे लेस रिस्की बिजनेस या प्रोजेक्ट। इसका एग्जांपल दिया है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते बट कहां कर रहे हो, डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर कर रहे हो इंस्टेड। रिस्क रिटेंशन एब्जॉर्प्शन के अंदर बोला है, जो भी अनअवॉइडेबल रिस्क होती है उसको आप क्या करते हो, रिटेन करते हो, ठीक है, ये तब करते हैं जब इंश्योरेंस परचेज नहीं कर सकते, या फिर जो कवर इंश्योरेंस का वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, या फिर इंटरनली हैंडल करना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। रिटेन रिस्क जो है वो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी के साथ होती है बट इनकी सेवेरिटी जो है वो कम होती है। दो तरीके के मेथड्स होते हैं रिटेंशन के, एक एक्टिव रिस्क रिटेंशन जहां पे मैनेजमेंट खुद स्ट्रेटजी बना रहा है और चूज कर रहा है कि हम इस पर्टिकुलर रिस्क को रिटेन करेंगे, ठीक है, आफ्टर इवैल्यूएटिंग द पॉसिबल लॉसेस एंड कॉजेस ऑफ द रिस्क। पैसिव रिस्क रिटेंशन के अंदर रिटेंशन ऑकर हो रहा है ड्यू टू नेग्लिजेंस, बिकॉज आपको पता ही नहीं था कि इस तरीके की रिस्क जो हमको फेस करनी पड़ सकती है, इस तरीके की रिस्क अराइज हो सकती है, और वो जब एकदम से अराइज हो जाएगी तो आपके पास कोई ऑप्शन होगा नहीं, आपको उसको रिटेन ही करना पड़ेगा। रिस्क रिडक्शन के अंदर लिखा है फिजिकल रिस्क रिडक्शन बेस्ट तरीका है रिस्क से डील करने के लिए। इसके अंदर आप स्टेप्स लेते हो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, बेस्ट टाइम जो है रिस्क रिडक्शन के लिए लाइक चीजें डिसाइड जब आप कर रहे हो रिस्क रिडक्शन कैसे करेंगे, बेस्ट टाइम उसको करने का होता है प्लानिंग स्टेज ऑफ एनी न्यू प्रोजेक्ट, बिकॉज वहां पे आप रिस्क रिडक्शन के लिए जो भी स्टेप्स वगैरह लेते हो वो लिटिल या नो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे आप कर पाते हो। देन पॉसिबल एक्सपेंडिचर जो भी होगा आपका रिस्क रिडक्शन पे, ये किससे रिलेटेड होना चाहिए, किसको ध्यान में रखकर करा जाना चाहिए कि पोटेंशियल फ्यूचर सेविंग्स आपको क्या होंगी लॉस के अंदर। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा सेविंग मिल रही है तो आप बड़ा एक्सपेंडिचर करो इसके ऊपर, लेकिन अगर आप बड़ा एक्सपेंडिचर कर देते हो और आपको फायदा कुछ ज्यादा मिल नहीं रहा है फ्यूचर में लॉस सेविंग में, तो ये करने का कोई मतलब है नहीं। देन रिस्क ट्रांसफर के अंदर लिखा आप लीगली असाइन कर देते हो कॉस्ट जो भी पोटेंशियल लॉसेस की है दूसरे को, इंश्योरेंस का सबसे बेस्ट तरीका है। तीन तरीके हैं ये करने के, टॉट के थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट अदर देन इंश्योरेंस के थ्रू, या इंश्योरेंस के थ्रू, और मेन मेथड तो इंश्योरेंस ही है रिस्क ट्रांसफर का। ये आपको जो है पूरा प्रोसेस के अंदर ध्यान में रखना है। अगला जो पॉइंट आपको दिया हुआ है रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी क्या होता है, तो इसमें स्पेसिफिक मेजर्स लिए जाते हैं मिनिमाइज द एलिमिनेट द अनएक्सेप्टेबल रिस्क जो एसोसिएटेड ऑपरेशंस के साथ में। इसके अंदर आप रिड्यूस कर रहे हो क्या चीज रिड्यूस कर रहे हो, सेवेरिटी, प्रोबेबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपोजर टू द रिस्क। इसके अंदर अलग अलग स्ट्रेटजीज आती है, ठीक है, स्ट्रेटजीज में आपको पहले ट्रांसफर रिस्क दिया हुआ है तो ट्रांसफर रिस्क में वही कॉन्टेंट लिखना जो पहले पड़ा है। एक चीज जो आप इसमें ऐड कर सकते हो कि जब भी फॉर्म को लगता है कि यार उसका किसी एरिया में कोर कॉम्पिटेंस नहीं है तो वो दूसरी एजेंसी से सीख करती है हेल्प, ठीक है, जिसका कोर कॉम्पिटेंस होता है, इस तरीके से वो अपने रिस्क को ट्रांसफर कर देती है। टॉलरेट रिस्क में वही लिखना है जो पहले आपने पढ़ा है, रिड्यूस रिस्क के अंदर भी वही लिखना है जो पहले आपने पढ़ा है। एक एग्जांपल आप यहाँ से लिख सकते हो आउटसोर्सिंग जो इसका एग्जांपल है, तो वो आप यहाँ से लिख दोगे। अवॉइड रिस्क में वही लिखना है जो आपने वहां से पढ़ा है। कंबाइंड रिस्क के अंदर ये लिखा है कि दो या उससे ज्यादा रिस्क अगर है तो उसको रिड्यूस करा जा सकता है बाय कंबाइनिंग
स्ट्रेटजी जनरली सुटेबल है फाइनेंशियल रिस्क से जब डील कर रहे हैं तब। शेयरिंग रिस्क में इंश्योरेंस का एग्जांपल आप लिख करके आ जाओगे। हेजिंग रिस्क के अंदर जो भी आपको हेजिंग से रिलेटेड समझाया गया है, आई होप समझाया गया होगा, जो भी समझाया गया वो आप लिख करके आ सकते हो। साथ में आप ये लिख करके आ सकते हो कि ये कहां पर यूज होता है, जहां एक्सपोजर होता है फंड्स का टू फ्लक्चुएशंस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट या प्राइसेस वगैरह, ठीक है। उसके बाद मेंटेनिंग द रिस्क स्ट्रेटजीज के अंदर ये लिखा है कि रिस्क एनवायरमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कंटीन्यूअसली चेंज होता रहता है, ठीक है। प्रायोरिटीज जो है वो भी चेंज होती रहती है, जो इंपॉर्टेंस है रिस्क का वो भी बदलता रहता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस होना चाहिए वो डायनामिक और ऑनगोइंग होना चाहिए, ठीक है। आपको पीरियोडिक रिव्यू करते रहना है रिस्क को, और उसके अकॉर्डिंग जो भी कंट्रोल्स हैं आपके, जो आपने एस्टैब्लिश करके रखे हैं, उसमें एडजस्टमेंट करना है। उसके बाद जो भी ऑप्शन आप अडॉप्ट करोगे वो आपको रेगुलरली रिव्यू करते रहना है। सुटेबल टूल्स जो है वो आप यूज कर सकते हो आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपकी रिस्क स्ट्रेटजी अप टू डेट है या नहीं है। एक ऐसा टूल है कंट्रोल एंड रिस्क सेल्फ असेसमेंट प्रोसीजर, इसके अंदर आप रिव्यू करते हो रिस्क, ठीक है, और कंट्रोल्स को, दोनों को रिव्यू करते हैं, रिस्क को भी और जो कंट्रोल्स हमने एस्टैब्लिश करें हर एक लेवल पर। एंड यूज करा जाता है नॉलेज एक्सपीरियंस और स्टाफ का जो कि उस फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, ये समझने के लिए कि रिस्क के अंदर क्या चेंजेस आए हैं और उस चेंज के अकॉर्डिंग हमारा जो कंट्रोल है एक्जिस्टिंग कंट्रोल वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, तो ये इसके अंदर आएगा। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की आपको जो ये डेफिनेशन दी हुई है तो इसको आप याद रखोगे, ठीक है। इसके अंदर बोला है कि फ्रॉड का मतलब है मींस एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स जो कमिट करती है पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट या उसके कॉन्विवेंस अगर कमिट करा जा रहा है या उसका एजेंट वगैरह कर रहे हैं विद इंटेंट टू डिसीव या इंड्यूस अ पर्सन की वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे। इसके अंदर ये सारी चीज आएंगी, सजेस्टिंग दैट अ फैक्ट इज ट्रू when it is not true and person making the suggestion does not believe it to be true. Active concealment factor by a person having knowledge or belief of the fact. Promise made without any intention of performing it. Any other act fitted to deceive या any such act or omission जिसको fraudulently declare कर दिया law ने। Companies Act वाली ये जो definition ही आपने बहुत जगह पढ़ी होगी, ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है, ये एक बार आप read कर लोगे। उसके बाद में आते हैं fraud risk management policy के ऊपर। fraud risk management policy जो है वो incorporate करी जानी चाहिए और aligned होना चाहिए internal control और risk management के साथ में। ये policy जो है ये किन किन चीजों में मदद करती है, strengthen करने में मदद करती है existing anti fraud control को by raising the awareness across the company, promote करती है open transparent communication कल्चर, प्रमोट करती है जीरो टॉलरेंस टू फ्रॉड मिसकंडक्ट, एनकरेज करती है एम्प्लॉइज को टू रिपोर्ट सस्पिशियस केसेस ऑफ फ्रॉड मिसकंडक्ट, स्प्रेड करती है अवेयरनेस अमंग द एम्प्लॉइज एंड एजुकेट करती है उनको उनको रिस्क के ऊपर जो कंपनी फेस कर रही है। उसके बाद फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, इसमें फ्रॉड को डिफाइन करा जाएगा कि कंपनी फ्रॉडुलेंट ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको कंपनी फ्रॉडुलेंट कंसिडर करती है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करे जाएंगे ऑफिसर्स के जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है, या इन्वॉल्व होंगे इन द इफेक्टिव प्रिवेंशन डिटेक्शन मॉनिटरिंग एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड। कम्युनिकेशन चैनल जो एस्टैब्लिश करा जाएगा, तो एम्प्लॉइज को एनकरेज करा जाएगा कि वो रिपोर्ट करें जो भी फ्रॉड या मिसकंडक्ट के केसेस हैं, जब भी उनको ऐसा लगता है कि यानी जिन भी एम्प्लॉइज के पास में नॉलेज है कि फ्रॉड जो है वो हुआ है या मिसकंडक्ट हुआ है तो उसको रिपोर्ट करें इमीडिएटली, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल। डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद में डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे जो भी फ्रॉडस्टर होगा उसके खिलाफ एज पर द कंपनी पॉलिसी, एंड पॉलिसी को रिव्यू करेंगे। सो एम्प्लॉइज को आपको एजुकेट करते रहना है, ठीक है, जो भी एम्प्लॉइज मतलब वो अपने टीम मेंबर्स को एजुकेट करते रहे ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्लाइंग विद द कंपनीज पॉलिसी एंड प्रोसीजर एंड रिपोर्टिंग ऑफ द सस्पिशन एक्टिविटी बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट। इस पॉलिसी को क्या करा जाएगा, पीरियोडिकल बेसिस पे रिव्यू करा जाएगा। उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड जो है, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड के अंदर आपको बोला है कि पढ़ा हुआ यार आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये आपको वैसे आता है, बट ये पेनल्टी का जो अमाउंट है आप याद रखो कि लिस्टेड कंपनी के केस में अगर फेल हो जाता है ऑडिटर अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने में, तो लिस्टेड एंटिटी जो होती है, लिस्टेड कंपनी जो होती है, सॉरी, उसके केस में 5 लाख रुपीज की पेनल्टी है और अदर कंपनीज के केस में 1 लाख रुपीज की पेनल्टी है। देन उसके बाद नेक्स्ट चीज है ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज ने जो फ्रॉड करा है बस वही बताना होता है, जो थर्ड पार्टीज ने या वेंडर कस्टमर ने करा है वो बताने की जरूरत नहीं होती। रेपुटेशन रिस्क मैनेजमेंट में लिखा है रेपुटेशन रिस्क जो है वो अराइज होती है नेगेटिव परसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ कस्टमर, काउंटर पार्टी, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, डेट होल्डर, मार्केट एनालिस्ट या और भी दूसरी जो रेलेवेंट पार्टी हो सकती है रेगुलेटर्स, जिससे एडवर्सली अफेक्ट होता है आपकी एबिलिटी टू मेंटेन एक्जिस्टिंग एस्टैब्लिश न्यू बिजनेस रिलेशनशिप एंड योर कंटिन्यूड एक्सेस टू द सोर्सेज ऑफ फंडिंग। ये रिस्क मल्टी डायमेंशनल होती है, ठीक है, अगर आपका रेपुटेशन लॉस होता है तो उससे क्या क्या डैमेजेस हो सकते हैं, आपकी ब्रांड वैल्यू डिस्ट्रॉय हो सकती है, शेयर वैल्यू जो है वो गिर सकती है, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप खत्म हो सकते हैं, रेगुलेटरी रिलेशनशिप डैमेज हो सकती है, और रिक्रूटमेंट जो करना है क्वालिटी स्टाफ का, क्वालिफाइड स्टाफ का, वो करने में या रिटेंशन ऑफ द ओल्ड एम्प्लॉइज जो है वो करने में आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। मैनेज कैसे कर सकते हैं, ये सब प्रिंसिपल्स की मदद से, इंटीग्रेशन ऑफ रिस्क वाइल फॉर्मुलेटिंग द बिजनेस स्ट्रेटजी, इफेक्टिव बोर्ड ओवरसाइट, इमेज बिल्डिंग टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रमोटिंग कंप्लायंस कल्चर टू हैव गुड गवर्नेंस, परसिस्टेंटली फॉलोइंग अप द कॉर्पोरेट वैल्यूज, ड्यू केयर इंटरेक्शन एंड फीडबैक फ्रॉम द स्टेकहोल्डर, स्ट्रॉन्ग इंटरनल चेक कंट्रोल, पीयर रिव्यू एंड इवैल्यूएटिंग द कंपनी परफॉर्मेंस, क्वालिटी रिपोर्ट, न्यूज़लेटर पब्लिकेशन एंड कल्चरल अलाइनमेंट्स। Then responsibility of risk management के अंदर लिखा है 134(3)(n) के according एक statement देना होता है with respect to the risk management policy कि हाँ भाई risk management policy develop और implement कर दी गई है, और इसके अंदर आप identify करके भी बताते हो elements of risk वगैरह जो board को लगता है कि company के existence के लिए जो है basically नुकसानदायक, यानी कि threaten कर रहे हैं existence of the company को, हो सकता है कि इस कारण से company बंद भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद में सेकंड लिखा है कि प्रोसीजर्स ले डाउन करेंगे टू इन्फॉर्म द बोर्ड मेंबर्स अबाउट द रिस्क असेसमेंट एंड मिनिमाइजेशन प्रोसीजर। बोर्ड रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर फ्रेमिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्लान। तो आपसे इतना लिख देना है कि बोर्ड रिस्पॉन्सिबल होगा रिस्क मैनेजमेंट प्लान के लिए। रिस्क मैनेजमेंट प्लान के अंदर सारे एलिमेंट्स रिस्क के इंक्लूड होने चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज रिफ्लेक्ट करें कंपनी की रिस्क प्रोफाइल और क्लियरली डिस्क्राइब करें सारे एलिमेंट्स ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड इंटरनल ऑडिट फंक्शन। क्लियरली डिस्क्राइब करना है रोल्स एंड अकाउंटेबिलिटीज ऑफ द बोर्ड, ऑडिट कमिटी, अदर बोर्ड कमिटीज विद रिस्पेक्ट टू द रिस्क। आइडेंटिफाई करना है चीफ रिस्क ऑफिसर को, ठीक है। रेगुलेशन 21 ऑफ सीबीएलओडीआर के अकॉर्डिंग हर एक लिस्टेड कंपनी जो उसको रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी है। तो ये इतने पॉइंट्स है। फिर उसके बाद यहाँ से आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है रोल ऑफ सीएस इन रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग जो दी नहीं उन्होंने।
फॉर्मेटिंग में मिस हो गई होगी, बट रोल ऑफ सीएस इन रिस्क मैनेजमेंट, इसमें लिखा है गवर्नेंस प्रोफेशनल जिनका रोल है, क्या रोल है, टू एनफोर्स अ कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ठीक है, क्यों, टू सेफगार्ड द इंटीग्रिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू प्रमोट हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिकल बिहेवियर। देन उसके बाद इनके फंक्शंस क्या क्या, एडवाइस करना बेस्ट प्रैक्टिस पे विद रिस्पेक्ट टू गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस, चैंपियनिंग द कंप्लायंस फ्रेमवर्क टू सेफगार्ड ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रिटी, प्रमोटिंग एंड एक्टिंग एज अ साउंडिंग बोर्ड ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिकल एंड कॉर्पोरेट बिहेवियर एंड बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ द बोर्ड गवर्निंग बॉडी, ठीक है, मैनेजमेंट और अदर स्टेक होल्डर्स। उसके बाद में टॉप लेवल ऑफिसर है ये तो और बोर्ड का कॉन्फिडेंट है, तो सीएस जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब ईआरएम को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने की बात आती है थ्रू आउट द कंपनी। सीएस जो उसको इंश्योर करना है कि इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क जो है बना होना चाहिए, ठीक है, ऑन विच अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज बिल्ट, इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप इंटरनल कंट्रोल जो है वो बिल्ड करोगे। देन रिस्क एंड कंट्रोल कॉन्शियसनेस जो है स्प्रेड करना है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि रिस्क फैक्टर जो है वो कंसिडर करा जा सके एट एवरी स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रेटजी, अवेयरनेस क्रिएट करनी अबाउट द इंटर रिलेशनशिप ऑफ रिस्क अक्रॉस द बिजनेस यूनिट एंड एट एवरी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको पूरा लिख करके आना पड़ेगा जब रोल आपसे पूछा जाएगा, तो ये सारे पॉइंट भी जो बीच बीच में हमने भी डिस्कस करें। देन उसके बाद में यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि क्या क्या क्वेश्चन जो है वो इफेक्टिवली एड्रेस करने होते हैं बोर्ड लेवल पे, ठीक है। सो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क मैनेजमेंट फिलोसॉफी क्या है, फिलोसॉफी क्लियरली अंडरस्टूड है यानी बाय द पर्सनल रिलेशनशिप के अमंग ईआरएम परफॉर्मेंस एंड वैल्यू, ईआरएम कैसे इंटीग्रेट करें अपने ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव में, डिजायर्ड रिस्क कल्चर क्या है और रिस्क एपेटाइट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स जो है जो आपने सेट करें ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो और क्या स्ट्रेटजीज आप यूज करने वाले उनको अचीव करने के लिए, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्या है आपके, देन उसके बाद इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स या इवेंट्स जो कि पॉजिटिवली नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को टू इंप्लीमेंट इट्स स्ट्रेटजीज एंड अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन का लेवल ऑफ रिस्क टॉलरेंस क्या है, चोजन रिस्क रिस्पॉन्स जो है वो एप्रोप्रिएट है नहीं है, इन लाइन है नहीं विद द रिस्क टॉलरेंस लेवल, एप्रोप्रिएट कंट्रोल एक्टिविटीज जो है इन प्लेस है नहीं एट एवरी लेवल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन इफेक्टिव है नहीं है, कितना इफेक्टिव है प्रोसेस जो करेंटली आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, ऑफ एक्सचेंजिंग द इन्फॉर्मेशन विद एक्सटर्नल पार्टीज, एंड व्हाट इज द प्रोसेस फॉर असेसिंग द प्रेजेंस एंड परफॉर्मेंस क्वालिटी ऑफ ऑल द एट ईआरएम कंपोनेंट्स ओवर टाइम। तो ये जो है ये इसके अंदर आपको क्वेश्चंस याद रखने हैं, ठीक है, इस पे भी सवाल जो है वो आया हुआ है। उसके बाद रिस्क गवर्नेंस, रिस्क गवर्नेंस के अंदर क्या क्या आता है, स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कल्चर जो डिप्लॉय करते हैं डायरेक्टर्स, ठीक है, एक्सरसाइज करने के लिए अपना ओवरसाइट, ये जो रिस्क गवर्नेंस है प्रोवाइड करता है क्लियरली डिफाइंड अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी कम्युनिकेशन रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। इसमें ये जो नीचे पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ से करेंगे। पहला पॉइंट है बोर्ड जो है इसको क्या करना है, बोर्ड को डिफाइन करना है, ठीक है, क्या चीज डिफाइन करना है, रिस्क मैनेजमेंट फिलोसॉफी और रिस्क टॉलरेंस लेवल, ठीक है, यहाँ पर ये रिस्क मैनेजमेंट फिलोसॉफी, रिस्क मैनेजमेंट फिलोसॉफी और रिस्क टॉलरेंस लेवल उसको क्या करना है डिफाइन करना है। देन स्ट्रॉन्ग एमआईएस जो है वो होना चाहिए फॉर रोबस्ट रिस्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ बोर्ड ओवरसाइट एंड डिसीजन मेकिंग। उसके बाद स्ट्रॉन्ग कल्चर होना चाहिए रिस्क रिपोर्टिंग का टू द बोर्ड, ईच डायरेक्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ ब्रेथ ऑफ रिस्क फेस बाय द कंपनी, बोर्ड शुड परफॉर्म अ फॉर्मल रिव्यू ऑफ आरएम एटलीस्ट वंस अ ईयर, ठीक है, आरएम का मतलब रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का आपको इवैल्यूएशन करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, फॉर्मुलेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी विच विल डिफाइन द कंपनीज ओवरऑल रिस्क एपेटाइट, अप्रूव द ट्रांजैक्शंस ओवर एंड अबव द रिस्क थ्रेशोल्ड एंड लिमिट द स्ट्रक्चर्स एंड पॉलिसी, एस्टैब्लिश लिमिट स्ट्रक्चर्स एंड पॉलिसी, ठीक है, ये पॉइंट इसके अंदर आप लिखोगे। उसके बाद एनुअल रिव्यू ऑफ रिस्क ओवरसाइट पॉलिसीज और प्रोसीजर ऑफ द बोर्ड एंड कमिटी लेवल एंड असेस द रिस्क ऑन ऑनगोइंग बेसिस, ये सब रिस्क गवर्नेंस का पार्ट है जो आपको आगे पैराज में दिया हुआ है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर भी मार्क करा हुआ है बट वहां से आप आसानी से कर पाओगे, तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। उसके बाद में जो ये वाला पॉइंट है इसके अंदर, इसमें क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इसमें बोला है कि रिस्क ओवरसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे बोर्ड की एंड उसको अचीव करा जा सकता है रिव्यू मैकेनिज्म के थ्रू, जिसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, डेवलपिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रिस्क को लेकर के जो कंसिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी और रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग, टेकिंग स्टेप्स टू बूस्ट रिस्क अवेयरनेस, एनकरेज एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ऑफ रिस्क एडजस्टिंग अवेयरनेस, मेंटेनेंस ऑफ रिस्क रजिस्टर एंड अ कंप्लायंस सर्टिफिकेट ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिटिगेशन मेजर्स, ये आप पूरा रिस्क गवर्नेंस में ध्यान रखोगे। इसके बाद आपको दिया रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स एंड स्टैंडर्ड्स, इसके अंदर सबसे पहले ईआरएम की बात करी है इन्होंने, तो ईआरएम के अंदर आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि ईआरएम इज अ प्रोसेस अफेक्टेड बाय एंटिटीज बीओडी मैनेजमेंट अदर पर्सनल अप्लाइड इन स्ट्रेटजी सेटिंग एंड अक्रॉस द एंटरप्राइज डिजाइन टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इवेंट्स जो कि अफेक्ट कर सकते हैं एंटिटी को एंड मैनेज रिस्क टू बी विद इन इट्स रिस्क एपेटाइट टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस रिगार्डिंग द अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंदर ये जो मैंने ब्लू से मार्क कर रखा है, अगर आप इसको याद रखते हो तो आपको आसानी से चीजें याद हो जाएंगी, अफेक्टेड बाय हुम अप्लाइड इन डिजाइन टू मैनेज एंड टू प्रोवाइड, ये आप याद रखो। उसके बाद में इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर होती है यार, ठीक है, इन्वॉल्व क्या क्या होता है इसके अंदर ईआरएम के अंदर, सबसे पहले अलाइनिंग द रिस्क एपेटाइट एंड स्ट्रेटजी, ठीक है, इसमें अलाइन करेंगे रिस्क एपेटाइट और स्ट्रेटजी को, यानी आपकी स्ट्रेटजी आपके ऑब्जेक्टिव्स ये सब रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग जो है आपको डिसाइड करना है। देन उसके बाद में एनहांस रिस्क रिस्पॉन्स डिसीजन, ठीक है, इसके अंदर ईआरएम जो है वो आपको प्रोवाइड करता है, क्या चीज प्रोवाइड करता है, आप आसानी से बेसिकली आइडेंटिफाई कर पाते हो रिस्क को, ठीक है, ईआरएम की मदद से, और इसकी मदद से आप सिलेक्ट कर पाते हो अमंग द अल्टरनेटिव रिस्क रिस्पॉन्सेस कि रिस्क अवॉइडेंस करना है, रिडक्शन करना है, शेयरिंग एक्सेप्टेंस, एनहांसिंग द रिस्क रिस्पॉन्स डिसीजन, देन रिड्यूसिंग द ऑपरेशनल सरप्राइजेस एंड लॉसेस, आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग द मल्टीपल एंड क्रॉस एंटरप्राइज रिस्क, सीजिंग द अपॉर्चुनिटीज एंड इंप्रूविंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल, ये पॉइंट्स आपको जो इसके अंदर याद रखना है। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ ईआरएम के अंदर आपको याद रखना है इंटरनल एनवायरमेंट, इसका एक कंपोनेंट है, देन ऑब्जेक्टिव सेटिंग, देन इवेंट आइडेंटिफिकेशन, देन उसके बाद रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग, ये पॉइंट्स जो है वो आपको ध्यान में रखना है इसके अंदर कंपोनेंट्स में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर आता है लिमिटेशंस क्या क्या इसके, तो लिमिटेशंस इसमें ना चार ही लिमिटेशंस है, लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन जजमेंट, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन, लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन जजमेंट, लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन,
देन उसके बाद में लिमिटेशंस विद रिस्पेक्ट टू जो कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ेगी फॉर एस्टैब्लिशिंग द इंटरनल कंट्रोल. ठीक है, सो ये थर्ड वाला है, लिमिटेशन विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट जो आपको इनकर करनी पड़ेगी फॉर एस्टैब्लिशिंग द इंटरनल कंट्रोल, बिकॉज कॉस्ट आप उतनी इनकर करोगे जितना कि आपको बेनिफिट मिलने वाला है. ठीक है, एंड लास्ट इसके अंदर है लिमिटेशन ऑफ कॉल्यूजन, कि दो या उससे ज्यादा लोग मिलकर के आपस में क्या कर सकते हैं, जो भी ERM आपका सिस्टम है ठीक है उसको ओवरराइड कर, मतलब उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं. तो ये लिमिटेशंस किसके हैं, ERM के लिमिटेशंस हैं, और ये भी एग्जाम में आ चुके हैं एक बार. ठीक है, तो ये पैरा आपको दिया हुआ है, बट मैंने इसको इसे हेड्स में डिवाइड कर दिया. लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन जजमेंट, लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट इन एस्टैब्लिशिंग द इंटरनल कंट्रोल, लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन, एंड लिमिटेशन ऑफ कॉल्यूजन. ये आपको इसके अंदर ध्यान में रखना है. उसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर सबसे पहले आपको बोला इन्होंने कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होगा और उसी को अज्यूम करनी है ओनरशिप. जो अदर मैनेजर्स हैं वो सपोर्ट करेंगे एंटिटी के रिस्क मैनेजमेंट फिलोसॉफी को, प्रमोट करेंगे कंप्लायंस विद द रिस्क एपेटाइट, मैनेज करेंगे रिस्क को जो भी उनके स्फीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में होगी, अलॉन्ग विद द लाइक कीपिंग इन माइंड द रिस्क टॉलरेंस लेवल जो सेट करा गया. रिस्क ऑफिसर, फाइनेंशियल ऑफिसर, इंटरनल ऑडिटर और जो दूसरे बाकी सब लोग हैं, ये की सपोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करने का काम करेंगे. जो अदर एंटिटी पर्सनल है वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर एग्जीक्यूटिंग द ERM. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट ओवरसाइट जो है वो प्रोवाइड करेंगे टू ERM. एक्सटर्नल पार्टीज जैसे कस्टमर, वेंडर, बिजनेस पार्टनर, एक्सटर्नल ऑडिटर, रेगुलेटर्स वगैरह, फाइनेंशियल एनालिस्ट वगैरह, ये भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ERM को इफेक्ट करने के लिए, बट ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द ERM. ये आपको याद रखना है, तो इसको भी आप ऐसे डिवाइड करके याद रख सकते हो. CEO के बारे में इसमें आपको बताना है, देन उसके बाद में जो अदर मैनेजर्स हैं उनके बारे में आपको बताना है, देन उसके बाद में रिस्क ऑफिसर, फाइनेंशियल ऑफिसर, इंटरनल ऑडिटर और बाकी के जो भी लोग हैं वो जो की सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उनके बारे में, अदर एंटिटी पर्सनल क्या करेगा, BOD क्या करेंगे और एक्सटर्नल पार्टीज क्या करेंगे. इस तरीके से आप जो है ऐसे डिवाइड करके इसको याद रख सकते हो और अपना आंसर भी आप इस तरीके से लिख के आ सकते हो. जब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे आपको सवाल आता है तो CEO आपने हेडिंग डाला उसके बारे में बता दिया, अदर मैनेजर हेडिंग डाली उसके बारे में बता दिया, इस तरीके से. देन उसके बाद में आता है ISO. ISO के अंदर ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है फॉर रिस्क मैनेजमेंट. ये स्टैंडर्ड हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, रिस्क एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट में. ये अप्लाई करता है, ये अप्लाई होता है मोस्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज पे, चाहे वो प्लानिंग हो, मैनेजमेंट ऑपरेशन हो या कम्युनिकेशन प्रोसेस हो. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इसकी मदद से अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, गवर्नेंस और स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस को अच्छा कर पाते हैं, इंप्रूव कर पाते हैं व्हाइल मिनिमाइजिंग द लॉसेस. स्कोप के अंदर क्या लिखा है, गाइडलाइन है फॉर द डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस टू अर्बन ऑर्गेनाइजेशन. ये प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस, ठीक है, टू क्रिएट अ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. एंड उसके बाद में ये डेवलप नहीं करा गया है फॉर अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री या ग्रुप. ठीक है, इसको मतलब आप किसी भी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो आप यूज कर सकते हो बेसिकली. ठीक है, तो आप ये एक लाइन लिख के आ सकते हो सिंपल सा, यार किसी भी इंडस्ट्री की कंपनी है वो यूज कर सकती है. इसमें ब्रॉड स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल स्टेक होल्डर्स, अपॉइंटमेंट होल्डर्स, रिस्क एनालिस्ट, मैनेजमेंट ऑफिसर्स, लाइन मैनेजर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स, कंप्लायंस एंड इंटरनल ऑडिटर्स और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स. इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, ये इंक्रीज करता है लाइक्लीहुड ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, एनकरेज करता है प्रोएक्टिव मैनेजमेंट, इंप्रूव करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, इंप्रूव करता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, गवर्नेंस इंप्रूव करता है, स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस ट्रस्ट इंप्रूव करता है, कंट्रोल इंप्रूव करता है, इंप्रूव करता है ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, मिनिमाइज करता है लॉसेस और इंप्रूव करता है ऑर्गेनाइजेशनल रेजिलियंस. तो ये सब आप जो है ये याद कर सकते हो जो टिक मार्क करे हुए हैं. देन उसके बाद में कैसे रिस्क से डील करेंगे, तो अवॉइड कर सकते हैं रिस्क को, ठीक है, एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं रिस्क के सोर्स को, चेंज कर सकते हैं लाइक्लीहुड को, चेंज कर सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस को, शेयर कर सकते हैं रिस्क को या रिटेन कर सकते हैं रिस्क को. ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर ISO और ERM के अंदर. इसके बाद में आपको दिया स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट. स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको दिया स्ट्रेटेजिक रिस्क अराइज होती है व्हेन अ कंपनी फेल्स टू एंटीसिपेट द मार्केट नीड्स इन अ टाइमली मैनर. स्ट्रेटेजिक रिस्क में आपने आगे जो पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिस्क के अंदर वो वाला भी पोर्शन आप यहाँ पर लिख करके आ सकते हो. स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट का मतलब आइडेंटिफाई करना, क्वांटिफाई करना, मिटिगेट करना कोई भी रिस्क को जो अफेक्ट करती है इनहेरेंट कंपनी के बिजनेस स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव्स या स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन में. ये कारण हो सकते हैं स्ट्रेटेजिक रिस्क के, शिफ्ट इन कंज्यूमर डिमांड प्रेफरेंसेस, लीगल एंड रेगुलेटरी चेंज, कॉम्पिटेटिव प्रेशर, मर्जर इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, सीनियर मैनेजमेंट टर्नओवर एंड स्टेक होल्डर प्रेशर. उसके बाद ये स्ट्रेटेजिक रिस्क इज अ बेल कर्व. आई डोंट नो आपको समझाया गया नहीं समझाया गया, अगर नहीं समझाया गया तो आप इसको भी छोड़ दो. उसके बाद में आप आ जाओ सीधे स्ट्रेटेजिक रिस्क को मेजर करा जा सकता है दो मैट्रिक्स का यूज करके. एक इकोनॉमिक कैपिटल जो कि अमाउंट ऑफ इक्विटी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कवर द अनएक्सपेक्टेड लॉसेस बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सॉल्वेंसी स्टैंडर्ड. ये जो स्टैंडर्ड इसको डिराइव करा जाता है कंपनी के टारगेट डेट रेटिंग के अकॉर्डिंग. ठीक है, इसको अप्लाई करा जाता है. ठीक है, तब भी जब आप एंटरप्राइज वैल्यू क्या कर रहे हो डिटरमाइन कर रहे हो. ठीक है, सो ये अप्लाई करा जाता है उसी सेम मेथोडोलॉजी और अजम्पशंस को यूज करके जो हम एंटरप्राइज वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं. एंड सेकंड है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल व्हिच इज एन एंटीसिपेटेड आफ्टर टैक्स रिटर्न इनिशिएटिव के ऊपर डिवाइडेड बाय इट्स इकोनॉमिक कैपिटल. अगर ROC एक्सीड करे कंपनी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल को तो इनिशिएटिव वायबल है और वैल्यू ऐड करेगा. अगर ROC लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो वो वैल्यू डिस्ट्रॉय करेगा. इस तरीके से आप मेजर कर सकते हो इकोनॉमिक कैपिटल की मदद से और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल की मदद से. उसके बाद में स्ट्रेटेजिक रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं, पांच स्टेप्स हैं स्ट्रेटेजिक रिस्क को मैनेज करने के लिए जिनको आप इंटीग्रेट कर सकते हो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन प्रोसेस के अंदर. ठीक है, सबसे पहले डिफाइन द बिजनेस स्ट्रेटजी एंड ऑब्जेक्टिव. ठीक है, आपको सबसे पहले क्या चीज डिफाइन करनी है, आपका बिजनेस स्ट्रेटजी क्या होगा और ऑब्जेक्टिव क्या होगा.
कई सारे फ्रेमवर्क्स है जो कंपनीज यूज करती है अपनी स्ट्रेटजी को प्लान आउट करने के लिए, जैसे कि स्वॉट एनालिसिस एक हो गया या होलिस्टिक बैलेंस स्कोर कार्ड जो होता है, ठीक है, इनका यूज करके वो अपनी स्ट्रेटजी सेट आउट करते हैं। तो आपको बिजनेस स्ट्रेटजी और ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने पहले, फिर आपको केपीआईज जो है वो एस्टैब्लिश करने, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है, रिजल्ट्स को मेजर करने के लिए। देन उसके बाद में आपको आइडेंटिफाई करना है रिस्क जो कि ड्राइव कर सकते हैं वेरिएबिलिटी इन द परफॉर्मेंस, यानी कि इन कारण से परफॉर्मेंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं अचीव कर पाएंगे, ठीक है, वो रिस्क आपको आइडेंटिफाई करना है। एस्टैब्लिश करना है की रिस्क इंडिकेटर्स और टॉलरेंस लेवल फॉर द क्रिटिकल रिस्क, ठीक है, केआरआईज और टॉलरेंस लेवल फॉर क्रिटिकल रिस्क यहाँ पर क्या करे जाएंगे, एस्टैब्लिश करे जाएंगे। एंड देन उसके बाद में प्रोवाइड करना है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग, यहाँ पर कंपनी मॉनिटर करेगी रिजल्ट्स को एंड केआरआईज को ऑन अ कंटीन्यूअस बेसिस, जिससे वो मिटिगेट कर सके रिस्क को जैसे ही वो रिस्क क्या होगी अराइज होगी। तो ये पांच चीज आपको ध्यान रखनी है, डिफाइन करना बिजनेस स्ट्रेटजी एंड ऑब्जेक्टिव्स, एस्टैब्लिश करना KPIs को टू मेजर रिजल्ट्स, आइडेंटिफाई करना रिस्क को जो कि वेरिएबिलिटी लेकर के आ सकती है परफॉर्मेंस में, एस्टैब्लिश करना की रिस्क इंडिकेटर्स को एंड टॉलरेंस लेवल को फॉर क्रिटिकल रिस्क एंड प्रोवाइड करना इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग। उसके बाद में आगे आपको दिया रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, इसके अंदर ये बात लिखी है कि रिस्क मैनेजमेंट का फोकस होता है थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने पे और इंटरनल कंट्रोल इन थ्रेट्स को या उन अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज लेने में आपकी मदद करता है। यहाँ से आइडेंटिफाई कर रहे हैं बट इंटरनल कंट्रोल इन थ्रेट से इन थ्रेट्स को काउंटर करने में और अपॉर्चुनिटीज का फायदा लेने में मदद करता है। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल असिस्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट द लेवल ऑफ रिस्क जो वो लेना चाहते हैं एंड इंप्लीमेंट करना नेसेसरी कंट्रोल टू इफेक्टिवली परसू देयर ऑब्जेक्टिव्स। तो बेसिकली ये रिलेशन बता रहे हैं आपको, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल के बीच में। उसके बाद यहाँ पर आपको ये रिस्क रजिस्टर की एक टेम्पलेट दी हुई है, ठीक है, सजेस्टिव टेम्पलेट है रिस्क रजिस्टर की, ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है टेम्पलेट बना करके। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, रिस्क एरिया आपको बताना है, की रिस्क आपको बतानी है, रूट कॉज बताना है उसका और मिटिगेशन मेजर्स क्या लेंगे वो बताना है, ठीक है। तो ये आप एक बार जो है टेम्पलेट अच्छे से गो थ्रू कर लोगे, ये हेड जरूर आपको ध्यान रखना है इसके, रिस्क एरिया, की रिस्क, रूट कॉज और मिटिगेशन मेजर्स। देन इसके बाद रिस्क मैट्रिक्स, रिस्क मैट्रिक्स के अंदर लिखा है ये मैट्रिक्स है जिसका यूज करा जाता है ड्यूरिंग द रिस्क एंड कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट एक्टिविटी टू डिफाइन द वेरियस लेवल्स ऑफ रिस्क एट ईच स्टेज एक्टिविटी प्रोसेस एंड सब प्रोसेस। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, इंपैक्ट एनालिसिस होता है, लाइक्लीहुड होता है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस होती है, डिजाइन इफेक्टिवनेस होती है। रेटिंग्स को असाइन करा जाता है टू ऑल द अबव कैटेगरीज प्री एंड पोस्ट कंट्रोल एनवायरनमेंट, बेस्ड ऑन द रेटिंग्स एक ग्रॉस इनहेरेंट रिस्क लेवल और रेसिडुअल रिस्क लेवल जो है वो डिटरमाइन करा जाता है। इन द इवेंट जहां पे रेसिडुअल रिस्क लेवल हाई है और पर्टिकुलर कंट्रोल एनवायरनमेंट वीक है, वहां पर एडिशनल कंट्रोल्स जो है वो इंप्लीमेंट करे जाते हैं, ठीक है, उस सिचुएशन को मिटिगेट करने के लिए। इनहेरेंट और रेसिडुअल रिस्क को आप रेड, एम्बर और ग्रीन कलर की मदद से जो है बताते हो, जिसको मैप करा जाता है किसके साथ, हाई, मीडियम, लो रिस्क के साथ। यानी रेड जो है वो यूज करा जाएगा हाई के लिए, एम्बर जो है वो यूज करा जाएगा मीडियम के लिए और ग्रीन जो है वो यूज करा जाएगा लो के लिए। तो ये रिस्क मैट्रिक्स पे भी लिखने को जो है आपको आ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन देर इसके बाद में मॉडल रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, इस पे भी आपको सवाल आ सकता है, इनडायरेक्टली भी आ सकता है, डायरेक्टली भी आ सकता है। डायरेक्टली ऐसा आएगा कि मॉडल रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, यानी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या कंटेंट होने चाहिए, तो वो डायरेक्ट हो गया। या इनडायरेक्ट आएगा, एक कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड दे देंगे केस का कि कंपनी है वो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाना चाहती है तो किस तरीके से जो है बना सकती है, क्या क्या कंटेंट उसको उसके अंदर डालना है। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर लिखकर क्या होगी, इसमें लिखा है रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो बताए जाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू रिस्क, डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिस्क, लेवल एंड नेचर ऑफ रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड अरेंजमेंट्स, डिटेल्स ऑफ प्रोसीजर्स फॉर रिस्क रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन फॉर एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग रिस्क, रिस्क मिटिगेशन रिक्वायरमेंट्स एंड कंट्रोल मैकेनिज्म्स, एलोकेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्क मैनेजमेंट ट्रेनिंग टॉपिक्स एंड प्रायोरिटीज, क्राइटेरिया फॉर मॉनिटरिंग एंड बेंचमार्किंग ऑफ रिस्क, एलोकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज टू रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क एक्टिविटीज एंड रिस्क प्रायोरिटीज फॉर द कमिंग ईयर। तो ये सारी चीजें जो इसके अंदर होगी, अब कुछ जो है पॉइंट्स इसके अंदर से जरूर याद करके जाओ अच्छे तरीके से, ये आपको जो है क्वेश्चन बन के आ सकता है। ये पूरा है आपका रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर।